चलिए, so I'm expecting that everyone of you are completely fine. तो आज हम controlling ecosystem के question answer को solve करेंगे. अच्छा, ये पहला question है. बताइए क्या होगा answer? Question बोला गया है, which of the following is typically true? Which of the following is typically true of invasive species? Invasive species के लिए यहाँ पे कौन सा statement true दिया गया है? पहला बोला है, they are selected. Of course, they are selected. They are case selected. No, they are habitat specialists. No, वो generalist की तरह act करते हैं. They are always introduced by humans. नहीं, हमेशा introduce किए जाए humans के द्वारा ऐसा जरूरी नहीं है. हमने ballast का example देखा था, या फिर कभी कभी होता है कि जैसे ships होती हैं, ship जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो उनके इस बेस वाले एरिया पे कुछ स्पीसीज जो है वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. ठीक है, और या फिर मान लीजिए शिप बहुत लंबे टाइम तक उस पानी में खड़ी है, तो कुछ स्पीसीज या स्पीसीज के एग्स जो हैं वो इस शिप के बेस पे जो है अपना कॉलोनाइजेशन कर लेते हैं, और ये शिप जब एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करती है तो उसके साथ साथ ये स्पीसीज भी ट्रांसफर हो जाते हैं. तो देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज जिसके द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. हमेशा ये ह्यूमन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है. राइट, तो वी कैन गो विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन. चलो अगला सवाल. ऑर्गेनिज्म का उनके डिस्पर्सल एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस का इन इंडिया आपको करेक्ट मैच बताना है. तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के जो नाम है इसको देख के हमको लग रहा है हमने दो के बारे में पढ़ा है, बाकी दो के बारे में नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो दो के बारे में, ये जो टिब्यूबिया रोजिया है इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये इसको मेनली ओरिएंटेशन फ्लावर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था. एंड अचिंतिया फ्यूलिका के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या था, जो कि एक अफ्रीकन जाइंट स्नेल की तरह बिहेव कर रहा था. राइट, मतलब एक जाइंट स्नेल था. तो अगर हम देखें इस तरीके से तो हम क्या इन दोनों के बेसिस पे सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं? तो देखिए अगर मैं ए फ्यूलिका के बारे में बात करूं तो इसको नाम ही दिया गया है, दैट इज अफ्रीकन स्नेल. तो ये हम देखिए यहाँ पे तो एक ही अफ्रीका का ऑप्शन है. राइट, तो फॉर बी वी कैन गो विथ वन. अब बी अगर हम वन के साथ जाए तो देखिए बी का वन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज थर्ड में. ठीक है, उसके बाद अगर हम टी रोजिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम साउथ अमेरिका. राइट, तो इसके लिए हम ए का फोर मैच कर देते हैं. बाकी दो के बारे में हमको पता नहीं है, दैट इज धतूरा, जिसे हम धतूर कहते हैं इंडिया में, धतूर का जो मतलब जिसको मेनली यूज किया जाता है पूजा के तौर पे, भी धतूरा का इस्तेमाल किया जाता है मेनली जब शिवरात्रि वगैरह का टाइम आता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि धतूरा का फूल, धतूरा का फल पत्ता सब कुछ चढ़ाया जाता है. राइट, तो धतूरा जो है वो भी इनवासिव ही है. नेक्स्ट है मेरोपस विरिडिस, ठीक है, ये भी इनवासिव ही है. तो यहाँ पे हमारे पास दो का ऑप्शन है, तो बी का वन एंड ए का फोर. देखिए तो यानी हमें जो दो ही पता है और दो ही के बेसिस पे हम सही ऑप्शन पिक कर सकते हैं. अब धतूरा की बात करते हैं, तो धतूरा जो है यहाँ पे इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया और ये इनवासिव स्पीसीज है जो कि अमेरिका से बिलोंग करता है. और लास्ट हमारे पास है, दैट इज मेरोपिस विरिडिस, जो कि एक तरीके से एंड एक्स्ट्रा लिमिटेड स्पीसीज है, माइग्रेटरी ऑफ और अदरवाइज दैट हैज बीन रिलायबली रिपोर्टेड फ्यूअर देन 10 टाइम्स फ्रॉम द इंडिया. तो अगर पिक्चर कुछ देखना चाहे तो ये है एम विरिडिस और ये है दैट इज धतूरा. तो आपके लिए दो यहाँ पे होमवर्क है. क्या होमवर्क? जिस तरीके से मैंने केस स्टडी आपको पढ़ाया है रिगार्डिंग द डिफरेंट इन्वेसिव स्पीसीज, चाहे वो लंटाना कमारा हो, जूली फ्लोरा हो, या फिर जो पार्थीनियम था, इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स एज केस स्टडी हमने देखा था. तो आप लोग के लिए ये होमवर्क है कि आप लोग के पास जो नोट्स है उस नोट्स में दो और नाम आप ऐड करोगे और उसका थोड़ा सा डिटेल लिखोगे. वो कौन से दो नाम होंगे? दैट इज एम विरिडिस का और धतूरा का. तो ये दो नोट्स आपको अपने नोट में ऐड करने हैं अपनी तरफ से, और उसके थोड़े से डिस्क्रिप्शन वहां पे ऐड करने हैं कि ये कहां से बिलोंग करता है, कहां कहां पे पाया जाता है, क्या फीचर्स है, एक्स वाई जेड. ठीक है, तो ये दो होमवर्क है, यानी होमवर्क मतलब कि आपको अपने नोट्स में इसको ऐड करके रख लेना. ठीक है, चलो, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे थर्ड. चलो बताओ क्या होगा आंसर. बोला गया है इन अ लेक रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ फिश विच फीड ऑन प्लैंकटॉन्स. ओके, तो एक फिश का पॉपुलेशन है जो कि प्लैंकटॉन्स पे फीड करता है. फिश तो ऑब्वियसली किस पे फीड करेगा? जू प्लैंकटॉन्स पे फीड करेगा. राइट, ये जू प्लैंकटॉन पे फीड करता है, फॉलोड बाय डिक्लाइन इन द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लो हो रहा है, तो क्या बोला जा रहा है कि अगर आप फिश का पॉपुलेशन रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन करता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करते हैं फाइटोप्लैंकटॉन्स. तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जा रहा है. ठीक है, तो सीधी सी बात है, फिश कम हो रहा है मतलब कि ये जो जू प्लैंकटॉन्स हैं ये ज्यादा हो जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि फिश जब रिड्यूस हो जा रही है तो वो कम नंबर में फिश प्लैंकटॉन्स पे फीड कर रही है, जू प्लैंकटॉन का नंबर ज्यादा हो जा रहा है. जब जू प्लैंकटॉन का नंबर ज्यादा हो रहा है तो वो ज्यादा नंबर में फाइटोप्लैंकटॉन पे फीड कर रहा है, तो कम फाइटोप्लैंकटॉन के लिए. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? अपना खाना बनाना, सिंपल भाषा में कहें तो फोटोसिंथेसिस करना. दिस कंसिस्टेंट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. आपको बताना है ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है ये किससे मैच कर रहा है. क्या ये बॉटम अप कंट्रोल है? नहीं. क्या ये यूट्रोफिकेशन का केस है? बिल्कुल नहीं. क्या ये टॉप डाउन कंट्रोल है? बिल्कुल. ये टॉप डाउन कंट्रोल का ही एग्जांपल है, क्योंकि टॉप का जो स्पीसीज का स्टेटस है वो अपने से नीचे वाले सारे के स्टेटस को चेंज कर देना है. एंड दिस इज अ टॉपिक पिरामिड, नो, तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन. चलिए बताइए आंसर क्या होगा. बोला गया है दो लेक है विद अ सिमिलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, प्लैंक्टिवोरस फिश फूड चेन. अच्छा, तो दो लेक है. लेक वन का केस क्या है? लेक वन का केस ले लेते हैं. लेक वन में हमारे पास है फाइटोप्लैंकटन पीपी, जू प्लैंकटन जेडपी एंड प्लैंक्टिवोरस फिश. प्लैंक्टिवोरस फिश यानी स्मॉल फिश की बात की गई है.
ठीक है, विद चूजर। और लेक टू में भी सेम यही केस है, लेक टू में भी क्या है, फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन, स्मॉल फिश। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द टॉप डाउन इफेक्ट सम पिस्कीवोरस फिश विच फीड ऑन प्लैंकटोनस फिश, यानी लार्ज फिश की बात की गई जिसे हम पिस्कीवोरस फिश कहते हैं, वेर इंट्रोड्यूस इन द लेक वन। तो लेक वन में क्या किया गया, अलग से एक लार्ज फिश को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्या स्टडी करने के लिए, टॉप डाउन कंट्रोल स्टडी करने के लिए। तो हम अब एरो इस तरीके से लगा सकते हैं नीचे की तरफ, राइट। उसके बाद क्या बोला गया है, मेकिंग इट अ लेवल ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, 4 ट्रॉपिक लेवल का बन गया। लेक टू में क्या किया गया, लेक टू वॉज इनरिच्ड बाई एडिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। अब लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट एड कर दिया गया, जो कि क्या करेगा, जो फाइटोप्लैंक्टन को फ्लोरिश करने में मदद करेगा। क्यों, क्योंकि लेक टू में जो है हम बॉटम अप कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो हमने लगा दिया, ठीक है। चेंज इन द बायोमास ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल वेर मेजर्ड, अब हर एक ट्रॉपिक लेवल के टॉपिक लेवल में जो बायोमास में चेंजेस आए उसको स्टडी किया गया, आपको बताना है क्या चेंजेस आए। तो पहले हम अपना रिजल्ट देख लेते हैं, लेक वन में क्योंकि लार्ज फिश इंट्रोड्यूस हुई है तो वो स्मॉल फिश का नंबर क्या कर देगी, कम कर देगी, तो स्मॉल फिश हो जाएगी लो, वो लो नंबर में जू प्लैंकटन पे फीड करेगी तो जू प्लैंकटन का नंबर क्या रहेगा, हाई रहेगा, और हाई नंबर में जू प्लैंकटन फाइटो प्लैंकटन पे फीड करेंगे तो इनका नंबर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ये है हमारा रिजल्ट। लेकिन लेक टू में क्या होगा, फाइटो प्लैंकटन को क्योंकि नाइट्रेट एंड फॉस्फेट मिल रहा है तो ये जो है हाई हो जाएंगे, ये हाई होंगे तो ये जू प्लैंकटन को भी हाई कर देंगे क्योंकि जू प्लैंकटन को अच्छा खाना मिलेगा, जू प्लैंकटन का बायोमास ज्यादा होगा तो ये स्मॉल फिश का बायोमास ज्यादा कर देगा तो ये भी हाई रहेगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन पिक करना है, हमने अपना रिजल्ट निकाल लिया कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। फर्स्ट में बोला है लेक वन में जू प्लैंकटन का बायोमास इंक्रीज होगा, लेक वन में जू प्लैंकटन का बायोमास इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा है, हाँ हो रहा है। लेक टू में जो है फाइटोप्लैंकटन और प्लैंकटिवोरस फिश दोनों का ही बायोमास इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ये ट्रू हो गया, सही सही एकदम बोला है। लेकिन ऑप्शन देखिए कैसे गलत हुआ, लेक वन में बोला है जू प्लैंकटन का बायोमास डिक्रीज हो रहा है, नहीं हमको तो इंक्रीज मिल रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है जब पहला ही लाइन गलत बोल दिया गया है। थर्ड में बोला है लेक वन प्लैंकटिवोरस फिश बायोमास एंड फाइटोप्लैंकटन बायोमास डिक्रीज, प्लैंकटिवोरस एंड फाइटोप्लैंकटन डिक्रीज हो रहे हैं, हाँ हो रहा है। लेक टू में बोला है फाइटोप्लैंकटन बायोमास एंड प्लैंकटिवोरस फिश बायोमास डिक्रीज, यहाँ कोई डिक्रीज नहीं हो रहा है, सब इंक्रीज हो रहे हैं, गलत हो गया ये भी। फोर्थ में बोला है लेक वन में प्लैंकटिवोरस फिश और जू प्लैंकटन बायोमास इंक्रीज हो रहा है, नहीं दोनों एक साथ कैसे इंक्रीज होगा, एक ऊपर एक नीचे तो एक इंक्रीज एक डिक्रीज होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो विद दिस वी कैन गो विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, राइट। कितना इजी सा सवाल था, दिख बड़ा रहा है लेकिन इतने सारे इसमें इन्फॉर्मेशन दिए गए कि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। चलो अगला सवाल, ओके क्या बोला गया है, एक स्मॉल लेक है जिसमें तीन ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं, दैट इज फाइटोप्लैंकटन, फिर है जू प्लैंकटन एंड देन है प्लैंकटिवोरस फिश जिसको हम बोलते हैं स्मॉल फिश, ठीक है, इन टू द लेक। अब पॉपुलेशन ऑफ पिस्कीवोरस फिश जो कि सेकेंडरी कार्निवोर होता है उसे इंट्रोड्यूस किया गया टॉप डाउन इफेक्ट को स्टडी करने में, यानी लार्ज फिश को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम पिस्कीवोरस फिश कहते हैं, और क्या स्टडी किया जा रहा है, टॉप डाउन कंट्रोल है, हम एरो जो है टॉप से डाउन की तरफ लगा सकते हैं। What is the expected long-term consequences of such introduction? क्योंकि large fish को introduce किया गया है तो आपको बताना इस introduction के result में क्या देखने को मिलेगा। तो अगर मैं status की बात करूँ तो small fish का number क्या हो जाएगा, low हो जाएगा due to the introduction of large fish, zooplankton का number high हो जाएगा due to the less feeding efficiency of small fish number, and then इसके result में क्या हो जाएगा, phytoplankton का number low हो जाएगा due to the high number of zooplankton presence, right? अब आप answer देख लीजिए कौन सा match हो रहा है, zooplankton biomass increases, हमारा भी increase हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, फाइटोप्लैंकटन का बायोमास डिक्रीज होगा, यस ये हमारा भी ट्रू, पहला ही ऑप्शन देखिए ट्रू हो गया, बाकी ऑप्शन आप करते हैं तो इजीली आप रिजेक्ट कर पाएंगे क्योंकि हमारे कंक्लूजन के साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। इजी अगेन, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आए हैं, जो पढ़ा है वही सॉल्व, एकदम चुटकियों में सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है फॉलोइंग फिगर शोज मैकार्थर एंड विल्सन इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ बायोटा ऑन अ सिंगल आइलैंड, आपको ए बी सी डी बताना है क्या है, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पे, ए है सीधी सी बात इमिग्रेशन, बी क्या है यहाँ पे, बी है यहाँ पे एक्सटिंक्शन, सी क्या है यहाँ पे, सी है यहाँ पे इक्विलिब्रियम, और डी क्या है यहाँ पे, डी है यहाँ पे स्पीसीज पूल, सिंपल पूरा डायग्राम दिया है, बोला है कि बताओ एबीसीडी क्या है, अगर इसको मैच करते हैं तो हमको मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है इजी। चलो अगला सवाल चलिए बताइए क्या होगा आंसर, बोला है दो आइलैंड है ए और बी लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 180 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द मेन लैंड, तो एक मेन लैंड बना लीजिए, यहाँ से ए का डिस्टेंस है, ए आइलैंड का डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और बी का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है रेस्पेक्टिवली, ये रहा ए ये रहा बी, लेकिन ए का जो साइज है वो है 160 स्क्वायर किलोमीटर यानी ये छोटा है, और बी का जो साइज है वो है बड़ा, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा सही होगा, तो ये आइलैंड क्या है, ए वाला क्या है, ए वाला फेयर एंड स्मॉल दोनों है, और बी वाला क्या है, बी वाला नियर एंड लार्ज दोनों है, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है आप समझ गए होंगे कहाँ पे ज्यादा इसका स्टेटस होगा। बोला है आइलैंड ए इज लाइकली टू हैव द हायर एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन के मामले में हम क्या देखते हैं, दैट इज द साइज देखते हैं, तो बोला एक्सटिंक्शन हाई होगा, यस स्मॉल है ये आइलैंड, एक्सटिंक्शन हाई होगा, एंड लोअर कॉलोनाइजेशन यानी एंट्री भी लो होगी, फार है ये तो ऑब्वियसली एंट्री भी लो होगी रेट कंपेयर टू द आइलैंड बी, बिल्कुल सही,
क्योंकि बी में क्या होगा, बी में यहाँ एंट्री भी हाई होगी और एग्जिट भी लो होगी, जबकि ए में क्या है, एंट्री भी लो और एग्जिट भी हाई। तो ये ए स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट ही हमारा सही हो गया। सेकंड देखिए, बी इज लाइकली टू हैव दी हायर एक्सटिंक्शन, नहीं, बी में हायर एक्सटिंक्शन क्यों होगा जब ए जो एरिया है वो लार्ज है, तो ये गलत हो गया। बोला ए इज लाइकली टू हैव दी लोअर एक्सटिंक्शन, नहीं, स्मॉलर आइलैंड है, हायर एक्सटिंक्शन होगा, गलत हो गया ये। ए एंड बी आर लाइकली टू हैव द इक्वल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन एंड कॉलोनाइजेशन, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। तो वी कैन गो विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द मैकआर्थर एंड विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? पहला, लार्जर आइलैंड आइलैंड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट, यहाँ पे मेन लैंड को कॉन्टिनेंट बोल दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी मेन लैंड को कॉन्टिनेंट भी कह दिया जाता है, ठीक है। लार्जर आइलैंड एंड आइलैंड क्लोज टू द कॉन्टिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ मोर स्पीसीज देन अ स्मॉलर एंड आइसोलेटेड आइलैंड। तो अगर ये पहला वाला स्टेटमेंट ही देखा जाए तो ये सही बोला, लार्ज रहेगा तो एग्जिट कम होगा, क्लोजर रहेगा तो एंट्री ज्यादा होगा। तो ये दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, एक एरिया, एक आइलैंड तो जो है स्पीसीज का नंबर हाईएस्ट कर देते हैं, तो ये तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, स्मॉलर आइलैंड एंड आइलैंड फार फ्रॉम द कॉन्टिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव द मोर स्पीसीज, बिल्कुल गलत। स्मॉलर आइलैंड एंड आइलैंड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव द मोर स्पीसीज, नो, गलत। मोर स्पीसीज आर एक्सपेक्टेड ऑन ऑल द आइलैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, बिल्कुल नहीं। तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेडिक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द विल्सन मैकआर्थर थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, इनमें से कौन सा प्रेडिक्शन आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी के लिए सही नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन है, द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन एन आइलैंड शुड इंक्रीज विद इट्स साइज एंड एरिया, नंबर ऑफ स्पीसीज जो है आइलैंड पे उसके साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़नी चाहिए, बिल्कुल। लार्ज एरिया में जो एग्जिट होता है वो लो होता है, तो हैंस ऑटोमेटिकली स्पीसीज का नंबर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो ट्रू है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पीसीज वुड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ द आइलैंड फ्रॉम द सोर्स पोर्ट, ये भी सही है। अगर आइलैंड जो है बहुत फार रहेगा तो वहाँ पे स्पीसीज का जो एंट्री होगा वो बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्न ओवर ऑफ स्पीसीज शुड बी कॉमन एंड फ्रीक्वेंट, हमने कुछ भी टर्न ओवर के बारे में नहीं पढ़ा है, राइट। नेक्स्ट, स्पीसीज रिचनेस ऑन एन आइलैंड शुड बी रिलेटेड टू द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द नेबरिंग आइलैंड, बिल्कुल स्पीसीज रिचनेस जो है डिस्टेंस से बिल्कुल रिलेट कर सकता है। तो हमको बोला गया था कौन सा प्रेडिक्शन नहीं है, थर्ड वाला प्रेडिक्शन जो है आइलैंड बायोजियोग्राफी के लिए बिल्कुल नहीं है। चलो अगला सवाल, ओके चलिए बताइए आंसर क्या होगा। बोला द इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी प्रपोज्ड बाय द मैकआर्थर एंड विल्सन एज्यूम दैट द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन एन आइलैंड रिप्रेजेंट अ बैलेंस बिटवीन, किसके बीच में बैलेंस प्रेजेंट किया जाता है, कितने एंट्री ले रहे हैं और कितना एग्जिट ले रहे हैं, राइट। तो बोला इट इज अ बैलेंस बिटवीन द रिसोर्स कंजम्पशन रेट एंड प्रीडेशन रेट, गलत। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का बैलेंस देखते हैं, नहीं। कॉलोनाइजेशन रेट एंड एक्सटिंक्शन रेट के बीच में बैलेंस देखते हैं, बिल्कुल। स्पीसीएशन रेट एंड हाइब्रिडाइजेशन रेट को देखते हैं, बिल्कुल नहीं। आंसर हो गया हमारा कौन सा, थर्ड। अगला सवाल, फॉरेस्ट फ्रेगमेंट इन एन एग्रीकल्चर लैंडस्केप कैन बी व्यूड एज अ आइलैंड ऑफ हैबिटेट इन द ओशन ऑफ नॉन हैबिटेट, ठीक है। मैकआर्थर एंड विल्सन आइलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द पैटर्न ऑफ स्पीसीज रिचनेस इन दीज फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ बिलो। तो क्या किया गया, एक फॉरेस्ट है जिसको फ्रेगमेंट कर दिया गया, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद क्या हुआ कि कुछ पार्ट का साइज बड़ा था, कुछ पार्ट का साइज छोटा था, कोई पार्ट थोड़ा दूर चले गए, दूर पड़ गए मतलब कि फार हो गए, और कोई पार्ट थोड़े नजदीक हो गए, ठीक है। यानी यहां पर कंसेप्ट साइज और डिस्टेंस दोनों का लगेगा। तो आपको बताना है कि साइज और डिस्टेंस के मामले में आप कौन से ग्राफ को पिक करोगे और उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज रिचनेस उन फ्रेगमेंट्स में कैसे फ्लक्चुएट करेगी। जब फ्रेगमेंटेड एरिया बोला है तो एरिया जब बोल दिया है तो समझ लीजिए साइज की बात कर दी गई है, और जब डिस्टेंस बोल दिया गया तो आपको और क्या चाहिए। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे इन्होंने स्पीसीज रिचनेस को प्रेजेंट किया है। तो भाई साहब अभी अभी हमने पढ़ा है कि स्पीसीज रिचनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, और स्पीसीज रिचनेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो आप, तो मुझे साइज के मामले में एक ही ग्राफ दिख रहा है, ए वाला, जो कि सही होगा कि जब स्पीसीज रिचनेस कम है, कब कम है, जब साइज छोटा है, और स्पीसीज रिचनेस हाई है, कब हाई है, जब साइज बड़ा है। तो पहला ग्राफ हमारे लिए साइज के लिए सेलेक्ट हो गया, सेकंड वाला ग्राफ रिजेक्ट हो गया क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बता रहा है, हम इसके साथ नहीं जा सकते हैं। थर्ड वाला ग्राफ अगेन डिस्टेंस के लिए रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि स्पीसीज रिचनेस हाई कब होगी, जब नियरर आइलैंड होगा, और स्पीसीज रिचनेस ज्यादा कब होगी, जब फार आइलैंड होगा, ये गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ बता रहा है स्पीसीज रिचनेस हाई कब होगी, जब आइलैंड नियरर होगा, जो कि सही होना चाहिए क्योंकि नियरर आइलैंड में एंट्री हाई होती है, और स्पीसीज रिचनेस कम कब हो जाएगी, जब आइलैंड फार हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया इनवर्स रिलेशन, तो ये हो गया डी। तो ए एंड डी ये दोनों ही ग्राफ सही है, जो कि साइज एंड डिस्टेंस दोनों को जो है बताने का काम कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली, क्लियर। तो आप ध्यान दीजिए, तो ये ग्राफ वही है ना, अभी अभी यही तो ग्राफ हमने पढ़ा है, ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है स्पीसीज रिचनेस के, और ये वाला ग्राफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा है स्पीसीज रिचनेस के। यही वाला ग्राफ तो अभी अभी जस्ट हमने देखा था, भूल गया सब इतनी जल्दी, ये देखो जरा, यही तो पढ़ा था अभी जस्ट हमने, राइट। तो फिर क्यों गड़बड़ हुआ, कुछ बच्चे वन कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, कुछ फोर कह रहे हैं, अलग अलग। नमूना नहीं खाया बट कुछ एक मैंने नमूने जरूर खा लिए हैं, जो क्लास में मुझे बहुत परेशान करते हैं। बताओ क्या होगा आंसर। बोला है द अबव ग्राफ इलस्ट्रेट टू लाइंस दैट रिप्रेजेंट द इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन रेट ऑफ एन आइलैंड बेस्ड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मेन लैंड दैट इज डिनोटेड बाय सॉलिड। ये सॉलिड वाला जो लाइन है ये डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है, और डॉटेड वाला लाइन साइज को बता रहा है, मतलब ये वाला साइज ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा ट्रू होगा बोला है, ठीक है। तो अगेन अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस के मामले में एंट्री हाई है, तो डिस्टेंस के मामले में एंट्री हाई है। एंट्री हाई कब होती है, जब डिस्टेंस के मामले में आइलैंड नियरर हो, और एग्जिट देखिए, एग्जिट यहाँ पे लो है, तो साइज के मामले में एग्जिट लो है। एग्जिट कब लो होता है, जब आइलैंड लार्ज होता है, राइट। अब देख लीजिए कौन सा सही होगा। बोला इट इज क्लोज टू द मेनलैंड, नियरर का मतलब क्या होता है, क्लोज यानी नजदीक,
इट इज क्लोज टू द मेनलैंड, यस बट इट इज वेरी स्मॉल. हमको स्मॉल नहीं, हमें हमारा आंसर नियरर मिला है, ये गलत. नेक्स्ट, इट इज क्लोज टू द मेनलैंड, यस एंड इट इज वेरी लार्ज, बिल्कुल सही. वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन, इजी. चलो अगला सवाल. ओके चलो इसका आंसर दो. क्या बोला है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग. फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है. बोला इन 1960s एक्सपेरिमेंट वेर कंडक्टेड टू टेस्ट द थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी. द मेन फाइंडिंग ऑफ दीज स्टडीज इंडिकेट दैट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आगे का आपको ढूंढना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है आइलैंड बायोजियोग्राफी में. द एक्सटिंक्शन एंड द कॉलोनाइजेशन रेट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. हमने तो इक्वल पढ़ा था, हमने पढ़ा था बैलेंस होता है. नेक्स्ट, द कॉलोनाइजेशन रेट आर ग्रेजुअली एक्सीड द दैट इज एक्सटिंक्शन रेट. नहीं, गलत. नेक्स्ट, द ओवरऑल रेट ऑफ कॉलोनाइजेशन विल बी बैलेंस बाय द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. यस, हमने बैलेंस के बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट, द रेट ऑफ कॉलोनाइजेशन विल कंटिन्यू टू इंक्रीज व्हाइल द एक्सटिंक्शन रेट डिक्लाइन. नो, सो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दैट इज इन फेब 2022 एंड सितंबर 2022 में. मतलब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट इन्होंने कर दिया. फेब 2022 को इन्होंने नाम दिया था जून 2021 और सितंबर 2022 को इन्होंने नाम दिया था जून 2022. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फ्रेगमेंटेशन ब्रेक अप द कॉन्टिगुअस ट्रैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट इनटू द स्मॉलर पैचेस. यानी अगर आप एक नेचुरल हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो स्मॉलर पैचेस में डिवाइड हो जाएगा. इन अ फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप वेयर अ प्रीवियसली लार्ज फॉरेस्ट बिकम अ मोजाइक पैचेस ऑफ डिफरेंट साइज. तो फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप कैसा हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट साइज में डिवाइड हो जाएगा. द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी मेड अबाउट द फ्रेगमेंट साइज एंड इट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी. और कुछ यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें कि फ्रेगमेंट के साइज एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में मेंशन किया गया है, और आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन. पहला, स्मॉलर फ्रेगमेंट विल ऑलवेज हैव लोअर स्पीसीज रिचनेस देन द लार्जर फ्रेगमेंट. यस, ट्रू है, ये सही बोला है. नेक्स्ट, स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड अपॉन फ्रेगमेंट साइज, बिल्कुल डिपेंड करेगा. ट्रू. नेक्स्ट, स्पीसीज रिचनेस विल डिपेंड अपॉन फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन द फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स जो होंगे उसके बीच में जो फिजिकल कनेक्टिविटी होगी, यानी जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, उस पर भी स्पीसीज रिचनेस डिपेंड करती है. बिल्कुल. नेक्स्ट, स्पीसीज रिचनेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिटवीन द लार्ज एंड द स्मॉल फ्रेगमेंट. दैट इज गलत. फेब में CSI ने इसको एस्ट्रिकॉट मार्क कर दिया था. एस्ट्रिकॉट मार्क का मतलब हो गया, जिस भी स्टूडेंट ने जो भी आंसर पिक किया होगा वो आंसर उसका सही हो जाएगा. लेकिन सितंबर का जो एग्जाम है, सितंबर के एग्जाम में इसका आंसर जो है थोड़ा बहुत, मतलब कि इसको चेंज नहीं किया गया. यस, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है. तो देखिए, तो सितंबर में जो है इसके आंसर को मे बी शायद किसी ने चैलेंज नहीं किया, इसलिए उन्होंने चेंज भी नहीं किया, और वही गलत आंसर प्रिंट होकर आपको ऑफिशियल आंसर की में दिखेगा. लेकिन फेब के मंथ में कुछ स्टूडेंट ने इसको चैलेंज किया, तो उसका आंसर करेक्ट किया गया. तो CSIR का अगर आंसर देखा जाए, CSIR का अगर आंसर देखा जाए, तो उसने इस तरीके से स्टार मार्क करके रखा है. लेकिन क्योंकि अगर हम देखते हैं इसको, तो सीधी सी बात है, ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं अपने आप में. ठीक है, तो वी कैन गो विथ, मतलब यहां पे तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट के साथ हम जा सकते हैं. ठीक है, इसीलिए ट्रू किया है. लेकिन CSIR का आंसर आपको स्टार मार्क मिलेगा फेब में, और सितंबर में शायद इन्होंने आंसर कौन सा मार्क किया था मुझे उतना याद नहीं है. लेट मी चेक वंस. I'm not sure I'm going to get that. Let me check. No. यहाँ नहीं है. Anyways. Okay. चलिए मैं बता दूंगी. Although उन्होंने सितंबर में आंसर इसका गलत देके रखा है, as it is देके रखा है. ठीक है. मैम always की बात की गई है. कहाँ पे always की बात की गई है? हाँ, तो smaller fragment में. अच्छा, ऐसा ऐसा कहीं लिखा है कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट सही नहीं होते हैं? एब्सोल्यूट स्टेटमेंट काफी सारे केसेस में गलत होते हैं, लेकिन जहां पे एब्सोल्यूट चीजें होती हैं वहां पे तो वो सही करवाएंगे ना. बोला है स्मॉलर फ्रेगमेंट में हमेशा ही स्पीसीज रिचनेस लो पाई जाएगी. स्मॉलर फ्रेगमेंट यानी स्मॉल आइलैंड पे हमेशा ही स्पीसीज रिचनेस कम होगी. तो क्या ये गलत स्टेटमेंट है? जिस आइलैंड का साइज छोटा है, मुझे बताइए वहां पे आप स्पीसीज रिचनेस ज्यादा कैसे करोगे? साइज और रिचनेस के बीच में मैंने रिलेशन बताया था, smaller island, smaller richness. तो वही तो बोला है, it will always have a lower species richness. तो सही है, तो बोला है. तो मुझे बताइए, small island पे, मुझे बताइए, exception भी दे सकते हैं, तो बताइए. ठीक है, इसलिए we can go with A, B and C, all the options. चलो, अगला लेते हैं.
कनेक्टिविटी बोला है, वरना कोई यहाँ पे इस ऑप्शन में से कोई एक्यूरेट ऑप्शन होता ना तो सीएसआर वो खुद मार्क कर देता, लेकिन कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है एक्यूरेट जिसे हम लेकर चल सके। श्वेता, क्या क्वेश्चन में डिस्टेंस के बारे में मेंशन किया है? नहीं, राइट right? इसीलिए हम सिर्फ साइज को लेकर चलेंगे, अगर डिस्टेंस मेंशन करेगा तब चीजें पलटेंगे, क्योंकि साइज छोटा है। और क्यों कह रहा है कि वहां पे रिचनेस कम होगी? क्योंकि वहां का एग्जिट रेट ज्यादा है उसके बेसिस पे। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो है ऑब्वियसली ए बी सी डी अलग अलग चीजें बता के रखी है, आई फॉर इमिग्रेशन, ई फॉर इमाइग्रेशन बता के रखा है। आपको बताना है ए बी सी डी किस टाइप के आइलैंड है। इन्होंने वैसा ही क्वेश्चन बना दिया जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा है, और ये क्वेश्चन फेब 2022 में पूछा गया है, राइट। और वो जो क्वेश्चन है मतलब जो मैंने आपको समझाया था वो मैं पिछले 4 साल से बच्चों को लगातार पढ़ा रही हूँ, तो आप समझ लीजिए वैसा ही पूरा रख के क्वेश्चन बना दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे ए का स्टेटस क्या है, ए पे मुझे मिल रही है हाई एंट्री, ठीक है, और मुझे मिल रही है हाई एग्जिट। तो सॉरी ए पे हम खाली एंट्री कंसीडर करेंगे, तो मुझे मिल रही है एंट्री हाई मिल रही है, मतलब कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होगा नियर, ठीक है। उसके बाद बी पे मुझे मिल रही है एंट्री लो, मतलब कि ये क्या होगा, बी होगा फार। सी पे मुझे मिल रहा है एग्जिट हाई मिल रहा है, हाई मतलब हो गया स्मॉल आइलैंड। और डी पे मुझे एग्जिट लो मिल रहा है, मतलब ये हो गया लार्ज आइलैंड। तो ए हो गया नियर, ए का नियर यहाँ पे सिर्फ एक ही में है, बी है फार, सी है स्मॉल एंड डी है लार्ज। अब देखिए यहीं पे वो रूल आ गया कि एंट्री के लिए हम सिर्फ डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, एग्जिट के लिए हम साइज कंसीडर करेंगे। अब जिस बच्चे को ये चीज क्लियर नहीं है वो ये क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोला है द थ्योरी ऑफ आइलैंड बाय जियोग्राफी हैज सिंथेसाइज्ड इनटू द थ्योरी द फॉलोइंग कांसेप्ट एक्सेप्ट, यानी जो आइलैंड बायोग्राफी थ्योरी है वो इन सब कंसेप्ट को डील करती है एक्सेप्ट वन, यानी यहाँ 3 सही है 1 गलत है। तो कंपटीशन को डील करती है, बिल्कुल डील करती है। हमने कहा भी था कि जो पॉपुलेटेड आइलैंड होंगे उसमें स्मॉल स्पीसीज को कंपटीशन के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो कंपटीशन के साथ इनडायरेक्टली डील करती है। इमिग्रेशन से भी डील करती है, इक्विलिब्रियम से भी डील करती है, स्पीसिएशन से नहीं डील करती है। स्पीसिएशन का मतलब होता है न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन, ये हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये स्पीसिएशन से डील नहीं करती है। सो वी कैन गो विद 4th ऑप्शन। तो बताओ जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दैट इज फ्रॉम योर CSIR 2023 जून से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड नीश ऑफ टू स्पीसीज। टू स्पीसीज की फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड नीश को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। आपको बताना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंडामेंटल नीश कौन सा होगा और रियलाइज्ड नीश कौन सा होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम फिलहाल में अगर बात करें तो हमको 3 ग्राफ मिल रहे हैं, राइट। उस 3 ग्राफ में से अच्छा सबसे बेटर पता है क्या होता है, सबसे बेटर होता है ऑप्शन वाइज चलिए, बढ़िया। पहला बोला गया है कि फंडामेंटल नीश पी है, फंडामेंटल नीश पी है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि फंडामेंटल नीश पी है? ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा सा कवरेज बता रहा है जो कि शायद क्यू नाम का एक तरीके से जो है क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट करके रखा है, यानी ये वाला चीज, ये वाला जो है क्यू बता के रखा है, ये डॉटेड वाले को पी बोला है और सॉरी वेट अ मिनट, हाँ, और ये लाइनिंग वाले को आर बोला है, ठीक है। तो बोला है कि फंडामेंटल नीश पी है, पी अच्छा ये है फंडामेंटल नीश पी है, लेकिन ये जो पी है ये फंडामेंटल नीश कैसे हो सकता है, बिकॉज हमको तो दिख रहा है कि ये किसी और नीश के अंदर आ रहा है, राइट। उसके बाद बोला है रियलाइज नीश क्यू है, और ये क्यू जो है वो एक तरीके से रियलाइज नीश है, तो पी का थोड़ी देर के लिए डाउट हो सकता है, बट क्यू हर हाल में रियलाइज नीश नहीं है, रियलाइज नीश इतना बड़ा कवरेज नहीं रखता है, तो ये हम हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए बोला फंडामेंटल नीश क्यू है, हाँ क्यू का चांसेस है, ये पूरा बड़ा एरिया जो ब्लैंक एकदम ग्राफ है वो फंडामेंटल नीश उसके होने के चांसेस है, बिल्कुल। फिर बोला है रियलाइज नीश पी है, बिल्कुल पी रियलाइज नीश की तरह काम कर सकता है, इनफैक्ट जो आर है वो भी रियलाइज नीश की तरह काम कर सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शन एक ही है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल नीश फिर से पी को बना दिया, यहाँ पे आर को बना दिया, जो कि गलत है। और रियलाइज नीश यहाँ पर पी भी है आर भी है, लेकिन फंडामेंटल नीश यहाँ पे सिर्फ क्यू है, तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन, ठीक है। यस, चलो अगला सवाल। ओके चलो बताइए जी क्या होगा आंसर। छोटा क्वेश्चन है, बोला दी हचिंगसोनियन कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? पहला है बेस्ड ऑन द माइक्रो हैबिटेट ऑक्यूपाइड, नो। मल्टी डायमेंशन हाइपर वॉल्यूम, यस। रोल प्लेड इन इकोसिस्टम, नो। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोल प्लेड एंड माइक्रो हैबिटेट ऑक्यूपाइड, नो। वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब 2 मार्क्स के हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। चलो बताओ क्या होगा आंसर। बोला है कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड इन एन एरिया इज पॉसिबल अंडर फॉलोइंग कंडीशन। आपको बताना है कि जो कोएग्जिस्टेंस है वो किस केस में पॉसिबल है।
पहला ऑप्शन है जब हाई नीश ओवरलैप होगा, बिल्कुल नहीं, हाई ओवरलैप पे कंपटीशन होगा, कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। लो नीश ओवरलैप, हाँ बिल्कुल होगा, आगे बढ़ते हैं। एंड हाई नीश डिफरेंशिएशन, हाँ नीश का डिफरेंशिएशन भी हाई होना चाहिए तभी जाकर कोएग्जिस्टेंस होगा। नेक्स्ट है हाई नीश ओवरलैप, बिल्कुल नहीं, लो नीश ओवरलैप तो ठीक है लेकिन लो नीश डिफरेंशिएशन है, नीश सेग्रीगेशन जो है वो कम रहना चाहिए, नहीं नीश सेग्रीगेशन ज्यादा रहना चाहिए। सो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ स्पीसीज कोएग्जिस्टेंस, कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो स्पीसीज को कोएग्जिस्ट करवाने का ऑप्शन नहीं है। नीश डिफरेंशिएशन में क्या स्पीसीज कोएग्जिस्ट करेंगी, बिल्कुल कोएग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट नीश कॉम्प्लीमेंटैरिटी में बिल्कुल करेंगी बिकॉज उस टाइम पे वो अपना फंक्शनल ट्रेट डिफरेंट कर लेंगी। नीश ओवरलैप में कंपीट करेंगी, अगर नीश ओवरलैप होता है तो देर विल बी कॉम्पिटिशन, मतलब कि देर इज नो को एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स इज ग्रेटर देन, यानी कि रिसोर्स जो है, रिसोर्स अगर बहुत हाई है कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्पीसीज, तो इस केस में भी हमने देखा था कि भाई जब खाने की कमी नहीं है तो क्यों लड़ेंगी, तो ऐसे केस में भी क्या करेंगी, दैट इज को एग्जिस्ट करेंगी, को एग्जिस्ट। ठीक है, तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट ममता फोर्थ कैसे होगा, पढ़ाया था ना क्लास में। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। बोला है थ्री बर्ड स्पीसीज विथ सिमिलर हैबिटेट एंड डाइट प्रेफरेंस को एग्जिस्ट इन अ हैबिटेट, बोला है कि तीन बर्ड स्पीसीज हैं, सिमिलर हैबिटेट है सबका और डाइट प्रेफरेंस भी सेम है और वो सब को एग्जिस्ट कर रही हैं एक ही हैबिटेट में। बोला है फॉर दीज स्पीसीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, इन स्पीसीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सबसे करेक्ट हो सकता है। पहला, द फंडामेंटल एंड रियलाइज नीश ऑफ दीज स्पीसीज आर सेम, बट हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में ऐसा दिया ही नहीं है जिससे कि हम ये कह सके कि इन स्पीसीज का फंडामेंटल और रियलाइज नीश सेम हो। क्या कोई भी स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन में डाला गया है, नहीं, राइट तो हम इसको नहीं ऑप्ट करेंगे फॉर श्योर। नेक्स्ट, फंडामेंटल नीश आर ग्रेटर देन द रियलाइज्ड नीश, यस क्योंकि एक साथ एक जगह पे रह रही हैं और इनका प्रेफरेंस जो है वो सेम है, यानी सेम टाइप का खाना खा रही हैं, तो समझ लीजिए कि किसी ना किसी स्पीसीज को शिफ्ट करना पड़ा होगा, राइट अपने प्रेफरेंस को शिफ्ट करना पड़ा होगा। दैट मींस वो अभी फिलहाल में जब एक साथ रह रही हैं, को एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो अपने रियलाइज्ड नीश में रहकर को एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि उनके फंडामेंटल नीश जो है उनके रियलाइज्ड नीश से बड़ा होगा, क्योंकि वैसे भी को एग्जिस्ट कर रही हैं। और दूसरा, कोएग्जिस्ट कर रही है मतलब कि कंपटीशन को अवॉइड करके कोएग्जिस्ट कर रही होगी, यानी नेगेटिव इंटरेक्शन को अवॉइड किया होगा, दैट मींस ऑब्वियसली उनका फंडामेंटल नीश उनके रियलाइज नीश से बड़ा होगा। दे रियलाइज नीश आर ग्रेटर देन देयर फंडामेंटल नीश, बट ये तो कोई पॉजिटिव इंटरेक्शन है नहीं ना, तो गलत। द फंडामेंटल एंड रियलाइज नीश बोथ विल एक्सपैंड, नो, सो वी कैन गो विद दिस। ओके चलिए बताइए क्या होगा आंसर। बोला है यू ऑब्जर्व द टू स्पीसीज ऑफ बार्नेकल, स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू, दे ऑक्यूपाई द अपर एंड द लोअर स्टेटा, यानी स्पीसीज वन जो है अपर एरिया में है और स्पीसीज टू लोअर स्टेटा में है, इंटरटाइडल रॉक के, ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोला है। व्हेन द टू, व्हेन द स्पीसीज टू वाज रिमूव्ड बाय यू, जब आपने स्पीसीज टू को उस एरिया से रिमूव कर दिया, और स्पीसीज टू कहां पे प्रेजेंट था, लोअर स्टेटा में, तो जब लोअर स्टेटा से आपने स्पीसीज टू को रिमूव कर दिया तो स्पीसीज वन ने क्या किया, स्पीसीज वन ने लोअर स्टेटा एंड अपर स्टेटा, यानी लोअर पार्ट रॉक का और अपर पार्ट दोनों को ही ऑक्यूपाई कर लिया स्पीसीज वन ने। अब आपको बताना है कि आप इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या इन्फ्रेंस बता सकते हो। ठीक है, पहला, अपर स्टेटा ऑफ इंटरटाइडल रॉक इज द रियलाइज्ड नीश ऑफ स्पीसीज वन, बिल्कुल, क्योंकि जब स्पीसीज टू प्रेजेंट है एट दैट टाइम, स्पीसीज वन कहां पे पाया जा रहा है, स्पीसीज वन पाया जा रहा है अपर स्टेटा ऑफ रॉक पे, लेकिन जब स्पीसीज टू को हमने हटा दिया एट दैट टाइम स्पीसीज वन इज प्रेजेंट ऑन अपर एरिया एज वेल एज लोअर एरिया, तो मतलब कि स्पीसीज टू के एब्सेंस में दिस स्पीसीज वन इज गेटिंग इट्स फंडामेंटल नीश, बट स्पीसीज टू के प्रेजेंस में स्पीसीज वन के लिए जो अपर स्टेटा है, यानी अपर पार्ट है रॉक का, वो उसका रियलाइज नीश होता है। तो वही बोला है कि अपर स्टेटा जो है इंटरटाइडल रॉक का वो रियलाइज नीश है स्पीसीज वन के लिए, बिल्कुल सही। अपर स्टेटा ऑफ द इंटरटाइडल रॉक इज द फंडामेंटल नीश ऑफ स्पीसीज वन, अगर स्पीसीज वन का अपर स्टेटा यानी अपर पार्ट वाला पोर्शन, ऊपर वाला रॉक का पोर्शन अगर उसके लिए फंडामेंटल नीश होता तो स्पीसीज टू को हटाने के बाद वो लोअर एरिया में मूव नहीं करता, राइट तो ये गलत हो गया। स्पीसीज वन स्पीसीज टू एग्जिबिट म्यूचुअलिज्म, नहीं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करेगा, स्पीसीज वन कैन कम्पीट आउट स्पीसीज टू, ऐसा हमें कोई कंडीशन दिया नहीं गया है, तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आते हैं एसके जी, बादाम लग रहा है आजकल आप कम खा रहे हैं, इस चीज के बारे में तो बच्चों ने हमें क्लास के स्टार्टिंग में याद दिला दिया, आपको याद अभी आया है। क्या बोला गया है, द टू स्पीसीज ऑफ क्रैब, स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू, दे ऑक्यूपाई द अपर एंड द लोअर स्टेटा ऑफ इंटरटाइडल रॉक। चलो एक पत्थर बनाते हैं, ऐसा हुआ, ये रहा पत्थर, ये है इसका लोअर स्टाटा यानी लोअर पार्ट, ये है इसका अपर स्टाटा यानी अपर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू पाई जाती है रेस्पेक्टिवली, तो स्पीसीज वन पाई जाती है लोअर पे, स्पीसीज वन पाई जाती है लोअर पे, स्पीसीज टू पाई जाती है अपर पे, ठीक है ना, लोअर एंड अपर स्टाटा, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, वन एंड टू ऑक्यूपाई अपर एंड लोअर रेस्पेक्टिवली, वन यहाँ पे, टू यहाँ पे, रेस्पेक्टिवली, यानी जिसका नाम पहले आएगा वो पहले वाले ऑप्शन, यानी स्पीसीज वन का नाम पहले आया तो वो अपर साइड में है, स्पीसीज टू का नाम बाद में आया तो वो बाद वाली में, रेस्पेक्टिवली इस तरीके से अरेंज किया जाता है जिनको नहीं पता है। तो पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज वन इज हायर ऑन द अपर रॉक, ठीक है, कंपेयर टू द स्पीसीज टू, यानी स्पीसीज वन का जो नंबर है हायर है अपर साइड में और कंपेयर टू द स्पीसीज टू, जो कि बहुत कम,
एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि हर एक स्पीसीज को एक्सक्लूड किया गया, यानी रिमूव करके देखा गया कि वो दूसरे स्पीसीज पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं। जब स्पीसीज वन को हटाया गया, यानी स्पीसीज वन को जब रिमूव किया गया, कहां से रिमूव किया जा रहा है, अपर साइड, स्पीसीज टू डिड नॉट स्प्रेड हायर इन द रॉक, उस टाइम पे भी स्पीसीज टू कहां पे प्रेजेंट है, स्पीसीज टू लोअर साइड में ही प्रेजेंट है, वो मूव ही नहीं किया। लेकिन जब हमने स्पीसीज टू को रिमूव किया, स्पीसीज टू को कहां से, लोअर साइड से जब रिमूव किया, तो स्पीसीज वन जो है लोअर साइड में भी चला गया, तो स्पीसीज वन जो है लोअर साइड में भी चला गया, जबकि स्पीसीज वन जो है अपर साइड में तो प्रेजेंट था ही, अब वो अपर एंड लोअर दोनों में चला गया। अब इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये तो समझ में आ गया कि स्पीसीज टू को रिमूव करने के बाद, स्पीसीज वन को रिमूव करने के बाद स्पीसीज टू अभी भी लोअर एरिया में और पहले भी लोअर एरिया में था, यानी स्पीसीज टू के लिए और स्पीसीज टू इसके लिए इसका फंडामेंटल नीच और रियलाइज नीच सेम है। देखिए ये एक्सेप्शनल केसेस पे एक्सेप्शनल केस पे क्वेश्चन आया है, लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन दिया है तभी हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं, तो ये रिजल्ट बताने के लिए हमें इतना एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं दिया गया है तो आप इजीली कन्वे नहीं कर सकते हैं कि फंडामेंटल नीच रियलाइज के बराबर है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पीसीज वन की बात करें तो स्पीसीज वन स्पीसीज टू के प्रेजेंस में रियलाइज नीच में पाया जाता है और उसके एब्सेंस में फंडामेंटल नीच में पाया जाता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, बोला रियलाइज नीच ऑफ स्पीसीज टू इज सिमिलर टू इट्स फंडामेंटल नीच, बिल्कुल सही, ट्रू। रियलाइज नीच ऑफ स्पीसीज वन इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज टू इज लार्जर देन इट्स फंडामेंटल नीच, नहीं, कौन सा पॉजिटिव इंटरेक्शन थोड़ी हो रहा है कि आप रियलाइज नीच को फंडामेंटल से बड़ा बना रहे हो। फंडामेंटल नीच ऑफ स्पीसीज टू इज स्मॉलर देन इट्स रियलाइज नीच, अगेन गलत। बताओ क्या होगा आंसर, क्या बोला गया है, बर्ड ए एंड बी बोथ नेस्ट इन मॉरिशस, मॉरिशस में जो है ए एंड बी दोनों स्पीसीज अपना नेस्ट बनाते हैं, ए लेकिन डोमिनेट करता है बी पे जब वो दोनों के दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तो जब ए प्लस बी दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो ए जो है वो डोमिनेट करता है, यानी वो सुपीरियर बन जाता है, ठीक है, और उस टाइम पे बी जो है तो क्या बोला है, इट विल एक्सक्लूड द बी फ्रॉम द मार्श सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट द बी टू द एज एरिया, तो अगर ये मार्श है तो ए के प्रेजेंस में बी को जो है ये एरिया ऑक्यूपाई करना पड़ता है जब ए प्रेजेंट है, लेकिन जब ए नहीं होगा तो क्या करेगा, बी जो है पूरे एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। तो बताइए बी के लिए पूरा का पूरा मार्श किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्योंकि बी ए के एब्सेंस में पूरा मार्श को ऑक्यूपाई कर सकता है, दैट इज इंडिकेशन कि पूरा का पूरा एरिया बी के लिए क्या है, बी के लिए फंडामेंटल इशू, इजी, ठीक है। नेक्स्ट, ओह मिस्टर लिबर्टी क्या बात है जी, अपना नाम आपको पसंद नहीं आया क्या, अगर पूरा पिछले वाले क्वेश्चन में ये पूछता कि ए की प्रेजेंस में बी अपने किस टाइप के नीच में पाया जाता है, या जो एज एरिया होता है जहां पे उसको मूव कर दिया जाता है ए की प्रेजेंस में, तब आपका आंसर होता रियलाइज नीच। प्राची यू आर प्राची, मिस्टर नोबडी इज नोबडी, वैसे आपका शुभ नाम क्या है मिस्टर नोबडी, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट को एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्पीसीज इवन ड्यूरिंग द नीच ओवरलैपिंग, अब ये जो क्वेश्चन है ये है कंडीशन बेस्ड, ठीक है, कंडीशन बेस्ड, यानी ये बिल्कुल वही वाली चीज हो कि चुप बैठो और मुझसे बातें करो, ठीक है, ये वो वाला कंडीशन हो गया, अब कोई इंसान चुप बैठ के कैसे बातें कर सकता है ना। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, ये कंडीशन बनाया गया है क्वेश्चन में कि को एग्जिस्ट भी करेंगे, यानी एक साथ भी रहेंगे लेकिन ये नीच भी ओवरलैप करेंगे, तो देखते हैं क्या सही होगा। पहला ऑप्शन देखिए ये रहा, ये नीश के बारे में बताया गया, ये है नीश ओवरलैप वन नीश ओवरलैप टू, यानी दो स्पीसीज के बीच का ओवरलैप बताया है। तो देखिए ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है कि एक तरीके से कितना नीश ओवरलैप हो रहा है इसमें ये चीज का हमको ढंग से आइडिया नहीं लग पा रहा है, क्योंकि एक स्पीसीज कांस्टेंट है अपने नीश को बदल नहीं रही है और दूसरा स्पीसीज जो है उसमें वेरिएशन कैसे शो करेगा पता नहीं, राइट, तो इसमें हमको ओवरलैप का कोई आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब कि हो क्या रहा है कि नीच टू जो है यानी सेकंड स्पीसीज के लिए नीच का ओवरलैप जब लो है उस टाइम पे भी स्पीसीज वन के लिए नीच का ओवरलैप मैक्सिमम है, जब स्पीसीज टू के लिए नीच का ओवरलैप मीडियम है तो भी स्पीसीज वन के लिए ओवरलैप मैक्सिमम है, और जब इसके लिए मैक्सिमम है तो भी इसके लिए मैक्सिमम है, तो हमको कुछ इससे बेटर आइडिया मिल नहीं रहा है, को एग्जिस्टेंस का तो आइडिया बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या आते हैं, सेकंड ऑप्शन हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है,
मतलब कि सीधी सी बात है, अगर स्पीसीज वन का नीश ओवरलैप मिनिमम है तो उतना ही इसका भी होगा। यानी ये कंडीशन कैसा दे रहा है कि ये स्पीसीज वन है तो स्पीसीज टू इसके साथ ये नीश ओवरलैप कर रहा है। ये कब है? जब लो ओवरलैप चल रहा है। उसके बाद मीडियम में आते हैं, तो मीडियम में भी दोनों का बराबर है, मतलब कि ये रहा तो ये भी रहा, वन टू, ये रहा मीडियम। पहले नीश ओवरलैप यहाँ पे लो था, अब यहाँ पे हो गया थोड़ा मीडियम, ठीक है। अभी तक अच्छा वाला कोएग्जिस्टेंस दिख रहा है, आई मीन टू से अच्छा वाला ओवरलैपिंग दिख रहा है, और ये दोनों के दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हर हाल में वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये इनके कोएग्जिस्टेंस को भी बता रहा है, ओवरलैपिंग को भी बता रहा है। फिर देखिए यहाँ पे जब मैक्सिमम है तो मैक्सिमम में कुछ ऐसा बना लीजिए आप ग्राफ, ऐसे वाला, ठीक है। ये रहा वन, ये रहा टू, और ये रहा मैक्सिमम ओवरलैप, और ये दिखा भी रहे हैं ग्राफ, मतलब ये कोएग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो हमको सेकंड वाला ऑप्शन वैसे ठीक लग रहा है। यहाँ स्पीसीज टू का मैक्सिमम ओवरलैप है तो स्पीसीज वन का मिनिमम ओवरलैप है, ये आप कैसे प्रूव करेंगे? ये तो कोएग्जिस्टेंस को नहीं दिखा रहा है, फिर कोएग्जिस्टेंस में तो बराबरी रहेगी ना एक तरीके से, ये तो नहीं है। उसके बाद स्पीसीज वन का जब मिनिमम ओवरलैप है तो स्पीसीज टू का मैक्सिमम ओवरलैप है, अगेन कोएग्जिस्टेंस को नहीं बता पा रहा है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ भी सेम केस है कि स्पीसीज वन का जब मैक्सिमम ओवरलैप है तो स्पीसीज टू का लो हो गया, और जब स्पीसीज वन का लो हो गया तो स्पीसीज टू का मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ भी कोएग्जिस्टेंस को बताने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि कोएग्जिस्टेंस को बता पा रहा है, और वो है कौन सा? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो वी कैन गो विद वेरी फर्स्ट, सॉरी सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो ओके ग्रेट, वी आर डन, ठीक है। ग्राफ में प्रॉब्लम होती है तो सीखिए, अब अलग से ग्राफ थोड़ी सीखना होगा, किसी भी चीज को सीखने का तरीका होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करवाई जा रही है, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। पहला सवाल, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मेनलैंड आइलैंड में एक मेनलैंड है, मतलब मेनलैंड यानी कि एक बड़ा लैंड है, से कनेक्टेड छोटे छोटे आइलैंड है जहां पे माइग्रेशन चलता है, यानी छोटे छोटे से पैचेस हैं जहां पे माइग्रेशन चलता है। डायग्राम अपने आप में आपको सब कुछ बता रहा है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे स्पीसीज देके रखा है ए बी सी, वेरियंस भी देके रखा है, मीन भी देके रखा है, आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा डिस्पर्जन किसके साथ होगा। तो मैं अगर ए को देखती हूँ, ए स्पीसीज के लिए मीन दिया है 5.3 एंड वेरियंस दिया है 5.05। तो आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था डिस्पर्जन के लिए, हमने ये पढ़ा था कि डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरियंस अपॉन मीन होता है, ठीक है। तो ए के लिए अगर मैं देखती हूँ तो जो ए का वेरियंस है वो मीन के अप्रोक्सीमेट इक्वल चल रहा है, यानी वेरियंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मीन, राइट। तो अगर इसको मैं लेके चलती हूँ तो इट इज अबाउट कि अगर वेरियंस इक्वल टू मीन हो गया तो मतलब डेल्टा हो जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, और अगर ऐसा होगा तो ए जो है रैंडम हो गया। मैं आगे नहीं सॉल्व करूँ, आप चाहें तो न्यूमेरिकली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। नेक्स्ट बीस पीसेस में देखिए, बीस पीसेस में वेरियंस मुझे 0.35 मिल रहा है, मीन मुझे 7.05 मिल रहा है, तो वेरियंस बहुत छोटा है कंपेयर टू द मीन। वेरियंस छोटा है, वेरियंस छोटा है मतलब कि न्यूमरेटर छोटा हुआ डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो पूरी वैल्यू मिलेगी हमको वो क्या मिलेगी, वो लेस देन 1 मिलेगी, दैट इज लेस देन 1, डेल्टा विल बी लेस देन 1 इन दैट केस इट इज मीन। सी में देखते हैं, सी में वेरियंस मुझे 50 मिल रहा है अप्रॉक्स, और मीन मुझे 5 समथिंग मिल रहा है, तो सीधी सी बात है वेरियंस बहुत बड़ा है मीन के कंपैरिजन में, तो हेंस डेल्टा विल बी ग्रेटर देन 1, इन दैट केस इट विल बी क्लाउड। मैच कर लो फिर, ए बी में दोनों में यूनिफॉर्म में नहीं बनी थोड़ी, ए में रैंडम है ठीक है, बी में यूनिफॉर्म है, हमारा बी में यूनिफॉर्म निकला है, एंड सी में यहाँ क्लम निकला, हमारा भी क्लम निकला है। वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन, राइट। चलो अगला सवाल, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। टू स्पीसीज ऑफ प्लांट वेर सैम्पल इन 32 क्वाड्रेंट इन अ फॉरेस्ट, द मीन एंड द वेरियंस ऑफ अकरेंस ऑफ स्पीसीज 1 वेर 16.2 एंड 48। अच्छा मीन एंड वेरियंस किसका, स्पीसीज 1 का मीन कितना है, मीन है इसका 16.2 एंड वेरियंस है इसका 48, ठीक है। और स्पीसीज 2 का जो है मीन हो गया, मीन हो गया इसका 3.6 एंड वेरियंस हो गया 3.2 रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू स्पीसीज इन दिस क्वाड्रेंट इज सपोर्टेड बाय दिस फाइंडिंग्स। तो देखा जाए अगर तो ए के केस में अगर मैं देखती हूँ तो मुझे वेरियंस बड़ा मिल रहा है, वेरियंस इज फार बेटर देन मीन, ऐसे केस में जो है मुझे डेल्टा जो है हमेशा ही, अगर ऐसा होता है तो इट विल बी क्लाउड। स्पीसीज 2 के केस में मुझे 3.6 3.2 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिल रहा है, ऐसे केस में डेल्टा जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 आएगा, मतलब 0.98 समथिंग ऐसे करके आएगा। तो आप डेसिमल को एक यहां शिफ्ट करोगे तो वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, आप चाहो तो उसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, मतलब इट विल बी रैंडम, ठीक है। तो देखा जाए तो बोथ स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, नहीं स्पीसीज 1 रैंडम है, नहीं हमको स्पीसीज 1 क्लम्प्ड मिला है, स्पीसीज 1 क्लस्टर्ड, ओके ठीक है क्लस्टर्ड है, एंड स्पीसीज 2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, यस ठीक है, ठीक है। तो क्लम्प को क्लस्टर भी कहा जाता है, वर्ड का सब कुछ का मतलब, तो एक क्लस्टर मतलब क्या होता है, एक जगह रहना, एग्रीगेटेड एक जगह रहना, क्लम्प एक जगह रहना, ठीक है। तो ये क्लस्टर है, ठीक है, बोथ स्पीसीज आर क्लस्टर्ड, नो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट
0.8 आ रहा है, बिल्कुल 0.8 आ रहा है। तो आपको पता है कि डेसिमल के बाद अगर नंबर 5 से बड़ा हो तो क्या करते हैं, डेसिमल के एक पोजीशन आगे पे 1 कैरी कर लेते हैं, राइट। बचपन में सिखाया गया है ये, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में हमने डेसिमल ये पढ़ा है कि जब 5 से, यानी डेसिमल के बाद 5 से बड़ा नंबर होता है तो एक कैरी हो जाता है आगे। तो अगर एक कैरी हो जाएगा तो सीधी सी बात है टोटल जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा वो अप्रॉक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 इंडिविजुअल को मार कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, यानी सैंपल 1 का साइज हो गया 10। आफ्टर फ्यू डेज 15 इंडिविजुअल को कैप्चर किया गया तो सैंपल 2 का साइज हो गया 15, जिसमें से 5 इंडिविजुअल मार्क मिले, ठीक है, मार्क मिले 5। आपको बताना है फिश के पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पॉपुलेशन साइज S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई M2, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5, ये गया 3 से, ये हो गया 30, ठीक है। तो एन हो गया आपका क्या चीज, 30, दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, जो डेसिमल वाली चीज बताई है उसे हम कहते हैं राउंड ऑफ। गेट का एग्जाम आपने दिया होगा तो गेट के एग्जाम में राउंड ऑफ वाली चीज बहुत पूछी जाती है। आंसर बोलता है गिव आंसर विदाउट राउंड ऑफ, कभी बोलता है गिव आंसर विद राउंड ऑफ, ठीक है। तो राउंड ऑफ वाली चीज आपको पता होना चाहिए, ये हम बचपन में सीखते हैं। और जो लोग भूल गए हैं यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए डेसिमल का बेसिक्स एंड राउंडिंग ऑफ मेथड, ठीक है। किसी भी उम्र में अपनी बेसिक्स को सुधारना गलत नहीं होता है, बट उसको कमजोरी बना के रखना गलत होता है। तो जिनको डेसिमल का राउंडिंग ऑफ नहीं पता है, जाकर यूट्यूब खोलिए, वहां पे बहुत से आपको लेक्चर मिलेंगे जो बच्चों के लिए अपलोड किए जाते हैं, तो उसको देख के वापस से पॉलिश कर लीजिए। चलो बताओ उसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्रासहॉपर पॉपुलेशन बीइंग असेस्ड बाय द कैप्चर मार्क रिलीज रीकैप्चर मेथड, ऑन द फर्स्ट डे 100 ग्रासहॉपर्स वर कैप्चर, तो S1 का साइज कितना हो गया 100, ऑन द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द रीकैप्चर 10 मार्क, मार्क कितने मिले सैंपल 2 में, दैट इज 10 मिले, एंड अनमार्क 90 मिले, तो सैंपल 2 का साइज कितना हो गया, सैंपल 2 का साइज हो गया 90 प्लस 10, दैट इज 100। कुड बी फाउंड इन द सेम टाइम पीरियड फ्रॉम सेम एरिया, ठीक है। आपको पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट करना है, तो पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू S1 इनटू S2 डिवाइडेड बाय M2, ये हो जाएगा S1 क्या हो गया, S1 हो गया 100 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10, ये लो 1000 आ गया आंसर। नेक्स्ट, चलो बताओ आंसर क्या होगा, बोला जाता है डायनामिक्स ऑफ एनी सब पॉपुलेशन विद इन अ मेटा पॉपुलेशन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन इन दैट, यानी जो डायनामिक्स होता है मेटा पॉपुलेशन का वो नॉर्मल पॉपुलेशन से कैसे डिफरेंट है। इट इज डिफरेंट बिकॉज द बर्थ रेट आर लोअर देन द डेथ रेट, नहीं ये किस तो नहीं हमने देखा, डेथ रेट आर लोअर देन द बर्थ रेट, नो, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन रेट आर सिग्निफिकेंटली हायर, एक्जैक्टली, मेटा पॉपुलेशन में इमिग्रेशन और इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हाई होते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन, नेग्लिजिबल होते नहीं है, वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोला एक एक्सपेरिमेंट में 80 रैट को कैप्चर किया गया, ओके, सैंपल 1 में जो है 80 रैट को कैप्चर किया गया, नेक्स्ट सैंपल 2 में जो है 1 मंथ के बाद 100 रैट कैप्चर हुए, ठीक है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो मार्क निकले वो थे 20, ठीक है। आपको क्या पता करना है, साइज पता करना है, तो n इक्वल्स टू S1 इनटू S2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन मार्क इन सैंपल 2, तो S1 हो गया 80, ये हो गया 100 बाय 20, ये गया 5 टाइम्स, हो गया 400, तो ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। नेक्स्ट, हाँ हो सकता है इस सैटरडे को भी मैं क्लास लूँ, एक्सटेंडेड क्लास 3 घंटे का, ठीक है, अभी तक मैंने फाइनलाइज नहीं किया है, बट आई वॉज थिंकिंग थोड़ा सिलेबस और आगे बढ़ेगा, दैट इज वाई। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो एक लेक में फिश के पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है, जिसमें सैंपल 1 का साइज इन्होंने 100 ले लिया है, सैंपल 2 जो है इनको मिला है 150 का, जिसमें से 25 मार्क निकले हैं। आपको बताना है पॉपुलेशन का साइज, एन इक्वल्स टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल इन सैंपल 2, ये हो गया 100 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 5 से 5 3 जा 15 0 5 5 जा। नेक्स्ट, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या बोला है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू असेस द पॉपुलेशन साइज ऑफ ग्रासहॉपर इन अ गिवन एरिया, ठीक है। आपको बताना है क्या यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन के बारे में, चलो देखते हैं, बोला है एन इंडिविजुअल आर एलोकेटेड कलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द स्टडी एरिया इन अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, यानी सैंपल 1 की बात की जा रही है कि फर्स्ट सैम्पलिंग में जो है एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैप्चर होते, तो हाँ क्योंकि रैंडम कैप्चर होता है तो हमें नहीं पता होता है कितने इंडिविजुअल आएंगे, तो उन्होंने बोला है एन आएंगे, ठीक है। पहला वाला ए स्टेटमेंट सही है, ओके फाइन, ए सही है, सब में ए है, देखो सब में ए है सब में बी है, मतलब ए और बी तो हर हाल में सही होगा। ऑप्शन बी में बोला है कैप्चर इंडिविजुअल आर काउंटेड, ठीक है, काउंट किया गया, ओके, मार्क किया गया एंड देन रिलीज कर दिया गया एट द साइट ऑफ कलेक्शन, बिल्कुल सही। बोला है नेक्स्ट डे वापस से जाके जो है इंडिविजुअल को कैप्चर किया गया सेम साइट से, जिसमें कि हमको नंबर ऑफ मार्क मिले जिनको एन एम बोला गया और नंबर ऑफ अनमार्क मिले, यानी सैंपलिंग 2 में कैप्चरिंग के टाइम पे मार्क और अनमार्क का कॉम्बिनेशन मिला, तो हां बिल्कुल ऐसा ही मिलता है, ये भी ट्रू है, बी भी सही हो गया। सी देखिए क्या बोला गया है, सी में बोला है दिस कैप्चर रिलीज रीकैप्चर इज कंटिन्यूड टिल वन गेट 100% मार्क इंडिविजुअल, यानी ये जो कैप्चर रिलीज रीकैप्चर मेथड है ये तब तक करते रहना है जब तक वो सारे इंडिविजुअल हमें 100% मार्क ना मिल जाए जिनको हमने सैंपल 1 में छोड़ा था। तो भाई साहब इतना सर्कस करना था तो ये मेथड क्यों अपना रहे हो, जब सभी मार्क वाले को पकड़ना था इतना सर्कस करके, तो फिर ये मेथड यूज करने की क्या जरूरत है।
तो रियलिटी इज दैट कि 100% हम कभी भी मार्क इंडिविजुअल को रिकैप्चर नहीं करते हैं, हम रैंडमली ही रिकैप्चर करते हैं, जितने मार्क आगे आगे हम उससे ही काम चला लेते हैं। क्या हमारे फॉर्मुले में कहीं भी मेंशन है कि हमें 100% मार्क चाहिए? नहीं है, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब डी देखते हैं, बोलते हैं साइज ऑफ द पॉपुलेशन एन इज एस्टिमेटेड एज फॉलो, ये फॉर्मुला दिया गया। चलिए चेक करते हैं फॉर्मुला सही है या नहीं। फॉर्मुला होता है एन इक्वल्स टू, यहाँ सैंपल वन की जगह एन बोला है, ठीक है, इन टू सैंपल टू की जगह बोला है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनएम एंड एनयू, ठीक है, हम भी वैसे लिख देते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनएम एंड एनयू, दैट इज सैंपल टू, ओके, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल इन सैंपल टू यानी एनएम। भाई इन्होंने अल्फाबेट चेंज कर दिया तो मेरे कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो गया, मेरे तो कंसेप्ट वही। अब इसको रीअरेंज कीजिए जैसे आपको बताया था, अगर मैं रीअरेंज करती हूं तो ये एन यहां पे चला आएगा, ऊपर आ जाएगा एनएम प्लस एनयू डिवाइडेड बाय एनएम। अब मैच कीजिए, क्या यही आ रहा है जो हमारे पास है? बिल्कुल, यानी ये फॉर्मुला डी वाला सही है। ई वाले में इसी फॉर्मुले को ऐसे लिख दिया गया, बट हमारा तो फॉर्मुला ऐसा है, तो ये हो गया गलत, हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। आपको याद होगा यही चीज रीअरेंज करके मैंने आपको क्लास में भी बताई थी, दिखा देती हूँ मैं आपको, उनको थोड़ी सी भूलने की बीमारी है, मैं भी भूल गए होंगे। यस, ये देखिए यही तो पूछा गया था वहां पे, बस उन्होंने अपना अल्फाबेट दे दिया, उसकी जगह आपको बोल देते कि हाँ ए इंडिविजुअल वेयर कैप्चर्ड इन सैंपल वन, सैंपल वन विल बी ए हो जाता, सैंपल टू विल बी बी भी दे सकते थे, ठीक है। तो वो जैसा कंडीशन क्रिएट करेंगे वैसा कंडीशन क्रिएट करना आपको कंसीडर करना है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि असली आपका फॉर्मूला ये है, उसी में ही सबको फिट करना है, सब कुछ बदल नहीं जाएगा, उसी में फिट होगा। ओके, तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। चलो चलो बताओ, बोला आंसर बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सुटेड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ फिश, फिश इज अ मोबाइल ऑर्गेनिज्म, राइट, हिलता डुलता रहेगा, मूव करेगा, तो जिनके पास मोबिलिटी होती है उनके लिए क्या करते हैं, मार्क रिकैप्चर टेक्निक यूज करते हैं। अब इसी के साथ आपके लिए और होमवर्क ये आता है, होमवर्क यानी आप अपने नोट्स में कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। वो एक्स्ट्रा क्या है, वो एक्स्ट्रा है व्हाट इज कैमरा ट्रैप, व्हाट इज लाइन ट्रांसेक्ट एंड व्हाट इज पॉइंट आउट, इन तीनों के नोट्स आप अपने नोट में ऐड करेंगे। कहां से ऐड करेंगे, कोई इकोलॉजी की अच्छी बुक से खोजिएगा, नहीं मिले तो गूगल जिंदाबाद, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में आप अपने नोट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करेंगे कि व्हाट इज कैमरा ट्रैप, व्हाट इज लाइन ट्रांसेक्ट, व्हाट इज पॉइंट आउट, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट, अ ट्री स्पीसीज हैज लीव्स दैट कंटेन एलिलो केमिकल कंपाउंड, ठीक है, एलिलो केमिकल कंपाउंड That leaches into the soil, जो कि लीक होकर सॉइल में चला जाता है, एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ इट्स ओन सीडलिंग, इनफैक्ट उसके अपने सीडलिंग के ग्रोथ को भी वो रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ कम्पीट नहीं करना चाहता, वो कहता है अपुन इच भगवान है, अपुन अकेले रहेगा, अपने आसपास जो है अपनी सीड्स को भी जर्मिनेट नहीं होने देता, ठीक है। ये किस टाइप के डिस्पर्जल पैटर्न को सूट करेगा, तो सीधी सी बात है, एलिलो केमिकल जब सिक्रीट हो रहा है तो ये एलिलोपैथी क्रिएट करेगा और अपने ओन स्पीसीज को भी वहां पे जर्मिनेट नहीं होने देगा, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। ये किसका एग्जांपल है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इक्वल स्पेसिंग हो जाती है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म डिस्पर्सल, राइट, तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोला है इकोलॉजिस्ट एग्जामिन द रोल ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर द बिलो ग्राउंड रिसोर्स दैट इज वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द डिस्पर्सन पैटर्न ऑफ ट्री इन द ओकेशिया सवाना ऑफ साउथ अफ्रीका। The figure below depict the result of their study. कुछ यहाँ पे studies का हमको result देखने को मिला, okay? Next. In case of all the other parameter were constant, select the option that best represent the dispersion pattern for the population label A and B. A और B point पे आपको dispersion बताना है, ठीक है? तो देखिए, A point पे मुझे एक dot मिला है, B point पे मुझे एक dot मिला है। अब इस एक dot से मैं क्या बताऊँ? ये clump है नहीं, because I can see कोई grouping नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज फॉर श्योर दैट दिस इज नॉट क्लंप, राइट। क्लंप होने से क्या होता है, ए वाली जगह पे कुछ ऐसे कुछ डॉट्स होते हैं और बी वाली जगह पे कुछ ऐसे वाले डॉट्स होते हैं, तो हमको तो क्लंप नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, ये यूनिफॉर्म मिल रहा है, ये यूनिफॉर्म भी मुझे नहीं दिख रहा किसी तरीके से। यूनिफॉर्म होने से क्या होता है, ए वाली जगह पे कुछ बराबर स्पेसिंग में ऐसा कुछ देखने को मिलता, या कुछ ऐसा ही सही बट बराबर देखने को मिलता, और बी वाली जगह पे भी सेम मिलता, बट वहां तो मुझे यूनिफॉर्म भी नहीं मिल रहा है, कहां मिल रहा है बताइए। बी वाले पॉइंट पे एक ही मिल रहा है और ए वाले पॉइंट पे भी सेम। तो जब अगर ये क्लंप नहीं है क्योंकि दिख नहीं रहा है ग्रुप, यूनिफॉर्म भी नहीं दिख रहा, तो हमारे पास बस उसके बाद जो है, ओके सॉरी, देखा जाए तो ए और बी पे नॉट यूनिफॉर्म, उल्टा बोल रैंडम, राइट, रैंडम भी मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये रैंडमली प्लेस्ड है, मैंने पहले उल्टा बोल दिया, क्योंकि यहां पर देखिए अगर ये जो गैप है, ठीक है, और ये जो यहां पर गैप है, अब इसको आपको कंसीडर करना है और बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं हमें उसे कंसीडर करके नहीं चलना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ये दोनों को हमको कंसीडर करना है। अब ये क्लंप नहीं है इसके लिए हम श्योर है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग मेंशन नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी ग्रुप हमको यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। रैंडम यहाँ पर जो है एक तरीके से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी पैटर्न अगर नहीं मिलता तो हम कहते ये रैंडम है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो भी लोकेशन है उस लोकेशन के बेसिस पे हमको यहाँ पर पैटर्निंग एक तरीके की विजिबिलिटी में आ रही है, तो हम इसके लिए श्योर है कि देयर इज नो लैक ऑफ पैटर्न, ऐसा नहीं है कि कोई भी पैटर्न यहां दिखने को नहीं मिल रहा है। जब कोई पैटर्न यहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है
पैटर्न का एब्सेंस नहीं है, दैट इज इंडिकेशन कि फॉर श्योर ये रैंडम भी नहीं है, राइट right? तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक डॉट कुछ खास हमें नहीं बता पाता है, लेकिन हम इसके लिए श्योर है कि ये क्लम्ब नहीं है, ये रैंडम नहीं है। तो क्लम्ब नहीं है और रैंडम नहीं है तो सीधी सी बात है कि वी कैन गो विद द रेगुलर, क्योंकि रैंडम होता तो आपको पता है रैंडम हमको कैसे इमेजेस मिलती हैं। रैंडम अगर ये होता तो हमें कुछ ना कुछ आसपास कोई ना कोई डॉट्स हमको इस टाइप की मिलती, राइट कुछ ना कुछ मतलब कि एक यहां पर है तो दूसरी कहीं और पे मिलती। लेकिन अगर मैं इसी को कंसिडर करूं कि मान लीजिए वही वाला ग्राफ है तो ए पॉइंट ये बना दिया है तो बी पॉइंट ये बना दिया है, ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने उस ग्राफ में, राइट क्लम्प अगर होता तो हमको कुछ ऐसा मिलता, रैंडम होता तो शायद बी पॉइंट यहां होता, ए पॉइंट यहां होता या ए पॉइंट यहां होता, तब हम कहते कि ये शायद रैंडम है क्योंकि वही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन जो ग्राफ हमें दिया है उसमें एक रफ सा पैटर्न हमको फॉलो होते हुए दिख रहा है, वो है कुछ इक्वल स्पेसिंग जैसा, एंड दैट इज वाई हमें इस ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन लग रहा है वो है कि ए और बी दोनों ही जगह पे जो है यूनिफॉर्म हमको शो करता हुआ मिल रहा है, राइट। तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज दोनों में रेगुलर हमको मिलता है, पॉसिबिलिटी के बेसिस पे चल सकते हैं। Yes, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, ये पिक द ऑप्शन से शायद इतना सॉल्व नहीं होता, एलिमिनेशन ऑप्शन ऑप्शन से सॉल्व होता क्योंकि हमने क्लंप को एलिमिनेट किया, रैंडम को एलिमिनेट किया तो हमारे पास एक ही बचा, दैट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म के साथ हमको जाना पड़ता। ओके चलो नेक्स्ट, चलो बताओ क्या होगा ऑप्शन। बोला है गिवन बिलो आर द सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द मेटा पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड द हैबिटेट कंजर्वेशन, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। पहला है द साइज ऑफ सूटेबल पैचेस आर इंपॉर्टेंट, पैचेस की साइज इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज डेमोग्राफिक स्टोकेस्टिसिटी यानी डेमोग्राफिक लेवल पे यानी पॉपुलेशन को फ्लक्चुएट करने वाले कंडीशंस जो है दैट कैन लीड टू द एक्सटिंक्शन स्पेशली इन द ऑर्गेनिज्म विद लो रिप्रोडक्टिव आउटपुट। तो जो डेमोग्राफिक स्टोकेस्टिसिटीज होती हैं वो एक्सटिंक्शन करवा सकती हैं, यानी जो भी अनसर्टेन कंडीशंस होते हैं वो एक्सटिंक्शन करवा सकते हैं अगर उस पॉपुलेशन में पाए जाने वाले इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव आउटपुट लो है तो। तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट ठीक ही है, क्योंकि अगर पैचेस का साइज सही नहीं हुआ तो चांसेस होते हैं कि वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और उसका साइज अच्छा ना होने का रीजन क्या हो सकता है कि या तो उस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल एंट्री नहीं ले रहे हैं या फिर वहां के ऑर्गेनिज्म खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे उसका एक ऑप्शन दे दिया है, तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन की हाँ ठीक है एग्री हो सकते हैं। सेकंड देखिए बी बोला है इन द इंसिडेंस फंक्शन मॉडल IFM द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ लोकल पॉपुलेशन इंक्रीज विद इंक्रीज हैबिटेट पैचेस एरिया एंड द कॉलोनाइजेशन प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ पैच आइसोलेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लोकल पॉपुलेशन। बट हमने IFM के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है मेनली इन दी मेटा पॉपुलेशन, तो हम इसको होल्ड पे डाल देते हैं, हमको इसके बारे में नहीं पता है। सेकंड थर्ड देखिए फ्रॉम द कंजर्वेशन परस्पेक्टिव लार्ज नंबर ऑफ सूटेबल पैचेस आर नॉट सफिशिएंट इफ द डिस्टेंस आर टू लार्ज प्रिवेंटिंग द रिकॉलोनाइजेशन एंड रेस्क्यू इफेक्ट। ये भी एकदम सही है कि अगर कंजर्वेशन परस्पेक्टिव से देखा जाए जिसमें कि आप रेस्क्यू देख रहे थे, अगर पैचेस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, बताया था आपको अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो स्पीसीज आना जाना नहीं कर पाएंगे, तब रेस्क्यू इफेक्ट को नहीं किया जा सकता क्योंकि आना जाना चलना चाहिए अगर रेस्क्यू इफेक्ट करना है। तो बोला है कि अगर डिस्टेंस टू लार्ज है तो रिकॉलोनाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा और रेस्क्यू इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ट्रू हो गया ये भी। ठीक है नेक्स्ट, टू मिनिमाइज एक्सटिंक्शन रिस्क देयर शुड बी एज लो सॉरी देयर शुड बी अ लो वेरियंस इन द लोकल पैच क्वालिटी एज पॉसिबल टू अलाउ द सिंक्रोनस डायनामिक्स। तो अगर एक्सटिंक्शन को मिनिमाइज भी करना है ना तो पॉपुलेशन का साइज मैटर करता है, रिप्रोडक्टिव आउटपुट मैटर करता है, तो हम यहाँ वेरियंस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमें सेकंड ऑप्शन पता नहीं था तो हमने होल्ड पर डाल दिया, लेकिन हम श्योर है ए के लिए और सी के लिए। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमको फर्स्ट ऑप्शन में हमारा कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है, तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है तो हमारा हो गया आंसर वन। ओके चलो ओके तो बोला है फॉर अ स्पीसीज हैविंग अ लॉजिस्टिक ग्रोथ इफ के इज 20,000 एंड आर इज 0.15 द मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड MSY क्या होगा। MSY क्या होता है, वो होता है आर इंटू के बाई टू। आर यहाँ पे 0.15 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई टू, राइट। तो ये तो कितना 10,000 टाइम्स चला जाएगा, ये जाएगा 0.15 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा 15,000 सॉरी 1,500 आएगा, राइट। तो वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन। ओके चलिए बताइए क्या होगा आंसर। फॉर पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद द ग्रोथ रेट आर इट्स पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कितना होता है, हमने देखा था डी इक्वल्स टू ln2/r होता है, राइट। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलिए बताइए गिवन बिलो आर द ग्रोथ इक्वेशन वेयर dN/dt इज डिफाइन एज, dN/dt को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस आर, अच्छा आपको बताना है कौन सा लॉजिस्टिक है कौन सा एक्सपोनेंशियल है। तो dN/dt इक्वल्स टू rn/k ऐसा कुछ होता नहीं है, dN/dt इक्वल्स टू rn ये होता है एक्सपोनेंशियल का,
लॉजिस्टिक, तो बी वाला है एक्सपोनेंशियल, डी वाला है लॉजिस्टिक, बी रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल, ए रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक, नो, बी रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल, यस, डी रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक, यस, सो वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन, इजी। चलो बताओ, अ पॉपुलेशन ग्रो अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, ओके, वेयर dn / dt इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, r इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज एंड इज द पॉपुलेशन साइज, k इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम एट, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट मैक्सिमम कब होगा भाई, k / 2 पे होगा, और कब होगा, सेकंड। चलिए बताइए इसका आंसर, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कौन सा इक्वेशन यहाँ पे बता रहा है, तो dn / dt के लिए तो ऐसा वाला ग्राफ नहीं होता है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये तो लॉजिस्टिक वाला हो गया, ये वाला अगेन लॉजिस्टिक हो गया, ये वाला हो गया एक्सपोनेंशियल, जिसमें कि ये था r 1 / n dn / dt वर्सेस n का ग्राफ है ये, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया, और इस मामले में ये वाला जो है लॉजिस्टिक के लिए होता। नेक्स्ट चलो बताओ क्या होगा, बोला अ स्मॉल नंबर दैट इज अप्रॉक्स 10 ऑफ माइस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अनइनहैबिटेड आइलैंड, देयर पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली इनिशियली, 10 माइस को जो है एक ऐसे आइलैंड पे इंट्रोड्यूस किया गया जहां पे कोई और नहीं था, उनका पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो किया शुरुआती टाइम में, आफ्टर 4 इयर्स इट रीचेस द पॉपुलेशन साइज ऑफ 520, 4 साल के बाद वो 10 माइस का पॉपुलेशन 420 पे 520 पे पहुंच गया, आफ्टर विच द पॉपुलेशन स्टे स्टेबल, यानी 520 के बाद पॉपुलेशन स्टेबल हो गया, ठीक है, एट व्हाट पॉइंट वुड यू एक्सपेक्ट द पॉपुलेशन टू अटेन इट्स हाईएस्ट ग्रोथ, किस पॉइंट पे आपको लगता है कि इस पॉपुलेशन ने हाईएस्ट ग्रोथ शो किया होगा, तो हमको पता है कि जिस भी पॉइंट पे पॉपुलेशन स्टेबिलिटी गेन करता है वो मोर और लेस कैरिंग कैपेसिटी को ही बता रहा होता है, कैरिंग कैपेसिटी को ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो अगर एक पॉपुलेशन 520 के बाद कैरिंग कैपेसिटी अटेंड मतलब से स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, तो 520 फिलहाल के लिए ले लेते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी के को, ठीक है, और बोला है कि ये अपना मैक्सिमम ग्रोथ कब शो किया होगा, जब उसका पॉपुलेशन साइज के बाई 2 के बराबर होगा, तो 520 का 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260, यानी जब ये पॉपुलेशन साइज 260 पे होगी उस वक्त पे शायद इस पॉपुलेशन ने हाईएस्ट ग्रोथ शो किया होगा, व्हेन द माइस पॉपुलेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, नहीं, अच्छा सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस हो रहे तब ये क्यों मैक्सिमम ग्रोथ नहीं शो कर पा रहे, सब कुछ फैसिलिटी सब है लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है, तो रिप्रोड्यूस करने के लिए भी तो ज्यादा लोग चाहिए, तभी तो पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते हैं इसलिए स्टार्टिंग में जो है पॉपुलेशन हाई तरीके से नहीं मतलब कि बहुत हाईएस्ट ग्रोथ रेट नहीं शो कर पाती है, ठीक है, व्हेन द माइस पॉपुलेशन साइज इज 260 एक्जेक्टली द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, नो द पॉपुलेशन साइज रीचेस द 520, वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन, ओके बताइए क्या आंसर, बोला इन अ पॉपुलेशन शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर कैपिटा ग्रोथ रेट, पर कैपिटा ग्रोथ रेट यानी आर की बात की गई है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट विल डिक्रीज एज पॉपुलेशन इंक्रीज, नहीं, इंक्रीज एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, नहीं, रिमेन कांस्टेंट एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, एक्जैक्टली याद कीजिए वो ग्राफ, एन बढ़ता जा रहा था और आर कांस्टेंट मेंटेन था, ठीक है, तो हो गया ऑप्शन थर्ड, इंक्रीज इनिशियली एंड देन सैचुरेट एट द लार्ज पॉपुलेशन साइज, नो, वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोला पॉपुलेशन ऑफ क्रिकेट इन्वेडिंग अ न्यू ग्रासलैंड शोड अ पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न एज शोन इन द फिगर, ये ग्रोथ पैटर्न आप देख सकते हैं कैसा दिखाया गया है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल इंटरप्रिटेशन, कुछ यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं मतलब कि क्या क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है, आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्रिकेट के ग्रोथ पैटर्न को, तो अगर मैं ये ग्राफ देखती हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी इतनी है, राइट, और उसके बाद जब ये पॉपुलेशन ओवरशूट कर गई है, इतना ओवरशूट कर गई है, जब पॉपुलेशन इतना ओवरशूट कर गई है तो पॉपुलेशन में क्या हुआ है, पॉपुलेशन में कुछ डाई ऑफ हुआ है, और देखिए ये पॉपुलेशन नीचे की तरफ आके इस लेवल पे मेंटेन हो गई है, इस पॉपुलेशन का इस लेवल पे मेंटेन होने का मतलब क्या हो गया कि शायद इस जगह पर कुछ तो लिमिटेड फैक्टर एग्जिस्ट करता है, मतलब शायद इस लेवल पर एक और लोअर कैरिंग कैपेसिटी लेवल सेट हो गया है, और अगर लोअर कैरिंग कैपेसिटी लेवल सेट हो गया है तो दैट इज अ इंडिकेशन कि पक्का एनवायरमेंट डैमेज हुआ है, तभी जो है लोअर लेवल पे ये कैरिंग कैपेसिटी शिफ्ट हुआ है, राइट, लेकिन इस पॉपुलेशन के ग्रोथ कर्व को देखिए, एक भी जगह ये पॉपुलेशन जो है जीरो पे नहीं आई है, राइट, यानी ये पॉपुलेशन पूरी की पूरी डेथ में नहीं घुसी है, राइट, अगर ये पॉपुलेशन का ग्राफ यहाँ पे आके जीरो पे टच कर जाता हम कहते हैं पॉपुलेशन का डाई ऑफ हो गया है, ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या बोला है, बोला एनवायरमेंट इज डैमेज ड्यू टू द पॉपुलेशन ओवरशूट के, बिल्कुल हमको पता चल रहा है डैमेज हुआ, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये एक नई कैरिंग कैपेसिटी पे शिफ्ट हुए हैं इसलिए पता चल रहा है, नेक्स्ट द रिसोर्स डिड नॉट रिकवर एंड पॉपुलेशन डाई आउट, नहीं, रिसोर्स ने रिकवर किया है लेकिन उस रिकवरी के कारण एक नया यहाँ पर हमको जो है कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिला है, कैरिंग कैपेसिटी इज लोअर ड्यू टू द शिफ्ट इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्जैक्टली, तो बी हट गया तो ए और सी यहाँ पे सही हो गया, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही हो गया, नेक्स्ट चलो बताओ क्या हुआ, बोला द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर द लॉजिस्टिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन विद द एंटी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट इज द पैरामीटर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करोगे कि आपको ऐसा ग्राफ मिले, ये क्या है, ये एक बेल शेप का ग्राफ है, बेल शेप का ग्राफ आपको कहां मिला था, लॉजिस्टिक में मिला था, राइट,
हमको पता है कि ये जो ग्राफ है दिस इज अ ग्राफ ऑफ dn by dt विद dn by dt विद द फंक्शन ऑफ n, दैट इज dn by dt वर्सेस n का है. तो यहां पे हमें y एक्सिस पे dn by dt मिल जाएगा. नेक्स्ट चलो तो क्या होगा आंसर. थ्री ग्राफ abc शो पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न इन रिलेशन टू द n. ओके आपको बताना है कि ये जो abc है ये कौन से ग्रोथ को बता रहा है, मतलब किस टाइप की ग्रोथ को. तो अगर ये वाला देखा जाए तो ये है j शेप का, ठीक है. तो j शेप का बता रहे हैं और y एक्सिस पे इनका n होगा, ठीक है. b को देखा जाए तो b लॉजिस्टिक को बता रहा है और इसके x एक्सिस y एक्सिस पे dn by dt होगा, ठीक है. c में क्या बता रहा है, c कौन सा ग्राफ है, c जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, ln का है, राइट ln का है, तो ये भूल गया, ln n का है by versus t का है, राइट. और ये किस में चला आता है, ये किसका पार्ट है, दैट इज एक्सपोनेंशियल का. और ये जे शेप है ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो सोच लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा. ए में बोला है कि वाई एक्सिस पे एंटी जाएगा, ए में वाई एक्सिस पे एंटी जाएगा, यस और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है, बिल्कुल सही. बी जो है उस पे वाई एक्सिस पे डीएन बाई डीटी जाएगा, यस और ये लॉजिस्टिक है, ओके ये भी सही है. सी में बोला है कि वाई एक्सिस पे लॉन एन जाएगा, यस एंड ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है, यस. आगे पढ़ने का आपको जरूरत नहीं, हमको पहला ही ऑप्शन सही मिल गया. आगे का ऑप्शन आप पढ़ेंगे भी तो गलत ही, मतलब कि इंडिकेट करके रखा होगा. तो आप देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी माइंड माइंड से चीजों को लेकर सवाल बन रहे हैं. अब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये लोग गायब कर दे रहे हैं और आपको आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे क्या क्या होगा. तो अब इससे आपको आइडिया लग रहा है कि कहां कहां पे फोकस करने की हमको जरूरत है. ये भी कर लिया था. आज का लास्ट क्वेश्चन बताओ आंसर क्या होगा. बोला है इंटेंसिटी ऑफ अ कंपटीशन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम नोइंग द कैरिंग कैपेसिटी एंड द पॉपुलेशन साइज. बोला है कि कंपटीशन कितना होगा ये बात हमें पता चल सकता है अगर हमारे पास n और k के बारे में इन्फॉर्मेशन हो. तो कैसे पता चल सकता है कि कंपटीशन कितना होगा या कैसा होगा. तो देखिए सीधी सी बात है, अगर n बहुत बहुत छोटा है k से, दैट इज एन इंडिकेशन कि n जो है ऑब्लिक पॉपुलेशन साइज जो है वो स्मॉल है. स्मॉल है तो सीधी सी बात है कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन उस टाइम पे लो चलेगा, राइट. और अगर इसका उल्टा कंडीशन कर दे कि n काफी ज्यादा है तो ओवरऑल पॉपुलेशन साइज मतलब कि बड़ी हो गई है, तो हेंस वहां पे कंपटीशन देखने को मिलेगा. तो यही मतलब हुआ कि कंपटीशन की इंटेंसिटी कैसे रहेगी, लो रहेगी हाई रहेगी, ये बात हमको पता चल पाती है जब हम कैरिंग कैपेसिटी एंड पॉपुलेशन साइज को समझते हैं. तो ठीक है नेक्स्ट यहाँ फॉर्मूला दे दिया है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का. अब क्वेश्चन यहाँ पे असली जान क्वेश्चन की यहाँ पर इन्हीं दो लाइन में है, जो समझ गया उसने उसने आंसर टिक कर लिया होगा. एज्यूम दैट पॉपुलेशन हैव द सेम इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट एंड कैरिंग कैपेसिटी के, यानी आर और के को इन लोगों ने बराबर बता दिया है, ठीक है. सेम इंट्रेंसिक रेट है एंड कैरिंग कैपेसिटी. देन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू द सेकंड टर्म इज k माइनस n अपॉन k इन द इक्वेशन इज द इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन लाइकली टू बी हाइएस्ट. तो यानी ये बोला है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें कि अगर हम ये सेकेंड इक्वेशन का पार्ट कंसिडर करते हैं तो हमको जो है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हाइएस्ट मिलेगा. फटाफट से दिमाग लगाओ और मुझे बताओ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इनको कल हाइएस्ट मिल रहा है. देखिए ये पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं बनता है क्योंकि हम किसी और स्पीसीज को वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. तो यानी सेम स्पीसीज के मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, सेम स्पीसीज के मेंबर हैं तो आपस में लड़ेंगे तो वो कॉम्पिटिशन क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक ही कहलाएगा. तो ठीक है ये तो समझ में आया कि हाँ इंट्रा स्पेसिफिक होगा, लेकिन बोला है कि कब इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हाइएस्ट होगा. इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हाइएस्ट कब जाता है बताइए, कब जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हाइएस्ट. n जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू k पाया जाता है, और जब n ऑलमोस्ट इक्वल्स टू k होता है दैट इज अ इंडिकेशन कि पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर गई है और उस टाइम पे कंपटीशन हाईएस्ट चलता है, राइट. और आपको पता है कि जब n इक्वल्स टू k होता है तो हमारे पास dn by dt जीरो मिलता है, यानी जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन में वो जीरो मिलती है, हमको कोई ग्रोथ नहीं मिलती है, राइट. तो आपसे भी यही पूछा है कि एक्चुअल में k माइनस n अपॉन के का वैल्यू जो है अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जीरो बन जाती है, ठीक है. कैसे चलिए एक बता देती हूँ, वैसे तो ये मैंने सॉल्व करवा एग्जांपल आपको बताया था क्लास में. ये देखिए केस नंबर टू, जब n ऑलमोस्ट इक्वल्स टू k बन जाता है तो मैंने एक इमेजिनरी वैल्यू ले लिया कि n 203 है और k 205 है, यानी n इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू k. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फॉर्मूला में पुट किया जो कि k माइनस n अपॉन k. इसमें जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आई 0.0097 करके कुछ वैल्यू आई. तो मैं अगर इसको दो डेसिमल में भी लेती हूं तो भी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.00. तो अगर मैं इस वैल्यू को dn by dt equals to rn k minus n upon k इस फॉर्मूले में रखती हूं तो k minus n upon k का पूरा वैल्यू तो खुद जीरो है. तो ये जब rn के साथ मिलेगा तो rn को भी जीरो कर देगा, समथिंग इनटू जीरो तो जीरो हो जाता है ना. तो dn by dt equals to rn into zero करूंगी तो dn by dt equals to zero हो जाएगा. कब हो रहा है, जब k माइनस n अपॉन k इक्वल टू जीरो है. और यही वो वक्त होता है क्योंकि यहाँ पे n जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू k है, तो यही वो वक्त होता है जब हमको हाईएस्ट इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिलता है. तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतना स्मार्टली आपसे ये सवाल पूछ के रखा था. तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूँ तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ 0.009 या 0.001 है, तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है जो कि मोर क्लोज टू जीरो है, ठीक है.
ये थोड़ा सा आपको थिंकिंग अपनी थोड़ी हाई करनी थी, थोड़ा सा ज्यादा सोचना था, उसके बाद ये इजिली सॉल्व हो जाता, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन, ये चैप्टर डन हो जाएगा। एक्चुअली ये चैप्टर नहीं था, ये सब चैप्टर था, मतलब पॉपुलेशन रेगुलेशन के बाद वाले पोर्शन होता है। चलो बताओ आंसर क्या होगा। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्थ रेट बी1 बी2 एंड द डेथ रेट बी1 बी2 ऑफ द स्पीशीज इज इनटू इंडिकेट द इंडिकेटर इन द फिगर इज नॉट एक्जिस्ट। पूछा है कौन सा चीज नहीं आता था। बर्थ रेट ऑफ स्पीशीज 1 इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट। स्पीशीज 1 का बर्थ रेट डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। हां भाई सीधी लाइन जा रही है, कुछ फ्लक्चुएटिंग वाला सही है। डेथ रेट ऑफ बोथ स्पीशीज आर डेंसिटी डिपेंडेंट। दोनों स्पीशीज का डेथ रेट डेंसिटी डिपेंडेंट है बिल्कुल, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है, यानी डेथ रेट बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, सही है। नेक्स्ट बर्थ रेट ऑफ स्पीशीज टू डेंसिटी डिपेंडेंट। यस स्पीशीज टू का बर्थ रेट डेंसिटी डिपेंडेंट है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ ये बर्थ रेट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट ऑन डेथ रेट आर सिमिलर इन बोथ द स्पीशीज नोन। स्पीशीज 1 में डेथ रेट बहुत जल्दी हो जा रहा है जबकि स्पीशीज 2 में थोड़ा डिले हो रहा है, तो सेम नहीं है, तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन, आई मीन टू से आंसर। बोला है बर्थ रेट बी एंड डेथ रेट डी ऑफ टू स्पीसीज 1 एंड 2 इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन डेंसिटी एन आर शोन इन द ग्राफ। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। पहला, बर्थ रेट आर डेंसिटी डिपेंडेंट इन स्पीसीज 1। स्पीसीज 1 में बर्थ रेट डेंसिटी डिपेंडेंट है, यस, एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट इन स्पीसीज 2, यस, सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, डेथ रेट आर डेंसिटी डिपेंडेंट इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में डेथ रेट डेंसिटी डिपेंडेंट है, यस, ये भी सही है। थर्ड, बर्थ रेट इज स्ट्रॉगर इन स्पीसीज 1 देन इन स्पीसीज 2, बिल्कुल डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट स्पीसीज 2 में स्ट्रॉगर नहीं है, स्पीसीज 1 में स्ट्रॉगर है, क्योंकि स्पीसीज 1 में डिपेंडेंसी दिख रही है, स्पीसीज 2 में दिख ही नहीं रही है, तो उसमें स्ट्रॉगर कहां से होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट, डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट ऑन डेथ रेट आर सिमिलर इन बोथ द केसेस। नो, सिमिलर नहीं है, डी 1 में थोड़ा जल्दी हो रहा है, डी 2 में डिले होकर हो रहा है, ठीक है, तो वी कैन गो विद फोर्थ ऑप्शन। इन्होंने फोर्थ ऑप्शन चेंज नहीं किया है, बाकी सब चेंज कर दिया ऑप्शन 1। नेक्स्ट चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, आप लोग आंसर कमेंट में बता सकते हैं। What do mayflies, Pacific salmon and annual grain crop have in common? They are all. देखिए अगर आपको mayfly याद नहीं है, Pacific salmon याद भी नहीं है, लेकिन annual grain crop, annual grain crop, annual word से ही पता चल गया कि इनकी लाइफ सिर्फ एक साल की होने वाली है, राइट, यानी पूरी लाइफ में एक ही बार ब्रीड करेंगे। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमलपैरस अलॉन्ग विद द मेफ्लाई एंड द पैसिफिक सैल्मन। तो अभी जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वो होगा चार टॉपिक का, फेकेंडिटी वाला, सॉरी ये ग्रिम्स ट्रायंगल वाला, आरके सिलेक्शन, सर्वाइवरशिप एंड ट्रेड ऑफ, ठीक है, ये चार टॉपिक के अभी हम क्वेश्चन करेंगे। अब इससे क्या होगा, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं उनमें क्या चीज स्पेसिफिक है, क्या चीज ज्यादा जनरलाइज्ड है, ठीक है। चलो तो शुरू करें क्वेश्चन। चलो पहला सवाल, चलिए बताइए क्या होगा आंसर। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्टली ए बी एंड सी को। ओके, तो आई थिंक सबसे ज्यादा आसान है इसको आइडेंटिफाई करना, बीच में जो है, राइट, हमको पता है बीच में जो है प्रीनियल्स आते हैं, और अगर मैं इसको सी एस आर करती हूँ तो बीच में आ गए प्रीनियल्स, उसके बाद यहाँ पे चले आएंगे कौन से, दैट इज ट्री एंड शॉप्स चले आएंगे, और यहाँ पे दैट इज एनुअल प्लांट चले आएंगे क्योंकि रूरल एरिया है, राइट, तो देखा जाए तो ये हो गया एनुअल प्लांट्स, प्रीनियल, हर्ब्स एंड ये हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन, राइट। चलो नेक्स्ट, रूरल स्पीसीज आर दोज विच आर फाउंड इन द एनवायरमेंट। किस एनवायरमेंट में पाई जाती हैं, तो इसका तो श्योर है कि रूरल स्पीसीज का हाँ डिस्टर्बेंस एरिया में ही ये जन्म लेती हैं, तो डिस्टर्बेंस एरिया इनका हाई रहेगा, राइट, और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एरिया कम रहता है, लो डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा, हाई डिस्टर्बेंस एंड लो कॉम्पिटिशन एरिया, एक्जैक्टली सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, एड ऑफ वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के तब कीजिएगा, ठीक है, वरना बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, जबकि ट्रेड ऑफ के क्वेश्चन बहुत मजेदार हैं। स्टिल बोला है इन लाइफ हिस्ट्री इवोल्यूशन देयर इज जनरली अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द साइज एंड द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, सम कंडीशंस आर लिस्टेड बिलो। तो ट्रेड ऑफ जो है हमेशा साइज और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग में देखा जाता है। बोला है विच वन विच आर द अबाउट टू कंडीशन दैट वुड फेवर द प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा किस चीज को फेवर करना है, स्मॉल नंबर, नंबर में कम होना चाहिए एंड साइज लार्ज होना चाहिए, इसको फेवर करने के लिए, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म में बाई इवोल्यूशन ऐसा कुछ होने लगे कि उसके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम हो जाए और ऑफस्प्रिंग का साइज बढ़ने लगे, इस कंडीशन के लिए उसको किस टाइप के प्रॉब्लम से सफर करना जरूरी है ताकि वो ऐसा कुछ एडेप्टेशन कर ले। पहला, स्कार्सिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में जो है खाने की बहुत ज्यादा कमी हो। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ पैरेंटल केयर, पैरेंटल केयर जो है मतलब पैरेंटल केयर को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, हाई मोर्टैलिटी ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में जो है अच्छा खासा मोर्टैलिटी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, प्रेडेटर प्रेफरेंस फॉर द लार्ज साइज प्रे, अब देखिए डी तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि प्रीडेटर का प्रेफरेंस अगर लार्ज साइज का प्रे है तो हम भी तो साइज बड़ा ही कर रहे हैं, राइट, हम लार्ज साइज का ऑफस्प्रिंग कर रहे हैं, तो डी नहीं होगा, डी नहीं होगा तो ये हट गया, राइट। उसके बाद देखिए और कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि नंबर कम हो जाए एंड साइज ज्यादा हो जाए, और कौन सा ऑप्शन हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक, बी तो नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा, बी एंड डी, डी तो हट जाएगा, राइट, प्रेफरेंस फॉर द लार्ज स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज, ओके ठीक है, यस।
सेकंड तो हट गया। अब देखिए अगर हम पहला वाला देखते हैं यहाँ पे, तो बोला स्कार्सिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में जो है खाने की बहुत कमी है, इसके लिए जो है नंबर कम किया जा रहा है एंड साइज ज्यादा किया जा रहा है, राइट right? तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? दूसरा है प्रोविजन ऑफ पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर के सेंस में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ हमको नंबर कम कर दे और साइज बड़ा कर दे, तो पेरेंटल केयर के लिए जो है देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो बी तो सही है। अब बी जो है ओके, बी तीनों में ही है, फाइन बी तीनों में ही है। नेक्स्ट, हाई मोर्टालिटी ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में जो है मोर्टालिटी बहुत हाई चल रही है, और मोर्टालिटी हाई होने का मतलब क्या है कि नंबर अच्छे खासे हैं और साइज बहुत छोटा है। तो बताइए ए और सी में से कौन सा ऑप्शन जो है ये वाली लाइफ स्ट्रेटेजी करवाएगा? व्हाट यू थिंक, किस वजह से ऑर्गेनिज्म जो है नंबर कम कर देगा और साइज बड़ा कर देगा? दोनों में से कौन सी मतलब दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है चेंज करने के मामले में? एक तो ऑप्शन है जो कि चेंज नहीं किया जा सकेगा। देखिए पहला ऑप्शन जो है इसमें है स्कार्सिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में खाने की बहुत कमी है। अब खाने की बहुत कमी है और बहुत ज्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस होते हैं तो सीधी सी बात है उनके खाने के लिए चीजें मतलब कि क्वांटिटी में नहीं आ पाएगी, राइट। लेकिन अगर उनका नंबर कम है तो हो सकता है कि नंबर कम होने की वजह से जितना भी खाना अवेलेबल है वो उन कम ऑर्गेनिज्म में जो है सूटेबिलिटी में आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे है कि मोर्टालिटी हाई चल रही है और ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में मोर्टालिटी हाई चल रही है इसलिए नंबर कम कर लो और साइज बड़ा कर लो। तो अगर इसको पूरा का पूरा कंक्लूजन देखा जाए तो आई थिंक वी कैन गो विथ ए एंड बी, दैट इज थर्ड ऑप्शन, राइट। ए और बी को लिए हम जा सकते हैं, व्हाट यू थिंक, सही होगा ए और बी? इसके लिए क्या हम लाइफ लाइफ हिस्ट्री को ले सकते हैं? जी अरे मैं आपसे पूछ रही हूं, अभी हमने ट्रेड ऑफ पढ़ा है ना, तो एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किस मामले में स्पीसीज को नेचर फेवर करेगी कि वो स्मॉल नंबर में लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे। तो आई थिंक लाइक कि अगर खाने की कमी हो तब ऐसा हो सकता है, और दूसरा प्रोविजन ऑफ पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर लेने के लिए ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक वी कैन गो विथ थर्ड, राइट। चलो आगे बढ़े अगला सवाल, क्योंकि मोर्टालिटी कम करना तो वो एक अलग फैक्टर हो गया, मोर्टालिटी का और बाकी फैक्टर का तो कनेक्शन नहीं बैठता है ना, लेकिन खाने की अगर कमी हो रही है दैट मीन्स ज्यादा उस एरिया में ज्यादा खाना अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करके कुछ होगा नहीं। समझ नहीं आया? क्यों नहीं समझ में आया? देखिए क्या बोला गया, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन जिनको भी समझ नहीं आया है। बोला गया है कि लाइफ हिस्ट्री का जो ट्रेड मार्क है, ट्रेड ऑफ है, वो क्या किया जाता है, वो साइज में एंड नंबर में देखा जाता है। हमने ये पढ़ा भी है कि साइज और नंबर में चलता है, कि अगर साइज बढ़ जाए तो नंबर कम हो जाता है और साइज कम हो जाए तो नंबर बढ़ जाता है, ये है ट्रेड ऑफ। आपको कंडीशन क्या दिया गया है कि बताइए कौन से हालात में, इनमें से कौन से कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म क्या ट्रेड ऑफ लेगा कि उसके स्मॉल नंबर में नंबर कम हो जाएगा और स्पीसीज का साइज बढ़ जाएगा। ऐसी एडेप्टेशन करने के लिए उसको कौन से चैलेंज मिला होगा इन चारों में से? देखिए पहला है स्कार्सिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। जब ऑफस्प्रिंग पैदा होता है तो उस टाइम पे खाने की बहुत ज्यादा कमी है। अब आप खुद सोचिए ऐसे मामले में अगर नंबर ज्यादा रहा तो पॉपुलेशन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खाने की कमी है। तो जब एनवायरमेंट में खाना जो होता है, फीडिंग एंड ब्रीडिंग, ये दो मेन पार्ट होते हैं एनिमल बिहेवियर के, कि वो खाते हैं ब्रीड करते हैं, खाते हैं ब्रीड करते हैं। यहाँ फीडिंग पे चैलेंज आ रहा है, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी हो गई है। तो अगर नंबर ज्यादा रहा तो ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, यानी इस मामले में नंबर कम करना पड़ेगा। नंबर कम करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है नंबर और साइज में ट्रेड ऑफ होता है, तो अगर आपने नंबर कम किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ पेरेंटल केयर। अगर पेरेंटल केयर चाहिए, उस ऑफस्प्रिंग को पेरेंटल केयर चाहिए, मतलब पेरेंटल केयर की उनको जरूरत है, तो पेरेंटल केयर की जरूरत है तो आपको पता है उस केस में क्या होगा। उस केस में ऑब्वियसली पेरेंटल केयर वही ऑर्गेनिज्म देते हैं जो कि कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर वो कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाई मोर्टालिटी ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा डेथ चल रहा है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा डेथ चल रहा है तो सीधी सी बात है वो ऑर्गेनिज्म उतने अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जा रहा है, इसीलिए डेथ चल रहा है, क्योंकि वहां पे प्रेडेशन या अदर क्लाइमेटिक फैक्टर उतने ही एडवर्स है। तो इस केस में वो ये एडेप्टेशन नहीं कर सकता है। नंबर कम भी कर लेगा तो उस टाइप की स्पीसीज, तो नंबर अगर कम भी कर लेगा तो उसके साइज बढ़ जाएंगे, लेकिन उस टाइप की स्पीसीज में तो पेरेंटल केयर मिलेगा नहीं ना, तो फिर वो नंबर कम करके करेगा क्या? मोर्टालिटी का जो है नंबर से तो कोई रिलेशन नहीं है। मोर्टालिटी क्यों हो रही है वहां पे, डेथ क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे कंडीशन एडवर्स है, कंडीशन फेवरेबल नहीं है, इसलिए मोर्टालिटी हो रही है। उसका नंबर से तो लेना देना नहीं कि नंबर ज्यादा इसलिए मोर्टालिटी हो रही है, नहीं, नंबर से लेना देना नहीं है, लेना देना है कंडीशन से। वो ऐसे कंडीशन में पैदा हो रहे हैं कि वहां पे मोर्टालिटी हाई है, तो उसको वो नहीं कुछ कर सकते हैं, उसको अपना नंबर बढ़ा के या घटा के वो उसको चेंज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि वो कंडीशन इफेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट फोर्थ है कि प्रीडेटर जो है लार्ज साइज प्रे को प्रीफर करते हैं, तो ऐसे केस में ऑर्गेनिज्म को अगर बचना है तो उसको जो है अपना साइज छोटा करना पड़ेगा। बट हमको तो कहा गया था कि साइज बड़ा वाला एडेप्टेशन की बात बताओ, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो ए और बी सही हो गया। नेक्स्ट, तो इसका बताओ आंसर। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड ऑफ इन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेड। कौन सा स्टेटमेंट इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है? पहला, लेवल ऑफ पेरेंटल केयर एंड क्लच साइज आर पॉजिटिवली रेगुलेटेड। यानी पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा होती है जब क्लच साइज ज्यादा होता है, यानी ऑफस्प्रिंग ज्यादा होता है, बिल्कुल क्लच साइज छोटा होता है तब पेरेंटल केयर हाई होती है, दैट इज क्लच साइज इज स्मॉलर देन द पेरेंटल केयर विल बी हाई, ये होता है। तो ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए था, गलत।
नेक्स्ट एनिमल मैच्योर इन अर्ली टेन टू लिव लॉन्गर, भाई जो जल्दी जल्दी मैच्योर होते हैं वो लंबा जीते हैं, कहाँ पे लंबा जीते हैं, छोटा जीते हैं ना, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इंक्रीज इन सीड साइज इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन सीड नंबर, यस, क्योंकि साइज एंड नंबर में क्या है, ट्रेड ऑफ है, राइट, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट एलोकेशन ऑफ हायर एनर्जी फॉर रिप्रोडक्शन लीड टू द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, नो, हमारा आंसर हो गया थर्ड। क्या बोला गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ बिग ट्री, जो बड़ी बड़ी ट्रीज होती है उनकी, जो फॉरेस्ट में पाई जाती है उनकी बेस्ट स्ट्रेटजी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती होगी, अर्लियर एज एट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, भाई बड़ी ट्री है वो, बड़ा होने में उनको बहुत टाइम लगता है तो अर्ली रिप्रोडक्शन स्टेज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेटर एज एट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, यस, पहले रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो बहुत ओल्ड एज की हो चुकी होती है, एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सीड्स, नहीं, लार्ज नंबर में स्मॉल सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करती है, स्मॉल नंबर में लार्ज सीड को प्रोड्यूस करती है, तो ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सीड्स, ये हो गया फोर्थ वाला ऑप्शन। ऐसा केस हमने अभी जस्ट फिकंडिटी वाला केस हम डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने बताया था। नेक्स्ट चलिए बताइए क्या होगा आंसर, बोला सपोज यू डिस्कवर अ न्यू स्पीशीज About which you know only two fact. आपने एक species को डिस्कवर किया जिसके बारे में आपको सिर्फ दो चीजें पता है, पहला ये small size का organism है और इसकी life सिर्फ 20 दिन की, यानी short lived है ये, ठीक है। Which of the following strategy is most likely to be true for this species? इस species के लिए कौन सी strategy एकदम सही रहेगी, पहला ये breed early करेगा, yes, more than once करेगा life में, ऐसे कैसे करेगा, life ही छोटी है, एक बार से ज्यादा कैसे करेगा, एक बार ही करेगा। ब्रीड लेट, लेट भी ब्रीड नहीं कर सकता है, अर्ली ब्रीड करना पड़ेगा, छोटे लाइफ वालों की यही प्रॉब्लम है, अर्ली ब्रीडिंग करो, जल्दी ब्रीडिंग करो, रिप्रोडक्टिव रेट जो है फास्ट रखो और लाइफ में एक ही बार प्रोड्यूस करो। ब्रीड अर्ली इन लाइफ, यस, ओनली वंस इन लाइफ, यस, प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, ओके, वेट, मैं साइड में देखो, रुई जी ये अलग टैलेंट है आपका। ओके, देयर आर थ्री स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, ओके, तीन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग के, ए बी, स्पीशीज ए डज नॉट प्रोवाइड पैरेंटल केयर, ये कोई भी पैरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं करता है, इट्स एग एंड लार्वा, ठीक है। स्पीशीज बी सब्जेक्टेड टू प्रीडेशन बाय द प्रीडेटर दैट सेलेक्टिवली फीड ऑन स्मॉल साइज लार्वा, तो बी प्रीडेशन का शिकार होता है बिकॉज इसके लार्वा बहुत छोटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सी फेसेस प्रोग्रेसिवली डिक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रीडिंग विथ इंक्रीजिंग एज, एज बढ़ने के साथ साथ जो है सी में ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब हो गई कि भाई आप इनको क्या ज्ञान देना चाहेंगे, कि इनको क्या करना चाहिए विद टाइम, assuming that resource available for reproduction are similar, सबके लिए reproduction के लिए जो resource available है similar है, which of the following strategy would help in favor, कौन सी strategy favor की जाएगी, by nature, चलो देखो, तो सीधी सी बात है, a parental care provide नहीं करता है, तो क्या जो जो species parental care provide नहीं करते उनके साथ क्या होता है, उनके offspring number में ज्यादा रहते हैं और size में छोटे रहते हैं, right, ये होता है trade off, ताकि कोई तो जिंदा बच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट, b में predation का intensity आगे, क्योंकि इसके larva क्या है, छोटे हैं बड़े हैं, हाँ, b predation लार्वा इसके स्मॉल है, तो क्या करना चाहिए इसको, इसको अपने लार्वा का साइज बढ़ा देना चाहिए, तो आपको पता है लार्वा का साइज बढ़ जाएगा, यानी साइज और नंबर में ट्रेड ऑफ होता है, तो साइज बढ़ गया तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा, और सी का एज बढ़ने से ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है, तो भाई अर्ली एज में रिप्रोड्यूस कर लो, इतना क्या बवाल है, अर्ली एज में रिप्रोडक्शन कर लेना चाहिए, सिंपल। अब देखते हैं क्या क्या बोला गया, पहला ऑप्शन यहाँ पे, पहला है कि ए शुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, यस, बी शुड प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, स्मॉल नंबर लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, यस, सी शुड ब्रीड अर्ली इन लाइफ, यस, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिसमैच मिल जाएगा कि क्यों गलत हुआ है, एक एक या दो यहाँ पे मिसमैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट, थर्ड क्यों कह रहे हो भाई, थर्ड में क्या लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, ये प्रीडेशन से गुजर रहा है तो ये लार्ज नंबर में स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, जबकि स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग को तो प्रीडेटर खा जा रहा है ना, तो क्यों करेगा ऐसा, इसलिए सी गलत हुआ, ये कर चुके हम लोग। नेक्स्ट, चलो बताओ, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ हिस्ट्री ट्रेट इज मोस्ट लाइकली इन अ रोडेंट स्पीसीज व्हेन स्नेक प्रिफर टू प्रे अपॉन लार्ज ओल्डर इंडिविजुअल ऑफ रोडेंट स्पीसीज दैट ग्रो कंटीन्यूअसली, एक रोडेंट स्पीसीज है जिसपे स्नेक फीड करता है, क्यों फीड करता है, बिकॉज स्नेक का प्रेफरेंस है कि वो प्रे करेगा किस पे, लार्ज ओल्डर इंडिविजुअल ऑफ रोडेंट, जो कि लगातार अपने लाइफ स्पैन में ग्रो होते रहते हैं। आपको बताना है कि ऐसे रोडेंट को कौन सी स्ट्रेटेजी ले लेनी चाहिए जिससे कि वो स्नेक से बच सकता है। पहला ऑप्शन है अर्ली रिप्रोडक्शन कर लो, अच्छा अर्ली रिप्रोडक्शन कर लो, प्रे अपॉन लार्ज, तो फिर लार्ज नहीं होगी, ओल्डर ग्रो, अर्ली रिप्रोडक्शन एंड स्लो ग्रोथ, पहला ऑप्शन ये है। नेक्स्ट, डिलेड रिप्रोडक्शन, अच्छा ओल्डर पे फीड करता है तो देखिए डिलेड तो होगा नहीं, ओल्डर पे फीड कर रहा है तो ओल्डर मतलब कि अगर रिप्रोडक्शन डिले हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसे इंडिविजुअल जो कि बहुत लेट रिप्रोडक्शन करते हैं वही ओल्ड होते हैं,
जैसे ओल्डर ट्री का हमने केस देखा था कि उनको लंबा टाइम लगता है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने में, तो डिलेड रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, अर्ली रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट लार्ज, लार्ज पे फीड करते हैं तो इसको स्मॉल कर सकते हैं, इसको अर्ली कर सकते हैं, एंड लगातार ग्रो हो रहे हैं तो ओवर द लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन भी छोटी हो जानी चाहिए, राइट। तो इस केसेस में ये है अर्ली रिप्रोडक्शन, फास्ट ग्रोथ रेट नहीं होगा। तो हमें जा सकते हैं अर्ली रिप्रोडक्शन एंड स्लो ग्रोथ रेट। अर्ली रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ये स्पीशीज उतनी लार्ज नहीं हो पाएंगी, ओल्ड नहीं हो पाएंगी, और स्लोली ग्रो करेंगी तो क्या होगा, स्लोली ग्रो करेंगी तो ऑब्वियसली ये जो कंटिन्यूस ग्रोथ का लफड़ा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो वी कैन गो विद फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट सबसे एक्यूरेट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ रूल। नेक्स्ट चलो बताओ इसका आंसर। बोला है अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन ए इंडिविजुअल आर अंडर स्ट्रेस एंड दे प्रोड्यूस स्मॉलर ऑफस्प्रिंग। एक पॉपुलेशन है ए, उसके इंडिविजुअल जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो स्मॉलर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा लॉजिक बताया नहीं है क्यों, बेस्ड ऑन दिस वन मे कंक्लूड दैट। इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि जब इंडिविजुअल स्ट्रेस में है तो वो ऑफस्प्रिंग का स्मॉल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला स्ट्रेस इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग साइज ऑफ लार्ज ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट स्ट्रेस एडल्ट प्रीफर टू प्रोड्यूस स्मॉलर ऑफस्प्रिंग दैट रिक्वायर लेस फूड। लेकिन वी आर नॉट नोइंग कि ये स्ट्रेस कैसा है, कैसे लिंक कर लिया कि ये स्ट्रेस खाने से रिलेटेड ही है, हमें तो नहीं पता ना, स्ट्रेस तो वैरायटी वैरायटी टाइप का होता है, तो वी आर नॉट कंफर्म फॉर दिस। नेक्स्ट स्ट्रेस मे बी लिंक टू ऑफस्प्रिंग साइज। ओके दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट बट ये सही बोल रहा है, राइट, कि स्ट्रेस को हम ऑफस्प्रिंग साइज से रिलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे रिलेट कर सकते हैं, उस रिलेशन को बताने के लिए हमको इस क्वेश्चन में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो स्ट्रेस कैसे रिलेटेड है ऑफस्प्रिंग से ये हमको पता नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको ये पता है कि स्ट्रेस ऑफस्प्रिंग के साइज से रिलेटेड जरूर है। रिलेशन का डिटेल हमको नहीं पता है क्योंकि क्वेश्चन में हमको उतना डिटेल दिया नहीं गया है। नेक्स्ट स्ट्रेस इन अ पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट द ऑफस्प्रिंग साइज, नो हम हमेशा नहीं कह सकते हैं, राइट। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है एक्यूरेट लग रहा है डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन, तो वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन। ओके ट्रेड ऑफ डन हो गया हमारा, और क्या बाकी है। करेक्ट मैच बिटवीन द ग्रुप ऑफ एनिमल एंड द रेस्पेक्टिव सर्वरशिप कर्व। आपको बताना है टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री में कौन से एग्जांपल आएंगे। पहला है मैरिन पेलेजिक फिश एंड लार्ज मैमल इन ग्रुप थ्री। फिशेस कब से ग्रुप थ्री में आने लगी, मैमल्स तो आएंगे, ओके सॉरी 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 मैरिन, हाँ फिशेस जो है ग्रुप थ्री में नहीं आ सकती है, लार्ज मैमल ऑफकोर्स वन में जरूर, सॉरी मैरिन पेलेजिक फिश नहीं उल्टा बोल रही मैं, रिस्पेक्टिवली बोला है ना, यानी फिश को हमें टाइप थ्री के साथ मैच करना है, लार्ज मैमल को वन के साथ मैच करना है, यस। तो फिशेस जो है टाइप थ्री में चली आती हैं, लार्ज मैमल्स टाइप वन में चले आते हैं, यस ये सही लग रहा है। नेक्स्ट फिश एंड लार्ज मैमल को उल्टा बोला गया है, वन एंड टू में रिस्पेक्टिवली बोला गया, तो ये गलत हो गया। सॉन्ग बर्ड जो है टू में आती है, लार्ज मैमल वन में आते हैं, ये गलत हो गया। पेलेजिक फिश टाइप थ्री में आती है, सॉन्ग बर्ड टू में आते हैं, गलत हो गया। वी कैन गो विद फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलो बताओ, बोला है व्हाट पैरामीटर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट जनरेशन टाइम वुड यील्ड द कर्व शोन इन द फिगर। ठीक है, वाई एक्सिस पे आप ऐसा क्या प्लॉट करें जिससे कि ये कर्व हमको देखने को मिले। तो यहाँ पे है जनरेशन टाइम एंड सर्वाइवरशिप, तो जिसका सर्वाइवरशिप सबसे ज्यादा है जनरेशन टाइम उसका सबसे ज्यादा होता है, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, नहीं हो सकता। बॉडी साइज और जनरेशन टाइम अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये भी नहीं हो सकता। लाइफ स्पैन में भी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जिसका जितना ज्यादा लाइफ स्पैन उसका उतना ज्यादा जनरेशन टाइम गलत। इंटेंसिक रेट यानी आर, आर और जनरेशन टाइम में इनवर्स रिलेशन है, यानी यहाँ पे आर होगा, यानी जिसका आर ज्यादा उसका जनरेशन टाइम कम, जिसका आर छोटा उसका जनरेशन टाइम बड़ा। तो वी कैन गो विद फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट चलो बताओ क्या बोला है, नेशनल सिस्टम इन अ नेशनल सिस्टम स्पीशीज प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विद लिटिल और नो पैरेंटल केयर। तो देखा जाए तो ये टाइप थ्री की बात की गई है, राइट, टाइप थ्री का ग्राफ कैसे होता है, कैसे होता है, तो ये हो गया सेकंड वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट चलो बताओ, अ स्पीशीज हुज लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजी अलाउ फॉर द हाई इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज आर, दैट इज आर स्ट्रेटजिस्ट विल आल्सो एग्जिबिट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी यहाँ पे चार ऑप्शन है, बोला गया है कि वो सारी लाइफ स्ट्रेटजी शो की जाएगी आर सिलेक्टेड के द्वारा एक्सेप्ट वन, कौन सा वो नहीं है। हाई टॉलरेंस फॉर बोथ इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी एंड लो क्वालिटी रिसोर्स बिल्कुल होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का यस, क्योंकि वो जे शेप शो करते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व द रैंडम मीटिंग सेमल पैरिटी एंड लिटिल और नो पैरेंटल केयर, यस। सर्वाइवरशिप दैट शो डेंसिटी डिपेंडेंट मोर्टैलिटी, नहीं इंडिपेंडेंट थी, याद कीजिए। एंड टिपिकली एग्जिबिट टाइप वन टाइप टू का, नहीं टाइप थ्री का शो करता है, ये वाला गलत है। एक्सेप्ट दिस वन, बेस्ट ऑफ द थ्री इज करेक्ट। नेक्स्ट ओके, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ कर्व फ्रॉम फिगर ए एंड सर्वाइवरशिप कर्व फ्रॉम फिगर बी गिवन अबव।
दैट वुड बेस्ट रिप्रेजेंट आर के स्ट्रेटजीज रेस्पेक्टिवली। ओके, तो अभी ग्राफ अगर देखा जाए तो मोस्ट फ्लक्चुएटिंग ग्राफ किसका होगा? आर का होगा, बिकॉज उनका पॉपुलेशन साइज जो है वेरिएबल रहता है, वैरी करता रहता है, और वो बहुत अनफेवरेबल कंडीशन में भी पाए जाते हैं, इसलिए उनके पॉपुलेशन में बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, राइट? तो बी जो है, बी यहाँ पे आर को दिखा रहा है। नेक्स्ट, और टाइप थ्री कर्व जो है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज मैक्सिमम कौन से कर्व को शो करते हैं? अभी तक जितने भी आपने एग्जांपल देखे हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इट इज टाइप थ्री। टाइप थ्री हो गया एन, राइट? और के लिए देखा जाए तो के लिए हमें ग्राफ मिलेगा यहाँ पे ए का, और यहाँ मिलेगा एल है या आई है, पता नहीं जो भी है इसका, ठीक है? ये हो गया आर का बी एन, आर का बी एन, आर का बी एन यहाँ पे है, के का ए आई यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। चलो बताओ इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पे जो है सरोशिप कर्व का एक जनरलाइज्ड कर्व दिया गया है ए बी सी नाम से, ठीक है? ए आपको पता है टाइप वन है, बी टाइप टू है, एंड सी टाइप थ्री। आपको एग्जांपल पिक करना है, तो ए का हो गया लार्ज साइज मैमल, लार्ज साइज मैमल सिर्फ एक ही में है, दैट इज पहले वाले में। ए हो गया एलिफेंट, और लीजर हो गई आपकी बी में, एंड सी हो गया ऑयस्टर। टाइप थ्री हो गया ऑयस्टर, लीजर हो गया टाइप टू, एंड ए हो गया एलिफेंट। आंसर हो गया फर्स्ट। चलो बताओ, बोला गया कंपेयर टू के सिलेक्शन आर सिलेक्शन फेवर, आर सिलेक्शन किसको फेवर करता है? रैपिड डेवलपमेंट, हाँ जी, स्मॉलर बॉडी साइज, हाँ जी, अर्ली एंड सेमी पैरस रिप्रोडक्शन, हाँ जी, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। रैपिड रिप्रोडक्शन इटारो पैरस नहीं होगा, इटारो पैरस नहीं होगा, इटारो पैरस नहीं होगा। नेक्स्ट, अच्छा ये शायद कर लिया था ना, ये शायद कर लिया था, नेक्स्ट ये भी कर लिया था, ये नहीं। चलो बताओ, Which of the following survivorship curve is typical of an invasive insect pest species? Invasive insect pest species के लिए कौन सा ग्राफ आप पिक करना चाहेंगे? तो भाई हमको पता है कि R selection को follow करता है, और R selection किसको follow करता है? Type 3 को। तो बोलो Type 3 की जय हो। Next, चलिए बताइए क्या होगा। बोला some of the statement given below are related to the species that show R and K selection strategies. आपको बताना है, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन ऑल करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू आर एंड के सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। आर एंड के सिलेक्शन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है सबको पिक करना है। पहला, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, यस ये आर में होता है, और ये आर कम होता है के में, तो ये सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सपोर्टेड बाय द एनवायरमेंट एट इक्विलिब्रियम, ये के की कहानी बोली गई है, तो ये सही हो गया। लाइफ हिस्ट्री इवोल्यूशन, यस ये तो दोनों ही केसेस में अप्लाई होता है, हमने देखा है कि लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजी के बेसिस पे इन दोनों को स्टडी किया गया था, सही। लीबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम, नहीं ये नहीं है। लीबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम ये कहता है कि जो रिसोर्सेज का अमाउंट सबसे कम होता है वही रिसोर्स प्लांट के ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट, प्रिकॉशियलिटी एंड आर्टिशियलिटी, ये तो अभी अभी हमने डील किया, दैट इज ट्रू। प्रिकॉशियलिटी हमने किसमें देखा था? आर सेलेक्टेड में देखा था, एंड आर्टिशियलिटी हमने के में देखा था, तो ये भी सही हो गया। तो इस बेसिस पे चले तो डी को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, ए बी सी ई, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ओके, ये अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सक्सेशन हमने पढ़ा नहीं है, और क्या क्वेश्चन बाकी है? वेटा वेनट ना, चलो डन हो गया यही क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा लाइफ टेबल दिया जाता है, आपसे बोला जाता है कि फाइंड आर नॉट, आर नॉट फाइंड करो स्टेबल के लिए, बट आप ध्यान दीजिए यहाँ से एक वैल्यू गायब है, इधर वाली वैल्यू गायब है, इधर भी वैल्यू गायब है, इधर से भी वैल्यू गायब है, इधर भी गायब है, और ये तो पूरा का पूरा ही गायब है। ये एलेक्स एम एक्स हमेशा नहीं दिया होता कॉलम, ये आपको अपनी तरफ से कॉलम बना के वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि ये जो वैल्यू निकलेगी उसी को सबको प्लस करोगे तब आर नॉट निकलेगा। ये जहां जहां से वैल्यू मिसिंग है वहां वहां पे हमको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? इन फॉर्मूले के थ्रू ऐड करेंगे, ठीक है? तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है Lx का, Dx का, Nx दिया हुआ है, ठीक है? Dx में दिया हुआ है, कुछ कुछ मिसिंग है, जैसे Nx में कुछ कुछ मिसिंग है, Lx में भी कुछ कुछ मिसिंग है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले डी से शुरू करते हैं, Dx वाले से। Dx का फॉर्मूला क्या है कि भाई Dx जब निकाल रहे हो तो आपको Nx लेना है माइनस Nx प्लस 1 लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये है Dx, तो ये हो गया D1, ये हो गया D2, क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है ना, x कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। x x देखिए यहाँ पे, ये x कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया d2, ये हो गया d3, ये हो गया d4, ये हो गया d5। सिमिलर बेसिस पे ये हो गया n1, ये हो गया n2, ये हो गया n3, ये हो गया n4, ये हो गया n5, ये हो गया l1, ये हो गया l2, ये हो गया l3, ये हो गया l4, ये हो गया l5, ये हो गया l1 m1, l2 m2, l3 m3, l4 m4, l5 m5, ये हो गया m1 m2 M3, M4, M5। मैंने सबको रीनेम कर दिया, आइडिया लग गया होगा X का मतलब क्या होता है। X यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ X है, यहाँ पर X equals to 1 है, तो हर जगह 1, 1, 1, 1 चला गया। देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2, 2 चला गया, ठीक है? उम्मीद करती हूँ ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं, तो Lx का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Lx निकालने का तरीका है Nx डिवाइडेड बाई N0, ठीक है? और ये Nx कैसे निकल जाएगा, Nx तो हमको ये Dx वाले फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। तो हमारे पास फिलहाल में, अच्छा मुझे बताइए सबसे पहला वैल्यू मैं कौन सा निकालूं जिससे कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी बताओ, सबसे पहला वैल्यू आप कौन सा निकालना चाहोगे जो कि मुझे आराम से निकल जाएगा? कौन सा निकाल सकते हैं बताओ, सबसे पहले वैल्यू? मैथ्स में कहा जाता है कि चार वैल्यू निकालनी है तो कोई तीन गिवन हो तो आराम से निकल जाता है,
दो तीन वैल्यू निकालनी है तो कोई दो गिवन हो तो आराम से निकल जाता है। वैसे खोजो कौन सा सबसे पहले निकालोगे बताओ। n3 निकाल सकते हैं, n3 के लिए क्या करूंगी मैं, d3 इक्वल्स टू n3 माइनस n4, यही होगा ना, nx माइनस nx प्लस 1 पे ही हुआ, nx x प्लस 1 हो गया 4, तो d3 यहां कितना है, d3 यहां पे 200 है, n3 कितना है, n3 हमको पता नहीं है, n3 हम इससे फाइंड करेंगे, माइनस n4 कितना है, n4 यहां पे 300 है, तो n3 यहां कितना हो जाएगा, n3 यहां हो जाएगा 500, सबका निकला, यस n3 यहां पे 500 सबका निकला या नहीं निकला। अब ये है तो मैं d2 निकाल सकती हूं, राइट, d2 निकालने के लिए क्या करूंगी, d2 इक्वल्स टू n2 माइनस n3, d2 कितना है, d2 है ही नहीं, n2 कितना है, n2 है 700 माइनस n3 कितना आ गया 500, कितना हो गया 200 हो गया, यानी ये हो गया 200। इजी, कुछ नहीं है बच्चों, वाला मैथमेटिक्स करना है लेकिन दिमाग बस शांत रखना है कि कहां से कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है। नेक्स्ट देखिए n5, n5 कैसे निकल सकता है, d4 से निकल सकता है, d4 इक्वल्स टू n4 माइनस n5, d4 कितना है 150, इक्वल्स टू n4 कितना है 300 माइनस n5, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, n5 हो जाएगा 150, ये हो गया 150, इजी राइट। तो देखिए एनएक्स डीएक्स पूरा निकल गया, हमको क्या चाहिए, बल्ले ही बल्ले हो गए यहाँ पे, तो अब तो सारा एलएक्स, एल1 निकालिए, एल1 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एल1 निकालने के लिए मैं करूंगी n1 डिवाइडेड बाय n0, ठीक है, l1 निकालने के लिए n1 डिवाइडेड, सॉरी हाँ n0 डिवाइडेड बाय n0, या फिर नॉट नहीं लगा के हम 1 लगाएंगे, यहाँ पे नॉट का वैल्यू नहीं है, वेट अ मिनट, यहाँ पे फाइनल और इनिशियल वैल्यू रखी जाती है, राइट, यहाँ पे n1 होगा, ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया 1, ठीक है। l2 कैसे निकालोगे, l2 निकालोगे n2 डिवाइडेड बाय n1, n2 कितना है, n2 है यहाँ पे 700 डिवाइडेड बाय 1000 0.7, ठीक है। n3 निकालोगे, n3 के लिए क्या करोगे, सॉरी l3 के लिए क्या करोगे, l3 के लिए आप करोगे n3 डिवाइडेड बाय n1, यानी 300, सॉरी n है यहाँ पे 500, 500 डिवाइडेड बाय 1000 0.5, ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय 1000 0.3, 150 डिवाइडेड बाय 1000 1.50, इजी, सबको 1000 से डिवाइड करते जाना है क्योंकि n1 यहाँ पे 1000 है, बाकी n2 n3 n4 को इन सबको 1000 से डिवाइड करते जाइए। रुको गड़बड़ लिखा मैंने, 0.15 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, एमएक्स आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन होता है, अब ये गिवन है तो आपको क्या करना है, आपको यहां से राइटली इनटू कर दीजिए एलएक्स एमएक्स, 1 × 1 1, 0.7 इनटू 0.5 0.35, बट इस बात का ध्यान रखिए एक भी वैल्यू अगर गड़बड़ की आपने उसके बाद के सब्सिक्वेंट वैल्यू सब गलत होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0.5 डिवाइडेड बाय 1 0.5, 0.3 डिवाइडेड बाय 1 0.3, 0.15 डिवाइडेड बाय 1 सॉरी डिवाइडेड क्यों बोल रहा हूं, सॉरी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो गया 0.15। एलएक्स इनटू एमएक्स है ना, तो एल1 एम1 को इनटू करना है, सबको इनटू करते जाना है, 1 × 1 0.7 इनटू 0.5 0.5 इनटू 1 0.3 इनटू 1 0.15 इनटू 1, यस मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मैंने डिवाइड बोल दिया था। पूर्णिमा एमएक्स, एमएक्स के लिए ये रहा फॉर्मूला, एमएक्स एमएक्स निकालने के लिए, ओके एमएक्स एक्चुअल में क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, फिर भी अगर आपको फॉर्मूला चाहिए होगा तो मैं अलग से देख के बता दूंगी, एमएक्स मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया रहता है इसलिए बुक में भी इसको निकालने का कोई तरीका नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक बर्थ रेट है। चलो तो ये निकल गया, अब क्या करना है हमको, अब निकालना है हमको आर नॉट, आर नॉट कैसे निकालना है, समेशन कर दीजिए, तो ये सबका समेशन कर दीजिए, मैं यहाँ पे इसको रिलीज कर देती हूँ, समेशन में डायरेक्टली यही कर दे रही, ठीक है, अलग से क्या ही करना, कितना आ रहा है समेशन करके, ये आ जाएगा 2.3 ना, हमारा आंसर हो गया, आर नॉट हो गया यहाँ पे आपका 2.3, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि आर नॉट निकाल के बताओ कौन सा आर नॉट आ रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग निकालोगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैंने जो है आपको सॉल्व करके बता के रखा है। तो समेशन जो करना है आपको एलएक्स एमएक्स इन सभी को प्लस करना, तो आप फॉर्मूले में प्लस कीजिए, डायरेक्टली प्लस कीजिए, आपकी मर्जी है, क्वेश्चन में जब एलएक्स एमएक्स की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, 2.3 है तो इट इज ग्रेटर देन 1, हेंस पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल, अच्छा 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 चलो, ठीक है, अब ये तो था कन्वेंशनल मेथड,
अब मैं आपको एकदम इजी पीजी सा मेथड है, मतलब चुटकियों में सॉल्व हो जाने वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक कन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल करते हो तभी कुछ टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। शॉर्टकट हमेशा तभी काम आता है जब क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक आया हो। तो देखिए इसको जिगजैग मैनर में सॉल्व करना है, मैं इसको इरेज कर रही हूं, ठीक है, इसको इरेज कर दूं, पूरा वैल्यू इरेज नहीं करती हूं, जो यहां लिखा है वो वैल्यू इरेज करती हूं, जो हमने खोजा था अभी, ये तो रहने देते हैं, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा था वही करते हैं। तो जिगजैग मैनर को फॉलो कीजिए, जिगजैग यानी दिस माइनस दिस विल गिव यू दिस जेड वाला पैटर्न। 700 में से कुछ तो ऐसा माइनस होगा जिसकी वजह से यहाँ कुछ नंबर आएगा, उस नंबर में से वो नंबर जो आएगा वो क्या करेगा, वो नंबर में से ये नंबर आएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि 700 1000 माइनस 300 आ गया 700, ठीक है, 700 माइनस समथिंग विल गिव यू समथिंग, समथिंग माइनस 200 विल गिव यू 300, तो समथिंग माइनस 200 विल गिव यू 300, तो सीधी सी बात है समथिंग माइनस मतलब 500 माइनस 200 विल गिव यू 300, एंड 700 माइनस समथिंग विल गिव यू 500, तो 700 माइनस समथिंग यानी 200 हो गया, 700 माइनस 200 विल गिव यू 500, ठीक है, फिर 300 माइनस 150 विल गिव यू 150, तो ये हो गया ये वाला पैटर्न 200, जिग जैग जिग जैग। इससे nx और dx दोनों कॉलम निकल आएगा, lx तो बहुत ही इजी है, पहले वाले इनिशियल वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना है, और ms दिया रहेगा, lx mx को इंटू कर दो वैल्यू चली, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। श्वेता जिगजैग मैनर तब तक फॉलो होगा जब तक क्वेश्चन मतलब बहुत कुछ वो नहीं किया, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लाई गई है, तब तक सब जिगजैग मैनर में फॉलो होगा। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि क्वेश्चन पढ़ते ही लग रहा है कि यार ये तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व ही नहीं है। चलो अब भी बताओ, मैं भी यहाँ पे इसको फिल इन द ब्लैंक्स करती हूँ। ओके चलो, एनएक्स दिया है, डीएक्स दिया है, ए स्पेसिफिक सर्वरशिप कर्व यानी एलएक्स हो गया ये, ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी यानी एमएक्स हो गया ये, एलएक्स एमएक्स आपको फाइंड करना है तभी आपके पास आर नॉट निकलेगा, राइट। देखिए समथिंग माइनस समथिंग विल गिव यू 800 मतलब कि हो गया 200, 1000 माइनस 200 विल गिव यू 800, 800 माइनस समथिंग विल गिव यू समथिंग, समथिंग माइनस 200 विल गिव यू 300 मतलब 500 होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा फिर 300, 800 माइनस 300 विल गिव यू 500, 500 माइनस 200 विल गिव यू 300, 300 माइनस 100 विल गिव यू 200। लो फटाफट से सॉल्व हो गया ये, एलएक्स निकालना है, एलएक्स मतलब कि हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 1000 1, 800 डिवाइडेड बाय 1000 0.8, 500 डिवाइडेड बाय 1000 0.5, 300 डिवाइडेड बाय 1000 0.3, 200 डिवाइडेड बाय 1000 0.2, ठीक है, एलएक्स एमएक्स 1 * 0 0, 0.8 * 0 0, 5 5 25 0.25, 1 into 0.3, 0.3, 2 into 1, 0.2 into 1, 0.2. टफ लग रहा था, आप देख रहे हो कैसे इजीली सॉल्व हो जा रहा है, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, एम ही सॉल्व हो गया, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिए रहते हैं उतना कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस पे नहीं रहते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके बताया था। चलो नेक्स्ट बताओ, इसको बताओ। पॉपुलेशन इकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आए मैं उसको एक साथ एक पीडीएफ में करके पॉपुलेशन इकोलॉजी खत्म होने के बाद बिना एनोटेशन के दे देंगे, इसका टेंशन मत लीजिए। चलो आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। ओके फाइंड क्या करना है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, एलएक्स दे दिया, एमएक्स दे दिया, मैं एलएक्स एमएक्स का यहाँ कॉलम बना देती हूँ, 100 माइनस 50 50, 50 माइनस समथिंग समथिंग, समथिंग माइनस 10 20, समथिंग माइनस 10 20 मतलब 30 होना चाहिए, 30 माइनस 10 20 एंड 50 माइनस 20 30, ठीक है, 10 20 माइनस 10 10 ये हो गया, एलएक्स एलएक्स मतलब 100 डिवाइड बाई 100 1, 50 डिवाइड बाई 100 0.5, 30 डिवाइड बाई 100 0.3 ये हो गया, 10 डिवाइड बाई 100 0.1, एलएक्स एमएक्स दिया हुआ है, ये हो गया जीरो, ये हो गया 0.25, 0.15, 0.2 हो गया 0.1, समेशन कर देते हैं सबका, ये हो गया 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.7 मतलब थर्ड ऑप्शन, इजी सभी का हुआ।
चलो अगला फिर देखो। चलिए इसको भी करते हैं। आपको अननोन फाइंड करना है, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ सर्वाइविंग यानी एलेक्स दे दिया है, ठीक है, एंड एमएक्स भी दे दिया है। अब यहाँ पे एलेक्स इंटू एमएक्स ये आ जाएगा 0, 0.5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा क्या, दैट इज 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो इसको प्लस ही क्या करूँ, दस ही तो बैर है, ये हो गया 10 अननोट, ये और इजी। ये तो लफड़ा हो गया, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आप लोग भी आंसर दीजिए। आपको क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लाइफ फेज शो द लोएस्ट एज स्पेसिफिक मोर्टैलिटी, किसमें सबसे कम एज स्पेसिफिक मोर्टैलिटी है। तो देखिए यहाँ पे अगर सीड प्रोड्यूस की बात करें तो सीधी सी बात है कि सीड प्रोड्यूस 1 हुआ है, मतलब कि रेट के बेसिस पे, और डेथ 0.16 की, मतलब सर्वाइवरशिप इतना है और मोर्टैलिटी कितना, इतना है, ठीक है। बाकी सब में देखिए कि यहाँ पे प्रोड्यूस भी पॉइंट में हुआ है और डिडक्शन भी पॉइंट में हुआ है, मतलब 0.84 अगर हम लेते हैं तो ये हो गया 0.63, ठीक है। यहाँ पे 0.210 का सर्वाइवल, जबकि डेथ यहाँ पे हो गया 0.17 का। नेक्स्ट यहाँ पे 0.033 है, तो ये तो और भी कम हो गया, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इतना कम हो गया, यहाँ भी कम हो गया, जो कंफ्यूजन होगा वो यहाँ पे होगा। तो आपको बोला लोएस्ट एज स्पेसिफिक मोर्टैलिटी रेट किसमें देखने को मिली है, सबसे कम डेथ रेट किसमें मिली है। तो अगर आप खुद सोचिए, प्रोड्यूस अगर 100 लोग हुए हैं और मौत 2 लोगों की हुई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे कम इसी में हुआ है। जैसे कि यहाँ पे प्रोड्यूस सर्वाइवल जो है 1 का है, लेकिन जो रिडक्शन है एज स्पेसिफिक मोर्टैलिटी है वो 0.16 है। समझ में आ रहा है सभी को? रुकिए मैं इसको किसी और तरीके से भी मैं आपको बता देती हूँ, वेट अ मिनट। देखिए ये तीनों हट गए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही पॉइंट में चले गए, इसको तो कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, तो ये लास्ट के तीन तो ऐसे ही हट गए। अब जो कंफ्यूजन है वो इन तीनों में है, तो इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, मैं सबसे इजीएस्ट तरीका बता रही हूँ। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन में सर्वाइवलशिप दिया यानी कितने जिंदा है, ठीक है, एज स्पेसिफिक मोर्टैलिटी भी दिया है कि एज स्पेसिफिक कितना डेथ होता है। आपको बताना है कि गिवन ऑप्शन में से लोएस्ट एज स्पेसिफिक मोर्टैलिटी रेट किसमें है, यानी सबसे कम डेथ किसमें हुई है। तो अगर आप 1 में से 0.16 माइनस भी करते हैं तो आपको 0.84 मिलेगा, यानी इतने जिंदा रहने के, इतने जिंदा है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नेट नेट गेन जो है या नेट चेंज जो है इतना होके रखा है, पहले बंद था अब इतना हो गया है। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगेगा, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन से आप इसको हटा सकते हैं। दूसरा है 0.840 सर्वाइवरशिप, जिसमें से स्पेसिफिक मोर्टैलिटी, ये स्पेसिफिक मोर्टैलिटी है 0.63, तो ये आ रहा है आपका 0.21, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0.210 माइनस 0.17, ये आ रहा है आपका 0.04। अब सोचिए ये तो और भी कमाएगा ना, क्योंकि ये तो खुद ही पॉइंट पॉइंट में है, तो ये तो और भी कमाएगा, 0.0 समथिंग समथिंग आएगा। तो अगर आप सबने देखो तो सबसे ज्यादा सर्वाइवरशिप के बेसिस पे, सबसे ज्यादा सर्वाइवरशिप भी सीड प्रोड्यूस का ही है, सबसे कम एज स्पेसिफिक मोर्टैलिटी भी सीड प्रोड्यूस की है, और जो नेट देखने को मिल रहा है कि हाँ नेट चेंज कितना है, वो 0.84 का है, वो भी सबसे ज्यादा सीड प्रोड्यूस की है। तो वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। जी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सभी को आंसर। बोला है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर विच ड्राइव द एक्सटिंक्शन वर्टेक्स, करेक्ट फैक्टर आपको बताना जो एक्सटिंक्शन वर्टेक्स को ड्राइव करता है। पहला रिड्यूस पॉपुलेशन साइज, यस, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, यस, इन ब्रीडिंग, यस, ये तीनों ही फैक्टर फिलहाल में रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट इमिग्रेशन हमने नहीं देखा था, फ्रेगमेंटेड हैबिटेट देखा था, इनब्रीडिंग देखा था। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इमिग्रेशन नहीं होगा, रिड्यूस पॉपुलेशन साइज होगा, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होगा। नेक्स्ट कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, ठीक है, रिड्यूस पॉपुलेशन साइज, ठीक है, आउटब्रीडिंग नहीं देखा था हमने, राइट, तो वी कैन गो विद फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बोला है गिवन बिलो आर द पॉसिबल रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज,
हाई प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है. अच्छा बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन दैट विल लीड टू द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन. यानी कौन से ऑप्शन आपको एक्सटिंक्शन के लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं. पहला इंक्रीज होमोजाइगोसिटी ऑफ एलील, बिल्कुल. इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी, नहीं. हेट्रोजाइगोसिटी क्या डिफरेंसेस एक्युमुलेट करेगा. डिक्रीज पॉपुलेशन साइज, यस. इंक्रीज डेमोग्राफिक स्टोकेस्टिसिटी, यस. डिक्रीज एनवायरमेंटल स्टोकेस्टिसिटी, नो. तो ये हो गया हमारे पास 1, 3 एंड 4. 1, 3 एंड 4 दैट इज सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्या होगा आंसर. बोला विच ऑफ दिस प्रोग्राम इज यूज टू कंजर्व अ स्पीसीज फेसिंग एक्सटिंक्शन. इनमें से कौन सी प्रोग्राम को हम यूज कर सकते हैं उन स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए जो कि एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं. पहला ही ऑप्शन सही हो गया, दैट इज कैप्टिव ब्रीडिंग, राइट. एज इफेक्ट नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होगा, सस्टेनेबल यूज नहीं होगा. बोला जा रहा है स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन आर लिस्टेड बिलो. आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन पिक करना है. हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन, यस, करवाता है. हाई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, हमने ये नहीं देखा है. हाई ट्रॉपिक स्टेटस, यस. शॉर्ट लाइफ स्पैन, यस. तो वी कैन गो विथ ए सी डी. ए सी डी दैट इज सेकंड ऑप्शन. हाई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन में. मैं आपको छोटा करके बता देती हूँ. हाई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी सेक्स के बेसिस पे दो मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है. मेल एंड फीमेल अपने बॉडी साइज के कारण पहचाने जा पाते हैं, तो इसको हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं. आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक द स्पीसीज मोर प्रॉन. ठीक है, रेयर होना चाहिए, यस होना चाहिए. कॉमन नहीं चाहिए. गुड डिस्पर्सल नहीं, पुअर डिस्पर्सल चाहिए. डी, नो स्पेशलाइजेशन नहीं, हाई स्पेशलाइजेशन चाहिए, दैट इज एफ. नेक्स्ट हाई वेरिएबिलिटी, यस चाहिए. जी, लो वेरिएबिलिटी नहीं. लो ट्रॉपिक स्टेटस नहीं, हाई ट्रॉपिक स्टेटस चाहिए. जे, लॉन्ग लाइफ स्पैन नहीं चाहिए, शॉर्ट लाइफ स्पैन चाहिए. एल, हाई रिप्रोडक्टिव आउटपुट नहीं चाहिए, लो रिप्रोडक्टिव आउटपुट चाहिए. एन, तो ये हो गया ए डी एफ जी. ए डी एफ जी पहला ऑप्शन. नेक्स्ट सही. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ स्पीसीज दैट मेक इट वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन. कौन सा यहाँ पे ऐसा फैक्टर नहीं है जो ऑर्गेनिज्म को एक्सटिंक्शन के लिए वल्नरेबल बना दे. स्पेशलाइज्ड डाइट बनाता है, लो डिस्पर्सल एबिलिटी बनाता है, लो ट्रॉपिक स्टेटस नहीं बनाता, वेरिएबल पॉपुलेशन डेंसिटी बनाता है. तो वी कैन गो विद थर्ड. ये ऐसा फैक्टर है जो कि एक्सटिंक्शन की रिस्क को हाई नहीं करता है, लो करता है. ठीक है, आई ला डन, खत्म हो गया. चलो देखते हैं क्या बोला. Given below are the population pyramid of three different population A, B and C depicting the relationship between the birth and death rate in each cases. Based on the population pyramid given above, which one of the following is incorrect? कौन सा incorrect है? गलत statement कौन सा दिया गया? पहला है population B. Population B has a slower growth rate than population A. Yes, क्योंकि population B एक stable population को दिखा रहा है और population A देखने में समझ में आ रहा है it is exponential. तो yes, B का slower growth rate होगा compared to A. तो इन्होंने incorrect पूछा है, but ये तो correct है. Next, population C has a birth rate higher than the death rate. तो देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन सी में आपको पता है प्री रिप्रोडक्टिव की बात की जाती है, तो ऑन शेप ग्राफ में हमको प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ही कम मिलता है. कम क्यों मिलता है? क्योंकि ऑब्वियसली बर्थ रेट लोअर चल रहा होगा, तो बर्थ रेट यहाँ पे हायर नहीं है, राइट. तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया है ये क्या है? ये गलत स्टेटमेंट है. आपसे भी इनकरेक्ट ही पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन हमको इनकरेक्ट लग रहा है. नेक्स्ट देखते हैं, पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, यस. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ये शो कर रहा है रेट अमंग द थ्री पॉपुलेशन, बिल्कुल. तो वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट दिया गया है. ओके चलो, तो इसके साथ जो है हमारा ये टॉपिक डन हो जाता है. देखिए हमारे पास जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, वेट अ मिनट, हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया था वो था बीस के लिए, बटरफ्लाई के लिए, बर्ड के लिए, बैट्स के लिए. मैं आपको बता दूं इससे भी ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो आप अपनी तरफ से चाहें तो कुछ और पॉलिनेशन सिंड्रोम ऐड कर सकते हैं. ओके चलो, तो क्वेश्चन देख लेते हैं. बाकी और पॉलिनेशन सिंड्रोम जो है आप ऐड कर लीजिएगा. हमने कुछ चार देखे हैं. ठीक है, बोला आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर फॉर द फ्लावर विथ फॉलोइंग पॉलिनेशन सिंड्रोम. ठीक है, पहला है फ्लावर विथ डल कलर. डल कलर मतलब कि व्हाइट हो गया या लाइट हो गया. तो ऐसे केस हमने किसके केस में देखा था? हमें जो ऑप्शन मिले हैं बैट, बर्ड, बटरफ्लाई, मॉथ, बी, कैरियन फ्लाई. ओके, तो ये पांच छह हमको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर पहला बोला गया है कि फ्लावर डल कलर का होता है, लोकेटेड अवे फ्रॉम द फॉलिएज एंड फ्लोरल पार्ट टर्जिड, तो ये केस अगर हम देखें तो हमको जो लग रहा है फिलहाल में गिवन ऑप्शन में से वी कैन गो विद बैट, क्योंकि बैट के पास कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसके फ्लावर मैक्सिमम टाइम डल होंगे. ठीक है, व्हाइट कलर या लाइट कलर के होंगे, डल टाइप के. नेक्स्ट, फ्लावर्स ब्राइट रेड कलर के होंगे. हमने ब्राइट रेड कलर वाला केस किस में देखा था? बर्ड में देखा था. ठीक है, नेक्स्ट, फ्लावर व्हाइट विद प्लीजेंट ऑर्डर, क्रोना ट्यूब लॉन्ग एंड नाइट ब्लूमिंग. तो ये केस जो है आई थिंक इट विल गो विद मॉथ, आई गेस. ऑल्दो आप लोग मॉथ का भी एक बार देख लीजिएगा कि पॉलिनेशन सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है. ठीक है, बीस का तो नहीं होगा, बीस क्योंकि हमें बी का पढ़ा है तो बी का तो ये नहीं होगा, राइट. तो वी कैन गो विथ सेकंड ऑप्शन. बी में क्या दिखा के रखा था? लेट्स सी, बी में जो है गुड सेंस ऑफ स्मेल होता है, तो हेंस अच्छा खासा फ्रेग्रेंस रहना चाहिए फ्लावर में. और इसको बोला है कि कलर विजन होता है, तो हेंस जो फ्लावर है वो ब्लू, पर्पल, येलो इस कलर के होने चाहिए. व्हाइट भी हो सकता है बट नॉन रेड कलर होना चाहिए. ओके चलो, नेक्स्ट.
A plant with blue color flower was observed to attract a large number of pollinator. However, these flowers are not producing any nectar. मतलब कि blue color का flower है और वो बहुत से pollinator को attract करता है, लेकिन इस flower में कोई nectar नहीं है. ठीक है. Which of the following can be logical explanation? इसके लिए कौन सा logical explanation है? Next. There could be another species in the vicinity that has a blue flower and is rich in nectar. Exactly. ऐसा हो सकता है कि आसपास के एरिया में जो है कोई और स्पीसीज हो फ्लावर का जिसका कलर ब्लू हो और जो कि नेक्टर रिच हो. उसी कारण जो है इस फ्लावर को भी मिसलीड कर दिया जा रहा है, क्योंकि पॉलिनेटर जब आ रहे हैं तो उनको नेक्टर चाहिए और बिना नेक्टर का जो प्लांट है उसको पॉलिनेट इसलिए करने का मौका मिल जा रहा है क्योंकि वो बहरूपिया की तरह बाकी सबके साथ मिला हुआ है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं. देयर इज नो अदर स्पीसीज विद ब्लू फ्लावर, फिर तो इजिली रिजेक्ट हो सकता था. नेक्स्ट, पॉलिनेटर मे नॉट हैव अ ब्लू कलर विजन. कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट लगा नहीं. पॉलिनेटर्स मे बी एबल टू सी ओनली ब्लू कलर. नो, सो वी कैन गो विद फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, चलिए बताइए क्या होगा, देखते हैं क्वेश्चन. The following matrix show the relationship between the probability of death, death की probability and duration of species association. उसके लिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स ड्रॉ किया गया है कि किससे कितनी देर तक एसोसिएटेड रहने से डेथ की प्रोबेबिलिटी हाई या लो कैसे हमको देखने को मिल सकती है. ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप वो ऑप्शन पहले पिक कीजिए जिसके लिए आप ज्यादा श्योर हैं. ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? ए वाला है कि एसोसिएशन हाई रहेगी, प्रोबेबिलिटी लो रहेगी. ठीक है, ए हो गया. सी में क्या है? सी में है एसोसिएशन लो रहेगा, डेथ की प्रोबेबिलिटी भी लो रहेगी. बी वाला क्या है? ऐसे देखना है, बी वाले में एसोसिएशन हाई है एंड डेथ की प्रोबेबिलिटी भी हाई है. डी में जो है इसमें एसोसिएशन लो है लेकिन डेथ की प्रोबेबिलिटी हाई है. अब नाम दिया गया है यहां पर पैरासाइट, पैरासिटॉइड, ग्रेजर्स, प्रीडेटर. फिर कार्निवोर्स भी है, हर्बीवोर्स भी है, पैरासाइट है. और कुछ नया है? नहीं, ये सब कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो अगर मैं फिलहाल के लिए मैं अगर अपनी तरफ से कहूं तो मुझे प्रीडेटर का बहुत अच्छे से मुझे पता है कि उनके साथ एसोसिएशन लो भी क्यों ना रहे लेकिन डेथ फॉर श्योर हो जाता है. यानी एसोसिएशन लंबा रहने की जरूरत नहीं है. प्रीडेटर शिकारी और शिकार में रिलेशन लंबे टाइम तक मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है. शिकार शिकारी के पास आया, उसने उसे दबोचा और खा लिया. राइट, यानी इसमें एसोसिएशन लो हो सकता है, डेथ हाई, डेथ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ हाई होगी. तो मुझे लग रहा है कि डी जो है ये प्रीडेटर के लिए जा सकता है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन लग रहा है पहले जाने के लिए, क्योंकि मैं इसके लिए श्योर हूं. ठीक है, एक और वर्ड है पैरासाइट. पैरासाइट में हमको पता है कि जो एसोसिएशन होता है यानी अपने होस्ट के साथ यानी लंबे टाइम के लिए एसोसिएशन में रहा जाता है लेकिन डेथ की प्रोबेबिलिटी लो रहती है, तुरंत अपने होस्ट को नहीं मारते ये. राइट, तो अगर मैं ऐसा केस देखूं तो मुझे ए लग रहा है कि ए जो है वो क्या होगा, वो पैरासाइट हो सकता है. अब इस बेसिस पे चलूं तो देखिए यहां पे ए में तो कार्निवोर्स है, ग्रेजर है, प्रेडेटर है, एंड आई एम डैम श्योर कि ए जो है पैरासाइट होगा. ठीक है, तो ये तो तीनों ऑप्शन ऐसे ही हट गए. और दूसरा कंफर्मेशन मुझे मिल जा रहा है डी से, जिसके लिए मुझे भी प्रीडेटर लग रहा है. बी को देखिए, बी में क्या है? बी में एसोसिएशन लंबा रहता है, हेंस डेथ रेट भी आपको अच्छा खासा मतलब हाई देखने को मिलता है, जो कि था किस केस में? पैरासिटॉइड में. कि एग जो है होस्ट पे रिलीज किया जाता है और वो एग लार्वा प्यूपा बनने तक जो है होस्ट पे ही फीड करता है और उसके बाद उसको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हार्म करता है, मार देता है. तो इसमें एसोसिएशन लंबा चलता है लेकिन डेथ की प्रोबेबिलिटी भी हाई रहती है, तो बी के लिए जो है हम पैरासिटॉइड ले सकते हैं. और अब बच गया सी, जिसमें एसोसिएशन भी लो रहता है, डेथ रेट भी कम रहता है, जो कि हो गया ग्रेजर्स, जो कि प्लांट पे ग्रेजिंग करता है. ठीक है, तो इस हिसाब से चले तो हमको फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है. नेक्स्ट, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो ऑलवेज स्टार्ट विद द ऑप्शन जिसके लिए आप बहुत ज्यादा श्योर हो. तो देखते हैं इसमें क्या बोला है. रेड कलर ट्यूबुलर फ्लावर विदाउट एनी ऑर्डर इज मोस्ट लाइकली टू बी पॉलिनेटेड बाई. तो हमने देखा था रेड कलर का फ्लावर ऑलमोस्ट जो है बर्ड के द्वारा पॉलिनेट किया जा सकता है. राइट, तो वी कैन गो विद फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट, चलो क्या बोला गया है, आंसर बताओ आप लोग. माइक्रोराइजल फंजाई आर एसोसिएटेड विद लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज. द डायग्राम बिलो शोज द कॉस्ट बेनिफिट कर्व फ्रॉम द इंडिविजुअल प्लांट विद और विदाउट माइक्रोराइजल फंजाई एसोसिएशन विद द रूट अक्रॉस अ सॉइल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, तो जहां पे यहां पे लो होकर रखा है कंसंट्रेशन, यहां पे हाई होकर रखा है. राइट, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट एंड माइक्रोराइजा व्हेन सॉइल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इज हाई. हाई कंसंट्रेशन पे बताना है आपको कि कौन सा इनका इंटरेक्शन काम करना है. राइट, तो हाई कंसंट्रेशन पे हमने कहा था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव में हो गए, जबकि लो कंसंट्रेशन पे ये कैसे थे? पॉजिटिव पॉजिटिव में थे. अगर लो कंसंट्रेशन पूछता तो हमारा ऑप्शन टू होता, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पूछा है सॉइल में तो ऑब्वियसली आंसर विल बी पैरासिटेशन, बिकॉज़ ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस, सॉरी प्लस प्लस, और ये हो गया प्लस जीरो. राइट, पहला ऑप्शन सही हो गया. नेक्स्ट, बताओ ये होगा आंसर. ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है, प्लस मतलब बेनिफिट, नेगेटिव मतलब हार्मफुल, न्यूट्रल मतलब जीरो, स्पीसीज वन स्पीसीज टू के बीच में, और आपको इंट्रैक्शन बताना है ए बी सी डी के फॉर्म में. सी क्या है? सी है यहाँ पे प्लस प्लस. राइट, डी है यहाँ पे
जीरो एंड माइनस, ए है यहाँ पर, ए है यहाँ पे माइनस एंड माइनस, ए है माइनस माइनस, और बी क्या है माइनस एंड प्लस, बी है माइनस एंड प्लस, ठीक है। तो ए को पहले पिक करते हैं, ए में क्या होगा, ए में माइनस माइनस क्या होता है, दो ही चीज होता है, या तो कंपटीशन या तो स्पाइट। अब ऑप्शन देखा जाए तो कंपटीशन का ऑप्शन ए के लिए है, तो ये दोनों हट गए, ठीक है, सही जा रही हूँ। बी में है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में देखिए, बी में एक में है म्यूचुअलिज्म, ये भी हट गया, तो प्रिडेशन के लिए हो सकता है। सी में है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सी क्या हो सकता है, सी म्यूचुअलिज्म हो सकता है, थर्ड ऑप्शन है म्यूचुअलिज्म है। और डी में है जीरो माइनस यानी कैंसिलिज्म हो गया, तो वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन। ओके चलो बताओ, एन एग्जांपल ऑफ स्पीशीज इंटरेक्शन कॉल्ड कमेंसलिज्म इज, आपको कमेंसलिज्म का एग्जांपल लेना है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन एसोसिएशन विद द लेग्यूम लेग्यूम रूट्स, नो। माइक्रोबियल लिविंग ह्यूमन गट, नो। फीमेल मॉस्किटो ड्राइविंग द नरिशमेंट फ्रॉम द ह्यूमन बर्ड ब्लड, नो। ऑर्किड प्लांट ग्रोइंग ऑन द ट्रंक ऑफ मैंगो ट्री, यस, ये हमारा कमेंसलिज्म का एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट, थ्री आइलैंड हैव आइडेंटिकल हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक, तीन आइलैंड है, तीनों पे आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ऑन द फर्स्ट आइलैंड रोडेंट स्पीसीज ए इज प्रेजेंट एट अ डेंसिटी ऑफ 325 पर किलोमीटर स्क्वायर, सेकंड आइलैंड पे बी स्पीसीज प्रेजेंट है 179 पर किलोमीटर स्क्वायर, थर्ड आइलैंड पे ए बी दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, डेंसिटी इनकी कम हो गई है, दैट इज ये वाली डेंसिटी इतनी हो गई है 297 और 179 वाली डेंसिटी 150 पर किलोमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस, इससे आप क्या बता सकते हैं, पहला द टू स्पीसीज डू नॉट कम्पीट, कम्पीट नहीं कर रहे थे तो ऑब्वियसली ये कैसे हुआ। नेक्स्ट, द इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज मोर इंटेंस देन द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, बिल्कुल सही, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन स्ट्रॉन्ग होता तो इस इलाके में कोई एक ही दिखता, या एक का नंबर थोड़ा ठीक रहता, दूसरे का नंबर एकदम से लो हो जाता, जो कि दोनों में से किसी केस में नहीं है, यानी ए और बी के बीच में आपस का जो लड़ाई है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ए और बी के अपने मेंबर्स के बीच में जो लड़ाई हो रही है, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज मोर, नो। इंटर इंट्रा कॉम्पिटिशन आई हैव अ सेम इंटेंसिटी, नो, वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट चलो बताओ क्या होगा, बोला है इन एन इंटरेक्शन वेयर द एक्टर एंड द रिसिपिएंट बोथ सफर अ कॉस्ट, दोनों को ही कॉस्ट पे करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्ट्रिज्म नहीं है, कोऑपरेशन भी नहीं है, म्यूचुअलिज्म भी नहीं है, इट्स अ स्पाइट, नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन। बाकी ये सब क्या है, म्यूचुअलिज्म आपको पता है, कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ काम करना, ऑल्ट्रिज्म एक अलग टाइप का एनिमल सोशल एनिमल का बिहेवियर है जो कि आपको इवोल्यूशन में पढ़ने को मिलेगा। ओके ये हम कर चुके हैं, राइट। चलो अगला, रिसर्चर ऑब्जर्व एंट इन कॉन्टैक्ट विद द प्लांट हॉपर्स, ठीक है, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के कुछ इंसेक्ट होते हैं प्लांट हॉपर्स, दैट वेर फीडिंग ऑन ट्री सैप, यानी एक रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया कि एंट जो है वो प्लांट के हॉपर के साथ इंटरेक्शन में है, वो हॉपर जो कि प्लांट के सैप पे, यानी ट्री के सैप पे फीड कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंट बींग प्रीडेटरी, ठीक है, तो एंट जो है प्लांट हॉपर के साथ कांटेक्ट में है, अब ये कांटेक्ट कौन सा है हमको कैसे पता है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ और तो बोला नहीं गया इसमें, राइट, तो ये प्रीडेटरी है यानी नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन है, ये हम नहीं कह सकते हैं, इसको हटा दिया। नेक्स्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंट अपसेटिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर, यहाँ पे कौन सा नेचर का बैलेंस चल रहा है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया कि हम इस बात पे एग्री हो सके, तो ये भी हट गया। नेक्स्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी ट्रॉपिक इंट्रैक्शन, ये एक मल्टी ट्रॉपिक इंट्रैक्शन है, यानी एक का इंट्रैक्शन दूसरे से तो दूसरे का इंट्रैक्शन किसी और से, ये एक मल्टी ट्रॉपिक इंट्रैक्शन को बता रहा है, अभी तक तो फिलहाल में हमको ये समझ में आ रहा है कि हाँ दिस में भी एग्जांपल ऑफ मल्टी ट्रॉपिक इंट्रैक्शन। नेक्स्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्री अट्रैक्टिंग एंट टू गेट रीड ऑफ प्लांट हॉपर, एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कि इनमें नेगेटिव रिलेशन है या पॉजिटिव है हमको नहीं पता है, ठीक है, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि ट्री ने एंट को अट्रैक्ट किया है ताकि ट्री जो है वो प्लांट हॉपर से छुटकारा पा सके, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, कुछ इंट्रैक्शन है, अगर होता कि एंट ने प्लांट एंट का जो है हॉपर के साथ नेगेटिव रिलेशन है तो हम ये चीज थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहां तो कोई रिलेशन बताया नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ट्री ने एंट को अट्रैक्ट किया ताकि प्लांट हॉपर से उसे छुटकारा मिल सके, तो ये इस अभी तक के लिए फिलहाल में जो स्टेटमेंट इस गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है वो ये है कि ये एक मल्टी ट्रॉपिक इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें एक का इंट्रैक्शन दूसरे से, दूसरे का इंट्रैक्शन किसी तीसरे से, ठीक है, तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट चलो बताओ क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर स्पीसीज दैट एक्सप्लॉइट द सेम रिसोर्स इन सिमिलर मैनर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गिल्ड कहते हैं, सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट बताओ, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, पहला niche breadth tend to increase with interspecific competition while intraspecific competition tend to decrease it, pura ulta bola hai, by interspecific competition mein niche ka breadth decrease hota hai kyunki do species ke beech mein ladai ho rahi hoti hai to dono apne realize niche mein badhte hain hence dono ka niche kya ho jata hai, kam ho jata hai, ya jo species shift hota hai uska niche kam ho jata hai,
इंट्रा स्पेसिफिक में ऐसा केस देखने को नहीं मिलता है। इंट्रा स्पेसिफिक की वजह से नीच का ब्रेथ कम नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, स्पीसीज इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट विद फ्लक्चुएटिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी टेंड टू हैव अ ब्रॉडर नीच ब्रेथ। ऐसी स्पीसीज जो कि अनस्टेबल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी होती है, उसके केस में उनके पास ब्रॉडर नीच हो सकता है। देखिए, स्पीसीज जब तक किसी और स्पीसीज के साथ इंट्रैक्शन में नहीं है और वो अगर अपने फंडामेंटल नीच में है, चाहे कंडीशन कोई भी हो, वो अपने नीच को ब्रॉडर ही रखेगा। दैट इज वेरी मच सिमिलर, राइट? क्योंकि अगर उसके साथ कोई और स्पीसीज इंट्रैक्शन में आता है तब प्रॉब्लम होगी, तब नीच का ब्रेथ कम होगा। तो ये तो सही है। नेक्स्ट, के स्ट्रेटेजिस्ट आर लाइकली टू बी बेटर कॉम्पिटिटर देन द आर स्ट्रेटेजिस्ट इन द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। बिल्कुल सही, के स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो आर स्ट्रेटेजिस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छे कॉम्पिटिटर होते हैं, चाहे कभी की भी बात कर लो, चाहे वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो या नॉर्मल हो। तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, डिफ्यूज कॉम्पिटिशन इंक्रीज विद नीच डायमेंशनलिटी। अगर आप नीच के डायमेंशन को बढ़ाते हैं, यानी जितना ज्यादा फैक्टर आप कंसिडर करेंगे, डिफ्यूज कॉम्पिटिशन उतना ही ज्यादा देखने को मौका मिलेगा आपको। बिल्कुल डिफ्यूज मतलब क्या हो गया, एक का कॉम्पिटिशन दूसरे से सिर्फ इतना ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, मल्टीपल के साथ कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो जितना आप नीच का डायमेंशन बढ़ाओगे, उतना ही मल्टीपल ऑर्गेनिज्म उसमें आते जाएंगे। जब आप एक ही फैक्टर कंसिडर कर रहे हो तो आप दो को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जब आप मल्टीपल फैक्टर कंसिडर कर रहे हो तो दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करना पड़ेगा, और दो से ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली बहुत मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होगा, तो ऑटोमेटिकली वो डिफ्यूज कंपटीशन क्रिएट कर देगा, जिसको कि डिफ्यूज इंट्रैक्शन का वन ऑफ द टाइप माना जा सकता है। ये हो गया। नेक्स्ट, ओके चलो बताओ, देखते हैं क्या बोला गया। इंट्रैक्टिंग प्लांट ए टू जे एंड इंसेक्ट हर्बीवोर पी टू वाई। ये रहे इंसेक्ट हर्बीवोर, ये रहे इंसेक्ट हर्बीवोर, और ये रहे प्लांट, ठीक है। स्पीसीज इन कम्युनिटी आर डिपिक्टेड इन द नेटवर्क बिलो। अच्छा, तो आप देख पाए हो कि एक प्लांट से मल्टीपल इंसेक्ट हर्बीवोरस इंसेक्ट का रिलेशन देखने को इजीली मिल रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेटवर्क ड्रॉन अबाउट। आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट भी पिक करनी है। इंसेक्ट आर मोर स्पेशलाइज्ड देन प्लांट। इंसेक्ट जो है वो प्लांट से ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि इंसेक्ट जो है वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड है कंपेयर टू प्लांट? क्योंकि देखिए, जैसे ये इंसेक्ट है, ये ओनली बी पे फीड कर रहा है, ठीक है। सेम गोज विद आर, एस, टी, इनके पास भी स्पेसिफिसिटी है कि दे आर ओनली गोइंग टू फीड ऑन एफ। पी और क्यू की स्पेसिफिसिटी है कि वो सिर्फ बी पे फीड करेंगे। इसके अलावा ओके, इसको छोड़ दिया जाए तो एक्स की स्पेसिफिसिटी है कि फिर जे पे फीड करेगा। यानी अगर ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो यस, इंसेक्ट जो है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ज्यादा है कंपेयर टू द प्लांट, तो हम इसको सही मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, देर आर नो ऑब्लिगेट इंट्रैक्शन इन दिस नेटवर्क। यहाँ पे बहुत ही ऑब्लिगेट इंट्रैक्शन यानी स्ट्रिक्ट इंट्रैक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो येस, वी कैन गेट एग्री कि यहाँ पे कोई मल्टीपल बेसिस पे ऑब्लिगेट इंट्रैक्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा है, तो वी कैन एलिमिनेट दिस। नेक्स्ट, द कम्युनिटी इज मॉड्यूलर। मॉड्यूलर में क्या होता है, डेंसली कनेक्टेड होते हैं, तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डेंसली कनेक्टेड है, तो वी कैन गो विद सी। नेक्स्ट, मिसिंग लिंक ऑलवेज रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ इंट्रैक्शन। जो लिंक मिसिंग है उससे पता चल रहा है कि इंट्रैक्शन यहाँ पे एब्सेंट है, बट ऐसा जरूरी नहीं होगा क्योंकि मिसिंग लिंक जो है हमेशा इंट्रैक्शन के एब्सेंस को बताए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, राइट? लेकिन आप खुद सोचिए ना, जो भी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, उनको कोई भी प्लांट स्पीसीज हो, आपको पता है कि उनको इंट्रैक्शन चाहिए ही चाहिए होगा, पॉलिनेशन चाहिए ही होगा, वरना कैसे होगा। तो वो पॉलिनेटर या वो इंसेक्ट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि कोई इंट्रैक्शन होगा ही नहीं। इंट्रैक्शन जो है बहुत कॉमन चीज है कम्युनिटी में, तो हम ये इस बात पे एग्री नहीं कर सकते हैं कि ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज बोल दिया है यहाँ पे। तो ऐसा कभी कभार हो सकता है कि हाँ, यहाँ पे जो लिंक नहीं है वो ये बता दे कि इंट्रैक्शन यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा एब्सेंस ऑफ लिंक इंट्रैक्शन के एब्सेंस को बताएगा, ऐसा कंपल्शन नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी हट गया, ठीक है, डी हट गया, तो ये हट गया, ये हट गया, ठीक है, और सी सेलेक्ट हो गया, तो सी इसी में है। यहाँ पे ए ओनली नहीं होगा, ए और सी हमको दोनों सही लग रहे हैं, तो वी कैन गो विद बी ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, ए एंड सी कॉम्बिनेशन। लो जी, खत्म हो गया। चलो देखो, तो यहाँ पे ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। स्पीसीज वन स्पीसीज टू प्रेजेंट है, कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्राउन डियर, मतलब कि स्पीसीज वन के लिए बोल दिया गया, स्पीसीज वन की है कितनी 200, यानी के वन यहाँ पर है कितनी 200, ठीक है। अल्फा, अल्फा हो है यहाँ पे कितना 1, के टू कितनी है, के टू है 100, और बीटा कितनी है 1, तो अल्फा क्या होती है, अल्फा होती है 1 2, राइट, और बीटा क्या होती है, बीटा होती है 2 1, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गया, आपको बताना कौन सा स्पीसीज जीतेगा। वैसे तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही वैल्यू 1 1 है, मतलब डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा हर हाल में। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो K1 वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू K2। अब आपको किसी भी तरीके से आप अपॉन में रखिए, जो 200 है वो 200 ही रहना है, 100 जो है वो 100 ही रहना है, राइट। तो इस केस में कौन जीत जाएगा, इस केस में स्पीसीज 1 जीत जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, और अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से सॉल्व करके आप इस तरीके से रिजल्टेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पे दोनों तीनों मेथड यहाँ पे बता दिया। अगला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लॉटका-वोल्टेरा कॉम्पिटिशन मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अलाउ द कोएक्जिस्टेंस ऑफ टू कम्पीटिंग स्पीसीज। यानी लॉटका-वोल्टेरा कॉम्पिटिशन मॉडल के अकॉर्डिंग कौन से कंडीशन में ऑर्गेनिज्म कोएक्जिस्ट करेंगे। पहला, बोथ स्पीसीज इक्वली कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग ईच अदर, नो। जब इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक, यस, ये कंडीशन जिसमें स्पीसीज कोएक्जिस्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट बोला है, जब इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन लेस देन होगा इंटर स्पेसिफिक के, नो, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, नो, गलत आंसर हो गया हमारा 2।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, फॉर टू स्पीसीज ए एंड बी इन अ कंपटीशन द कैरिंग कैपेसिटी एंड द कंपटीशन कोएफिशिएंट आर, यहाँ पे कुछ वैल्यू देके रखा है जो कि है के ए का वैल्यू देके रखा है 150, के बी का वैल्यू देके रखा है 200, अल्फा यहाँ पर है कितना 1, अल्फा यानी अल्फा ए बी, ठीक है, और बीटा है कितना, बीटा है 1.3, मतलब अल्फा बी ए, ये वैल्यू दी गई है राइट. अब वही वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, दैट इज ए ए वाला हो गया के बी, ठीक है, जिसमें आपको सॉल्व करना है के कितना है, के है 150, ठीक है, यहाँ पर के बी कितना है 200, 200 बी ए 1.3, दूसरा यहाँ पे 200, ए है 150, ए बी है 1, ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाई 1.3 कितना आएगा, ये किसी ने सॉल्व किया था इसको, 153 आएगा, चलो 153 कर देते हैं, और यहाँ आएगा 200 बाई 150, तो सीधी सी बात है, देखिए ये बड़ा है तो ये बड़ा है तो ये बड़ा है, सिंपल, और इस केस में ये बड़ा है ये बड़ा है राइट. तो हमारे पास एक्चुअल में ये आया फॉर्मूला, फॉर्मूला देख के पता चल रहा है कि बी वाला वैल्यू दोनों बड़ा है, यानी इसको मैं अगर प्लॉट भी करती हूँ तो इसका जो आइसोक्लाइन होगा वो सबसे ऊपर आएगा, यानी स्पीसीज 2 जीतेगा, तो स्पीसीज बी विल विन. नेक्स्ट 2014 दिसंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको गिवन कंडीशन में से सही आउटकम बताना है कंपटीशन का, ग्राफ आपको देख के रखा है, ठीक है, तो ग्राफ देखिए, के टू यहाँ पर हायर इंटरसेप्ट पे है, के वन हायर इंटरसेप्ट पे है, ये कब होता है, जब दोनों ही स्पीसीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, अब स्ट्रॉन्ग होती हैं तो क्या केस होगा, दैट इज अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस, वेरी सिंपल राइट, अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस होगा. फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला तो भैया ग्राफ हमारे पास, तो हम इजीली फॉर्मूला देख के बता देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा के टू इज ग्रेटर देन के वन बाई अल्फा, एंड यहाँ पे आ जाएगा के वन इज ग्रेटर देन के टू बाई बीटा, ठीक है, आप देख लीजिए किसके साथ मैच हो रहा है, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस पहले वाले में है, यहाँ पे के वन इज ग्रेटर देन के टू बाई बीटा, के टू इज ग्रेटर देन के वन बाई अल्फा, पहला ही ऑप्शन सही हो गया. अगला अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस है, लेकिन इसमें साइन गड़बड़ देकर रखा है, गलत, ये तो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस वाले होंगे ही नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, आंसर हो गया वन. अगला सवाल था, इन लॉट का वोल्टेरा मॉडल, लॉट का वोल्टेरा टू स्पीसीज कॉम्पिटिशन मॉडल, आपको बताना है अल्फा 1 2 अगर लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये चीज याद होगा आपको, ये मैंने करवाया भी था, अगर अल्फा 1 2 लेस देन 1 होगा मतलब कि 2 का इफेक्ट, 2 का इनहिबिटरी इफेक्ट 1 पे बहुत ज्यादा वीक है कंपेयर टू 1 के मेंबर का कॉम्पिटेटिव इफेक्ट एक दूसरे पे, यानी यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन वीक है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्पीसीज 1 ज्यादा है, तो पहला इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज 2 हैव अ लेस इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज 1 देन द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज 1 ऑन अदर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, एग्जैक्टली पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ऐसा वाला क्वेश्चन करके रखा था. ओके, ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, ये हमने टॉपिक नहीं लिखा है. अच्छा, एक और क्वेश्चन था ना लेटेस्ट वाला, भी तो था, यस, ये वाला, और 2023 दिसंबर का भी क्वेश्चन था. अच्छा, यहाँ पे दो स्पीसीज देके रखा है, MN नाम से स्पीसीज को प्लॉट करके रखा है, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा होगा, ठीक है, बोला है एट पॉइंट ए, पॉइंट ए यहाँ पर है, देखिए दोनों के आइसोक्लाइन के अंदर, पॉइंट ए पे बोला है दोनों ही स्पीसीज इंक्रीज होगी, बिल्कुल सत्य वचन है, कोई दिक्कत नहीं है. एट पॉइंट बी, बी पॉइंट, बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट देखा जाए तो ये एम, ये रहा एम का आइसोक्लाइन, ये रहा एन का आइसोक्लाइन, ठीक है, तो पॉइंट बी पे जो है ये पॉइंट एम के आइसोक्लाइन के अंदर है, मतलब कि एम इंक्रीज होगा, और M कहाँ पर है, M है X एक्सिस पे, यानी इंक्रीज होगा तो ऐसे जाएगा राइट, तो M जो है वो इंक्रीज होगा इस B पॉइंट पे, और N के आइसोक्लाइन के बाहर है ये, तो N क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो N डिक्रीज होगा मतलब कि ऐसे जाएगा, ठीक है, ये रहा N डिक्रीज होगा, तो बोला एट पॉइंट B स्पीसीज M इंक्रीज, ये हमें भी इंक्रीज मिला, वेल दैट ऑफ द स्पीसीज एंड डिक्रीज, यस हमको भी डिक्रीज मिला, ये भी सही है. नेक्स्ट, एट पॉइंट B पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एंड इंक्रीज, अभी तो हमने बोला स्पीसीज एंड डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कैसे होगा, गलत, अल्टीमेटली स्पीसीज N विल बी एलिमिनेटेड, वैसे भी हमने रिजल्टेंट बना ही लिया है, तो ये रिजल्टेंट किसकी तरफ इशारा कर रहा है, स्पीसीज एम की तरफ इशारा कर रहा है, तो एम जीतेगा, एम जीतेगा तो कौन एलिमिनेट होगा, एन एलिमिनेट होगा, तो ये क्या हो गया, ये भी सही हो गया, तो हमारा यहाँ पूछा था कौन सा इनकरेक्ट होगा, थर्ड इनकरेक्ट होगा, ठीक है. अभी मैंने देखा ग्रुप में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन में स्टेबल और अनस्टेबल पूछ रहा है, कर क्या रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तीन रिजल्ट, दो रिजल्ट बताए थे ना, एक था को एग्जिस्टेंस का रिजल्ट और एक था कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का रिजल्ट, स्टेबल और अनस्टेबल की बात तो सिर्फ को एग्जिस्टेंस के केस में आएगी ना, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन में वहां पे आप लोग स्टेबल अनस्टेबल कहां से ढूंढ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन में क्या होता है, एक मजबूत है दूसरा वीक है, स्ट्रॉन्ग वाले ने वीक को हटा दिया, काम खत्म, वहां पे एक्सक्लूजन होता है, एक दूसरे को खदेड़ दिया जाता है, उस जगह से निकाल दिया जाता है, स्टेबल अनस्टेबल की नौबत वहां आती है जहां पे दोनों को मजबूरी में एक साथ रहना पड़ता है, दैट इज कोएग्जिस्टेंस के केस में रहना पड़ता है, तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिटी कीजिए, क्लास में ऑलरेडी आपको कल समझाया गया है, फिर एक्सक्लूजन में आप लोग क्यों स्टेबल अनस्टेबल पूछ रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है, जो भी बच्चा था मुझे नाम याद नहीं है, उससे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज दोबारा से रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि कंसेप्ट पूरे हिले हुए हैं, कंसेप्ट नहीं समझ में आया है आपको, अगर आप एक्सक्लूजन में स्टेबल अनस्टेबल पूछ रहे होते, यानी आपको क्वेश्चन, आपको पूरा टॉपिक ही नहीं समझ में आया है. ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन था दिसंबर वाला, आई थिंक मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन लिया नहीं है, एनीवेज मैं बता देती हूँ उस क्वेश्चन में था क्या, आई थिंक दिसंबर 2023 का क्वेश्चन था राइट, जहां तक मुझे पता है कि वो पूछ रहे थे कि स्टेबल कोएग्जिस्टेंस के लिए ग्राफ पिक करो,
स्टेबल को एग्जिस्टेंस के लिए हमको ग्राफ पिक करना था, ठीक है। और एक ग्राफ जो है हमको इस तरीके से दिया गया था, और रिजल्टेंट एक दूसरे की तरफ इस तरीके से अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। तो वही होगा हमारा आंसर, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन था, मैं इधर लाना भूल गई हूँ आप लोग के लिए, मैंने वहां पे स्लाइड में डाल दिया था, इधर मैं लाना भूल गई। यस, 2023 दिसंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, ऐसा वाला ग्राफ जिसमें कि एरो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे। अगर वो क्वेश्चन मुझे कल की कल वाली क्लास तक मिल जाता है तो मैं दोबारा आपको करवा दूंगी, और तो यही आंसर होगा। यस, ठीक है। अभी तक कितने क्वेश्चन आ रखे हैं लॉर्ड का वोल्टेरा से, आपने देखा इसके क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा घुमाया जा ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने हर तरीके से घुमा के इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, तो मुझे लगता है कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है जी। ऑप्शन सी था, मुझे पता नहीं है आप बोल रहे थे मैं ऑप्शन सी लगा दे रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ जो ग्राफ ऐसा है वही ग्राफ होगा। ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया है, राइट। अपने आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में, जैसे ही क्वेश्चन में दिखा रही हूँ आपको, आपको आपका जो आंसर निकला है कल कल के होमवर्क में, वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। देखिए क्या बोला है, द ग्राफ गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी, इफ द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव सोर्स, ठीक है। वाई एक्सिस जो है अगर वो क्यूमुलेटिव रिसोर्स को बता रहा है, रिसोर्स इनटेक को बता रहा है, यानी कितना एनर्जी गेन किया जा रहा है, राइट। फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, वट डू टी एंड टी डैश स्टैंड फॉर, ठीक है। आपको बताना है ये जो टी वर्ड है और टी डैश वर्ड है ये किसके लिए स्टैंड हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी कहा था कि जो ये वाला जो पॉइंट होता है वो ट्रांजिट टाइम होता है, यानी एक पैच से दूसरे पैच तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, और टी डैश क्या होता है कि उस पैच में रहकर ऑर्गेनिज्म कितना फीड कर रहा है, यानी फॉरेजिंग टाइम होता है, यानी वहां पे जो रहकर वो जितनी देर तक फॉरेजिंग कर रहा होता है, फीड कर रहा होता है या ईट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज फॉरेजिंग टाइम, ठीक है। तो बोला पहला टी जो है पैच रेसिडेंस टाइम है, नहीं रेसिडेंस टाइम टी नहीं होगा, टी डैश हो सकता है, तो ये गलत हो गया। सर्च टाइम टू फाइंड प्रे, सर्च टाइम कहां से आ गया इसमें, गलत। ट्रैवल टाइम टू रीच पैच, यस ट्रांजिट टाइम है, एक पैच से दूसरे पैच तक पहुंचने का टाइम, तो ये टी हो सकता है, यस। एंड द पैच रेसिडेंस टाइम इज टी डैश, यस ये भी सही है, तो वी कैन से कि थर्ड ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है, राइट। और ये हैंडलिंग टाइम तो इसमें होगा नहीं, तो वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन। चलो अगला सवाल था हमारा, अगेन प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप से रिलेटेड, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, इससे पता चलता है कि आपके प्रीडेटर प्रे वाले जो कॉन्सेप्ट है वो कितने अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो देखिए क्या बोला है, फिश स्पीसीज एक्स एंड वाई फीड ऑन मे फ्लाई निम्फ, ठीक है। एक्स और वाई नाम की जो फिश होती है वो क्या करती है, वो मे फ्लाई पे फीड करती है अपने हैबिटेट में। एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें प्रीडेशन की इंटेंसिटी को स्टडी किया गया है एक्स और वाई के। तो एक्स और वाई दो प्रीडेटर हैं, यानी फिश हैं जो कि प्रीडेटर का काम करती हैं, और वो प्रे पे फीड करती हैं, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट में जो है एक्स और वाई को डार्क एंड लाइट दो कंडीशन में टेस्ट किया गया कि एक काम करते हैं एक्स और वाई को एक बार लाइट कंडीशन में, यानी जहां पे बहुत ज्यादा रोशनी है वहां छोड़ देते हैं, और जहां पे बहुत ज्यादा डार्क है वहां छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो है चार एक्वेरियम रेडी किया गया, एलएक्स एलवाई डीएक्स डीवाई, चार एक्वेरियम, यानी एलएक्स यानी एक्स स्पीसीज इन लाइट, उसके अलावा डी एलवाई मतलब कि वाई स्पीसीज इन लाइट, फिर डीएक्स का मतलब हो गया एक्स स्पीसीज इन डार्क, एंड डीवाई का मतलब हो गया वाई स्पीसीज इन डार्क, ठीक है। हर एक एक्वेरियम में 10 मे फ्लाई निम्फ को डाला गया, और एक एक फिश को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कि 30 मिनट अलाउ किया गया फीड करने के लिए, कि हाँ भाई फिश को डाला गया एक्वेरियम में, उसमें पहले से ही मे फ्लाई था, और 30 मिनट के बाद जो है फिश को रिमूव कर दिया गया। उसके बाद काउंट किया गया कि कितने मे फ्लाई जो है एक्वेरियम में बचे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कि मैंने आपको प्लेट में जो है 50 रसगुल्ले दिए खाने के लिए, ठीक है, आई नो द टोटलिंग कि हाँ मैंने 50 रसगुल्ले दिए थे, अब मुझे पता नहीं है कि आपने कितना खाया है, तो जब आप घर से चले जाओगे तो मैं लेफ्ट ओवर रसगुल्लों को गिन लूंगी। अगर प्लेट में मेरे 20 रसगुल्ले बचे हुए हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने जो है 30 खा लिया, राइट। तो इस तरीके से गिना जा सकता है। तो जब लेफ्ट मतलब कि जो मे फ्लाई एक्वेरियम में रह गई थी जब उनको काउंट किया गया, और उसके बाद जो है ये ग्राफ प्लॉट किया गया, ओके। अब आपको इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला है एक्स इज अ विजुअल प्रीडेटर, चलिए देख लेते हैं। एक्स लाइट में नंबर ऑफ लेफ्ट अनईटन, ओके, तो लाइट में एक्स ने इतना फीड किया है कि सिर्फ 25 फ्लाई जो है एक्वेरियम में बची हुई है, राइट। तो बोला एक्स इज अ विजुअल प्रीडेटर, तो लाइट में देख के खा रहा है, तभी जो नेक्स्ट 75 है उनको लगभग वो खा चुका है, ओके। बट हैज लेस प्रीडेशन इंपैक्ट ऑन प्रे देन वाई, अभी तो देखने से पता चलेगा वाई क्या कर रहा है। वाई जो है लाइट कंडीशन में उसने कितना खाया है, 50, चलो 60 ले लेते हैं, अच्छा 60 लेफ्ट रह गई है, मतलब कि सिर्फ 40 को खाया है इसने, ठीक है। और वाई ने डार्क में देखिए, डार्क में भी जो है सिर्फ 60 रह गई है और सिर्फ 40 को खाया है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि एक्स का जो है प्रीडेशन इंटेंसिटी लेस है कंपेयर टू द वाई, क्योंकि वाई की प्रीडेशन इंटेंसिटी क्या है यही समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि लाइट और डार्क में वो दोनों एक ही रिजल्ट दे रहा है। लेकिन डीएक्स को देखिए जरा, डीएक्स को जब डार्क में छोड़ा गया प्रीडेशन करने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 फ्लाई को ही खा पाया, बाकी 90 की 90 एज इट इज मेंटेन है, यानी फॉर श्योर एक्स विजुअल प्रीडेटर है। एक्स को रोशनी चाहिए प्रीडेशन करने के लिए, वो डार्क में प्रीडेशन नहीं कर सकता है, तो इसके लिए तो हम श्योर है कि एक्स इज अ विजुअल प्रीडेटर, बट इसके लिए भी श्योर है कि इसकी प्रीडेशन इंटेंसिटी जो है वो वाई से लेस है, इसके लिए हम एग्री नहीं कर सकते क्योंकि वाई का समझ में नहीं आ रहा है। एक्स इज अ विजुअल प्रीडेटर, यस, एंड हैज अ ग्रेटर प्रीडेशन इंपैक्ट, यस, इसका इंपैक्ट वाई से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये लाइट कंडीशन में अच्छा खासा हाई प्रीडेशन कर रहा है जबकि डार्क कंडीशन में कम कर रहा है, तो इसका प्रीडेशन इंपैक्ट जो है वो हाई है, ये हम एग्री कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसके लिए हम रेडी हो सकते हैं, वाई विजुअल प्रीडेटर है ये हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि दोनों में हमको सेम रिजल्ट मिला, तो वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल,
बोला गया है कंसिडर द प्रीडेटर विद अ चॉइस बिटवीन द टू प्रे, ये ऑप्टिमल फॉरेजिंग थ्योरी से क्वेश्चन आया है, OFT से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अ बिगर प्रे विच हैज एनर्जी वैल्यू E1 हैंडलिंग टाइम H1 एंड सर्चिंग टाइम S1, स्मॉलर प्रे भी है विद एनर्जी टाइम E2 हैंडलिंग टाइम H2 एंड सर्चिंग टाइम S2। अकॉर्डिंग टू द OFT व्हेन विल द प्रीडेटर प्रेफरेंशियली सेलेक्ट प्रीडेटर टू, प्रे टू, आपको बताना है ये जो प्रीडेटर है ये प्रे टू को कब प्रीफर करेगा। कल कहानी हमने डिस्कस की थी कि प्रीडेटर का फेवरेट खाना तो प्रे वन ही है, लेकिन एक मजबूरी आती है जिसमें कि उसे प्रे टू को प्रीफर करना पड़ता है। अब वो क्या है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है व्हेन E2 बाई H2 इट इज ग्रेटर देन E1 बाई H1 प्लस S1, यस ये पहला स्टेटमेंट देखिए सही हो गया। जब प्रे वन के लिए हैंडलिंग टाइम और सर्चिंग टाइम, जब उसका ये सर्चिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस केस में जो प्रीडेटर है वो प्रे टू को प्रेफर करेगा, और ये कंडीशन इस फॉर्मूले के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। बोला है नेक्स्ट व्हेन द अबंडेंस ऑफ प्रे वन इज वेरी हाई, जब अबंडेंस बहुत हाई होगा तो वो प्रे वन को प्रेफर करेगा ना कि प्रे टू को। व्हेन द अबंडेंस ऑफ प्रे वन एंड प्रे टू बोथ आर इक्वल, इक्वल भी होगा तो भी वो प्रे वन को प्रेफर करेगा। व्हेन E2 बाय H2 इज इक्वल टू E1 बाय H1 नहीं, ये केस कब होगा जब प्रे वन हाई चलेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, उम्मीद करती हूँ मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन किया होगा और मैक्सिमम बच्चों का सही भी हुआ होगा। क्वेश्चन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ये देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, बहुत टफ होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला गया। एक स्टडी किया गया जिसमें कि टेस्ट किया गया लर्निंग मैकेनिज्म को, ठीक है, मतलब कि प्रीडेशन के लिए, प्रीडेशन से बचने के लिए लर्निंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है। और स्टडी किया गया डेवलपमेंट ऑफ एंटी प्रीडेटर स्केप रिस्पॉन्स इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग स्पीसीज। तो टैडपोल जो है उनमें एंटी प्रीडेटर स्केप रिस्पॉन्स डेवलपमेंट करवाया जा रहा था। कहने का मतलब हो गया कि उन टैडपोल को अपने प्रीडेटर से बचना सिखाया जा रहा था। इसके लिए क्या किया गया, देखिए। Tadpole hatched from the egg in the lab were kept individually either with the predator chemical cues, जिसे हम prior exposure कह रहे हैं, और without the predator chemical cues, जिसे हम naive कह रहे हैं, for 1 week. तो frog से जो नए tadpole जन्म लिए, मतलब frog egg से जो नए tadpole लिए गए, उनको दो group में divide किया गया, और उन दोनों group पे 1 week तक experiment हुआ। पहले group को क्या किया गया, पहले group को रखा गया predator के कुछ chemical cues के साथ। केमिकल क्यूज का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसी केमिकल senses जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म सेंस कर पाएगा कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसे प्रायर एक्सपोजर के बराबर माना जा रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक स्पेसिफिक टाइप का परफ्यूम लगाती हूँ, वो परफ्यूम दुनिया में कोई नहीं लगाता है क्योंकि मैं उसको कस्टमाइज करवाती हूँ अपने लिए, ठीक है। और अगर किसी ने उस परफ्यूम की स्मेल को सेंस किया तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत यूनिक टाइप का परफ्यूम है, राइट। तो क्या तो हुआ ये कि उस इंसान ने पहली बार फर्स्ट टाइम उस परफ्यूम को सेंस किया है, स्मेल लिया है। अब अगली बार अगर उसकी आंख को आप बंद कर दीजिए और वापस से अगर मैं वहां पे जाकर खड़ी हो जाऊं, उसको पता नहीं है कि मैं वहां पे खड़ी हूं, तो अगर उसके सेंसेस अच्छे काम करते हैं, उसका प्रायर एक्सपीरियंस अच्छा काम करता है, तो फटाफट से पहचान जाएगा कि इट्स मी, जो रूम में है वो मैं हूं। क्यों? क्योंकि वो परफ्यूम की जो स्मेल है वो बहुत यूनिक है और उसने उस स्मेल को पहले से पहचाना हुआ है। ये एक एग्जांपल हो गया प्रायर एक्सपोजर का। लेकिन अगर एक और इंसान है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और वहां मैं फर्स्ट टाइम जाऊं, उसको स्मेल तो आएगी लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये ज्योति है। क्यों? क्योंकि उसका प्रायर एक्सपोजर नहीं हुआ है। ऐसा ही पूरा मिलता जुलता केस यहां रखा गया है कि कुछ केमिकल क्यूज यहां पे रखे गए हैं जिसको सेंस करके प्रीडेटर प्रे जो है यानी टैडपोल ये सीख सकते हैं कि ये कोई ऐसी चीज है जिससे हमें बचना है। अगर इस टाइप का केमिकल हम सेंस करते हैं तो हमें बचना है। इसको प्रायर एक्सपोजर के बराबर माना गया है, यानी पहले से एक्सपीरियंस करवाने के बराबर माना गया है। एक ग्रुप ऑफ टैडपोल को 1 week तक प्रायर एक्सपोजर दिया गया, लेकिन दूसरे ग्रुप को क्या किया गया, बिना किसी केमिकल क्यूज के उसको नाइव रखा गया। नाइव यानी नया नवेला, उसको पता भी नहीं है कि प्रीडेटर किस चिड़िया का नाम है। ओके, नेक्स्ट, दीज इंडिविजुअल वर टेस्टेड फॉर द एस्केप रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू द लाइव प्रीडेटर। दे वर टेस्टेड आइदर अलोन, या तो उनको अलोन टेस्ट किया गया, और टुगेदर विद द 3 ओल्डर एक्सपीरियंस टैडपोल। ये जो दोनों ग्रुप है इन दोनों को अकेले भी टेस्ट किया गया प्रीडेटर के साथ छोड़ के, और इन दोनों को 3 ओल्डर एक्सपीरियंस टैडपोल के साथ भी ग्राउंड में छोड़ के देखा गया। और इसका जो रिजल्ट आया, स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, जब इन्होंने अकेले टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट ये निकला है, जब इन दोनों को 3 ओल्डर टैडपोल के साथ छोड़ा गया तो रिजल्ट कुछ ऐसा निकला है जो ग्राफिकली आपको दिख रहा है। अब आपको बताना है यहां पर कौन सा करेक्ट इन्फ्रेंस एक्सपेरिमेंट को समझा पा रहा। अब क्या करना होता है ऐसे केस में, क्योंकि हमारे अजम्पशंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको एक एक ऑप्शन पढ़ना होता है और मैच करना होता है ग्राफ से। वो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है और इजीली जो है आप कम टाइम में आंसर तक पहुंच सकते हो। तो पहला देखिए बोला है क्या, प्रायर एक्सपोजर टू प्रीडेटर क्यूज इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्केप रिस्पॉन्स, यानी पहले से एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि प्रीडेटर में प्रे में स्केप रिस्पॉन्स जनरेट हो। बट अगर ऐसा होता तो ध्यान दीजिए, ये जो नाइव है इसके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसका कोई प्रायर एक्सपोजर नहीं है, तो इसने सेकंड केस में इतना हाई स्केप रिस्पॉन्स कैसे दिया। नेक्स्ट, प्रायर एक्सपोजर टू द प्रीडेटर क्यू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ स्केप रिस्पॉन्स, ये सही है। ये क्या बोला है, देखिए ये जो स्टेटमेंट था ना ये एकदम एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट था कि जरूरी है ही है, जो कि हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, पॉसिबिलिटी के बारे में बोला है कि पहले से एक्सपोजर अगर प्रीडेटर से हो जाए तो वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है स्केप रिस्पॉन्स को डेवलप करने में। बिल्कुल सही, ये इस केस में देखिए, इस केस में जो है दैट इज अप्लाइड एक्सपोजर जब हुआ है इसमें, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पहले से एक्सपोजर लिया है इसलिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर पा रहा है, और इसने एक्सपोजर नहीं लिया इसलिए नेगेटिवली रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो हम इसके साथ जा सकते हैं,
फर्स्ट द प्रेजेंस ऑफ ओल्डर एक्सपीरियंस टैडपोल इज नेसेसरी नहीं, ये नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है. क्यों? इस केस में देखिए जब अलोन टेस्ट किया गया तो यहाँ पे ओल्डर टैडपोल है नहीं है, यहाँ पे से प्रायर एक्सपोजर है, तो प्रायर एक्सपोजर भी तो एस्केप रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकता है, यानी कि ये नेसेसिटी नहीं है, ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन दिस इज नॉट अ नेसेसिटी, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट द प्रेजेंस ऑफ ओल्डर एक्सपीरियंस इंडिविजुअल पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एस्केप रिस्पॉन्स, यस ये एक पॉसिबल स्टेटमेंट है कि अगर पुराने कुछ टैडपोल प्रेजेंट रहे तो वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एस्केप रिस्पॉन्स को जनरेट करने में, और ये चीज आप इस नाइव के केस में देख सकते हो जिसने 3 ओल्डर टैडपोल के साथ तुरंत ही एस्केप रिस्पॉन्स देना सीख लिया और इसलिए इसका एस्केप रिस्पॉन्स इतना हाई चला गया. इंडिविजुअल विद प्रायर एक्सपोजर एंड विद ओल्डर एंड एक्सपीरियंस इंडिविजुअल शो द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्केप रिस्पॉन्स, नहीं ये तो बराबर ही शो कर रहा है, देखिए इसकी बात हो रही है, ये तो बराबर ही शो कर रहा है. ठीक है, तो इस बेसिस पे चले तो हमारे पास बी एंड डी, ये दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, दैट इज सेकंड. इजी, चलो अगला सवाल. क्रिएटर प्री इंट्रैक्शन इन कम्युनिटी आर रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर बिलो, आपको बताना है करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द फिगर. पहला प्रीडेटर एंड प्रे आर जनरलिस्ट, एक बार देख लीजिए, यस यहाँ पे किसी एक का रिलेशन किसी एक के साथ स्पेसिफिकली नहीं है, ये रही प्रे की स्पीशीज, ये रही प्रीडेटर की स्पीशीज, कोई भी किसी को भी खाते जा रहा है, तो यानी ये एक जनरलाइज्ड लेवल के प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशन है, यस दिस इज ट्रू. सेकंड प्रीडेटर हैव एक्सपेंडेड देयर प्रे बेस ओवर टाइम, लेकिन यहाँ पे टाइम के बेसिस पे हम कैसे पता लगाएं कि इन्होंने अपना प्रे का बेस बढ़ा दिया है, यहाँ तक तो टाइम फ्रेम दिया नहीं गया है, और दूसरा हाउ कैन वी से कि प्रे वन पहले एक ही प्रे वन पहले जितने पे भी फीड कर रहा था उससे ज्यादा पे फीड कर रहा है, यानी हमें कंट्रोल नहीं दिया गया तो हम ये बात कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने अपना प्रे का बेस जो है वो टाइम के साथ बढ़ा दिया है, तो वी कैन जस्ट कैंसिल दिस. नेक्स्ट प्रीडेटर प्रे हैव कोइवॉल्व, यस जितना ज्यादा नंबर में प्रे प्रेजेंट है उतने ही ज्यादा कनेक्टिविटी प्रीडेटर ने उनके साथ बना ली है, तो दैट इज इंडिकेशन कि ये दोनों कोइवॉल्व हो रहे हैं और जनरली भी ये दोनों कोइवॉल्व ही होते हैं, आपको बताया था इवोल्यूशनरी आर्म रेस के बारे में, राइट right? तो ये हो गया. नेक्स्ट देयर इज अ स्पीशिएशन इन प्रे व्हाइल प्रीडेटर आर प्रोन टू एक्सटिंक्शन, ये भी बात हमको इस ग्राफ से पता नहीं चल रही है कि कोई किसी भी टाइप का स्पीशिएशन हुआ हो या फिर प्रीडेटर जो है एक्सटिंक्शन के लिए प्रोन हो गए हो, इसका भी कुछ यहां पे हमको प्रूफ नहीं दिया गया है, तो इस बेसिस पे चले तो हमको फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही लग रहा है, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन. बोला है इनकॉर्पोरेटिंग एडिशनल, ओके फाइन, ये हमने ऑलरेडी इसको स्टडी किया था, आपको तीन केस दिया गया है, विक्टिम अबंडेंस एक्टिंग एज अ कैरिंग प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी, और आपको यहाँ मैच करना है, तो विक्टिम का अबंडेंस प्रीडेटर की कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन कर रहा है, ये केस हमको सी में मिलता है, तो सी का हो गया क्या, सी का हो गया वन. नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रे दैट इज विक्टिम इन द पॉपुलेशन, अल्टरनेटिव प्रे की अवेलेबिलिटी है पॉपुलेशन के अंदर, अच्छा ये चीज हमको पता चलेगी किससे, बी से पता चलेगी, राइट. अवेलेबिलिटी ऑफ, हाँ ये हमको पता चलेगी किससे, बी से पता चलेगी, तो यस तो ये हमको पता चलेगी बी से, बी का हो गया टू. नेक्स्ट प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन बाय द फैक्टर अदर देन द विक्टिम अबंडेंस, यस बिकॉज़ ये इधर बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो हम ए के साथ जा सकते हैं, ए का हो गया थ्री, इस बेसिस पे चलते हैं, तो ए का हो गया थ्री, बी का टू एंड सी का वन, दैट इज थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट कंसीडर अ प्रीडेटर प्रे फॉरेजिंग फॉर द प्रे इन अ हैबिटेट वेयर देयर आर टू प्रे स्पीशीज ए एंड बी, एज प्रीडेटर कैन चूज फ्रॉम द हाई वैल्यू प्रे ए एंड लो वैल्यू प्रे बी, ए एंड बी अगर एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन एनवायरनमेंट, सो इट मे टेक डिफरेंट एवरेज टाइम टू फाइंड द नेक्स्ट ए और बी इंडिविजुअल, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फॉरेजिंग थ्योरी से रिलेटेड. पहला है इफ इट टेक टू लॉन्ग टू सर्च फॉर ए प्रीडेटर मे स्विच टू ईटिंग बी ओनली, अगर ए को खोजने में बहुत टाइम लगता है तो प्रीडेटर बी पे स्विच कर सकता है, हाँ ये ठीक लग रहा है हमको. नेक्स्ट इफ इट टेक टू लॉन्ग टू सर्च फॉर ए प्रीडेटर मे ईट बोथ ए एंड बी विच एवर इज इनकाउंटर्ड, ओके तो ए से ज्यादा सूटेबल स्टेटमेंट बी है, बोला जा रहा है अगर ए को सर्च करने में बहुत टाइम लगता है तो आने वाले टाइम में प्रीडेटर को जो भी मिलेगा इट मे बी ए और इट मे बी बी वो दोनों में से किसी को भी इनकाउंटर कर सकता है, तो क्या ये बात सही होगी जो हमने ओएफटी में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही होगी, क्योंकि वो बी को क्यों खा रहा था, क्योंकि उसको ए नहीं मिल रहा था, और मान लीजिए वो खोज रहा है ए को लेकिन उसको मिल नहीं रहा है ए, तब वो बी पे स्विच करेगा, लेकिन जब वो खोज रहा है उस टाइम उसको ए मिल गया तो उस टाइम पे वो ए को भी खा लेगा, उसको ए को थोड़ी छोड़ेगा, वो तो उसके लिए हाई वैल्यू है ना, तो जब तक आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े थे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट सही लग रहा था लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ज्यादा सही है कंपेयर टू द फर्स्ट, तो हम इसको चूज कर लेंगे. देखिए नेक्स्ट प्रीडेटर विल ओनली फीड ऑन बी, नो रिगार्डलेस ऑफ सर्चिंग टाइम, नो प्रीडेटर विल नेवर फीड ऑन बी, गलत, वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन, राइट सेकंड ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है. नेक्स्ट एंटीलोप आर प्रपोज टू फॉर्म अ ग्रुप टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रीडेशन, एंटीलोप जो होते हैं वो क्या करते हैं ग्रुप में रहते हैं ताकि प्रीडेशन को अवॉइड कर सके, एक रिसर्चर ने क्या किया प्रीडेशन को मेजर करने के लिए कुछ इंडिविजुअल ग्रुप जो है जो कि डिफरेंट साइज के हैं उनको स्टडी किया, शी फाउंड दैट द पर कैपिटा मोर्टैलिटी रिस्क डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ग्रुप साइज फॉर द मेल, इसने क्या देखा कि मेल के लिए अगर ग्रुप साइज बढ़ जाता है तो मोर्टैलिटी रिस्क कम हो जाता है, मोर्टैलिटी रिस्क कम हो जाता है यानी इनवर्स रिलेशन, बट रिमेन अनचेंज फॉर फीमेल, लेकिन फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल के लिए ये चीज अनचेंज रहती है. ठीक है फर्दर मोर मेल्स इन ऑल ग्रुप एक्सपीरियंस ग्रेटर पर कैपिटा मोर्टैलिटी रिस्क, और मेल पे जो है मेल पे जनरली मोर्टैलिटी रिस्क हाई रहती है कंपेयर टू द फीमेल, आपको ऐसा ग्राफ सेलेक्ट करना है जो इस बात को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करता हो, तो देखिए ओके और मेल फीमेल पे मोर्टैलिटी रिस्क कम रहती है, ये तो हमने लिखा ही नहीं, मोर्टैलिटी रिस्क कम रहती है. ठीक है ओके पहला ग्राफ देखते हैं,
कि पहले ग्राफ में अच्छा डैश जो लाइन है डैश लाइन दिस इज फॉर फीमेल, सॉलिड लाइन इज फॉर मेल. अब मेल फीमेल को देखिए तो फीमेल की मोर्टालिटी रिस्क यहाँ पे है जबकि वाई एक्सेस पे मोर्टालिटी रिस्क है, एक्स एक्सेस पे ग्रुप साइज है. तो फीमेल की मोर्टालिटी रिस्क इतनी हाई कैसे हुई, हमें तो क्वेश्चन मिला कि इसकी लो रहती है जनरली भी, तो ये गलत हो गया. ठीक है, ये वाला भी ग्राफ अलग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर्टालिटी रिस्क मीडियम में चला गया है मेल का, फीमेल का. तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हट गए. अब आते हैं सेकंड पे. सेकंड पे फीमेल के लिए तो सही है क्योंकि मोर्टालिटी रिस्क मिनिमम है. ओके, और मेल के लिए क्या बोला है? मेल के लिए देखिए मैच कीजिए जरा, ग्राफ को मैच करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि मोर्टालिटी रिस्क बढ़ रही है बढ़ते हुए ग्रुप साइज के साथ. लेकिन तो यहाँ तो बोला है कि ग्रुप साइज बढ़ने के साथ मोर्टालिटी रिस्क कम होनी चाहिए, इनवर्स ग्राफ चाहिए हमको. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, हट गया. ये देखिए ये फीमेल के लिए ग्राफ सही है, मेल के लिए देखिए ये ग्राफ एकदम सूटेबल हो गया कि मोर्टालिटी रिस्क हाई है. कब हाई है? जब ग्रुप साइज छोटा है. और इस केस में देखिए यहाँ पे इस केस में मोर्टालिटी रिस्क कम हो गई है. कब कम हो गई है? जब ग्रुप साइज बड़ा हो गया. तो ये हो गया ना. वी कैन गो विद फोर्थ ऑप्शन. जस्टिफिकेशन नेक्स्ट, थ्री स्पीसीज एमएनओ when grown independently in a laboratory showed typical logistic growth curve. However, when grown in pairs, the following growth curve were observed. यानी जब इनको अकेले अकेले ग्रो किया जा रहा है ना इन सारी स्पीसीज को एम एन ओ को, तो ये इस टाइप की ग्रोथ कर्व को शो कर रही है लॉजिस्टिक. लेकिन जब उनको पेयर में ग्रो किया जा रहा है तो ये जो ग्राफ आपके सामने मिला है उस तरीके से ये ग्रो कर रही है जब ये पेयर में प्रेजेंट है. तो बोला है व्हाट इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग द इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन एम एन एंड ओ कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन. आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट बता सकते हैं? पहला, एन पीरियड ओवर ओ, एन पीरियड ओवर ओ, अच्छा एन पीरियड ओवर ओ ठीक है, एंड देयरफॉर कैन आल्सो पीरियड ऑन एम, इसलिए वो एम पे भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं. नहीं, ये देखिए एम के रहते हुए एन जो है वो पूरा पूरा डाउन चला जा रहा है, एक्सटिंक्शन की तरफ चला जा रहा है. तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया. एन इज कम्पीटेड आउट बाई एम एन ओ, एम एन ओ एन कम्पीट आउट किया जा रहा है एम के द्वारा, हाँ ओ के द्वारा नहीं कम्पीट आउट किया जा रहा है. देखिए ओ के साथ वो मेंटेन है ग्राफ में, गलत. एम ओ पॉसिबली हैव अ पीरियड प्री रिलेशनशिप, यस ये सही हो सकता है. देखिए क्योंकि जो ग्राफ है ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है, पीरियड प्री रिलेशनशिप जैसा ही है. तो एम एन और ओ में शायद पीरियड प्री रिलेशनशिप है. नेक्स्ट, एम और ओ, एम और ओ एग्जिबिट प्री पीरियड रिलेशनशिप नहीं, ये तो सही नहीं बढ़ रही है, तो ये म्यूचुअल रिलेशन जैसा बढ़ रहा है, कोएक्जिस्टेंस जैसा बढ़ रहा है, तो इनमें पीरियड प्री रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि ऐसा ग्राफ नहीं बढ़ता है, ग्राफ ऐसे बढ़ता है. ये भी गलत हो गया. तो वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप डिडीनियम विच इज अ प्रेडेटर एंड द पैरामीशियम विच इज अ प्रे वेर यूज्ड द पैरामीशियम पॉपुलेशन वाज ग्रोन विद सैंड सेडिमेंट एज अ हाइडिंग प्लेस और रिफ्यूज. टू दिस पॉपुलेशन डिडीनियम वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली वंस. व्हाट वुड हैपन टू द प्रे पॉपुलेशन इन द कोर्स ऑफ टाइम. पैरामीशियम जो कि प्रे है उसको हाइडिंग सिखाई जा रही है, यानी बचाव सिखाया जा रहा है कि अपने आपको बचाना कैसे है जब प्रेडेटर अटैक करें. तो क्या किया गया, इसके पैरामीशियम के पॉपुलेशन में डिडीनियम को सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया गया सिर्फ एक ही बार. आपको बताना है कि इस प्रे के पॉपुलेशन पे क्या हुआ होगा इंट्रोडक्शन के बाद. तो बोला पॉपुलेशन विल स्टेडली डिक्रीज एंड वैनिश, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई होगी उसके बाद गायब हो गई होगी. बट ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ध्यान दीजिए कि अगर इसको सिखाया गया है छुपना तो ये छुपेगा. अगर छुपेगा तो कितना ही ओवर मैनर में प्रिडेशन क्यों ना हुआ हो, कुछ ना कुछ इंडिविजुअल तो छुप के अपनी जान बचा ही लेंगे. और जो बचा लेंगे और जब प्रिडेटर उस एरिया से हट जाएगा, एक ही बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जो बचे हुए वहां पे पैरामीशियम है वो वापस से एक्जिस्टेंस में आएंगे, अपनी पॉपुलेशन को फिर से ग्रो करेंगे और इंक्रीज करेंगे. राइट, तो ये वैनिश तो नहीं होंगे फॉर श्योर. पॉपुलेशन विल इनिशियली इंक्रीज, प्रिडेटर की प्रेजेंस में पॉपुलेशन कब से इंक्रीज होने लगी? नहीं. नेक्स्ट, द पॉपुलेशन विल इनिशियली डिक्रीज, यस क्योंकि प्रिडेटर उस पे फीड करेगा, उसके बाद वो इंक्रीज करेगा, यस जब प्रिडेटर वहां से चला जाएगा तो जो हाइट हुए पैरामीशियम में वहां चले जाएंगे, अपनी पॉपुलेशन को इंट्रोड्यूस करके फिर से ग्रो करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे और उसके बाद वो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी. बिल्कुल सर, तो सर ये स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि तब जाकर वो स्टेबलाइज होगी. तो ये सही हो गया, पॉपुलेशन स्टेडली इंक्रीज हो, स्टेडली कैसे इंक्रीज हो सकती है? फाइन, ये तो मैच द फॉलोइंग था, वेरी वेरी इजी. आपको मैच करना है, सब कुछ पढ़ाया गया है आपको. dn1 by dt equals to r1 n1 k1 minus n1 upon k1. तो ये तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का स्पीसीज 1 का, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर स्पीसीज 1, यस. तो 1 का हो गया b. नेक्स्ट, dn1 dt equals to r1 n1, ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर स्पीसीज 1. ये हो गया सेकंड का dn1 by dt equals to r1 n1 k1 minus n1 minus alpha n2. तो ये हो गया जब स्पीसीज 1 को ग्रो कर रहे हैं स्पीसीज 2 के प्रेजेंस में. राइट, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 1 इन द प्रेजेंस ऑफ कंपीटिंग स्पीसीज 2, यस. 3 का हो गया a, हेंस 4 का हो जाएगा क्या, c. ये हो गया bdac, bdac दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, ओके, फॉलोइंग आर सर्टेन टाइप ऑफ डिफेंस एम्प्लॉयड बाय द प्रे स्पीसीज अगेंस्ट द प्रेडेटर. अब यहाँ पे डिफेंस में देख रखा है केमिकल विद एपोसिमेटिक कलरेशन, क्रिप्टिक कलरेशन, बेटासियन मिमिक्री, इंटीमिडेशन डिस्प्ले. अब आपको प्रे स्पीसीज को इससे मैच करना है कि कौन किसके साथ मैच करेगा. तो इंटीमिडेशन डिस्प्ले किसके साथ होता है, यानी किसी को अपना भयान ग्रुप करके डराना, वो कौन करता है? ये फ्रेयर लिजर्ड करती है, पोर्क्यूपाइन फिशेस करती है. तो ये हो गया डी का, हो गया फोर्थ. नेक्स्ट, बेटासियन मिमिक्री यानी बेवकूफ बनाना, ये होवरफ्लाई एंड वास्प करती है क्योंकि एक हार्मफुल है दूसरी हार्मफुल नहीं है. तो बी का क्या हो गया, बी का हो गया सेकंड. तो डी का 4 है यहाँ पर चार ऑप्शन में, बी का 2 है यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसमें ही है, सेकंड ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट देखिए, ग्रासहॉपर एंड सी हॉर्स ये तो अपने बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाते हैं, हेंस दे आर द एग्जांपल ऑफ क्रिप्टिक कलरेशन. मैं क्या उल्टा चल रही हूँ, ऐसे में मेरी सी होगा ना, सी का 2 होगा. ओ यहाँ पे इसका सी है, फाइन. तो बी का, बी हो गया क्रिप्टिक कलरेशन, बी का क्रिप्टिक कलरेशन में आ जाएगा ये 1. नंबरिंग कैसे उल्टी पुल्टी देख रखी है. ओके, तो ये नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा. तो डी का 4, सी का 2, सी का 2 दो में है, बी का 1, बी का 1 इसमें. राइट, और ए का हो गया यहाँ पे, ए है केमिकल विथ एपोसिमेटिक कलरेशन,
यानी कि भड़कीला नजर आना, ये किसमें हो जाएगा? बम्बार्डियल बीटल्स एंड लेडी बीटल्स में, तो ये हो जाएगा थर्ड, यानी ए का थर्ड, यानी ए का थर्ड यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हुआ हेमकुट पाजी, बड़ी स्माइल कर दिया जी। चलो कल पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट, यहाँ पे तीन कंडीशन दिए गए हैं, सॉरी चार कंडीशन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कंडीशन में मिमिक्री सक्सेसफुल हो जाएगा। ए कंडीशन में बोला है कि मिमिक ज्यादा होंगे मॉडल से, घनघोर हो जाएगा पाप। फिर यहाँ पर मॉडल ज्यादा होना चाहिए मिमिक से, यस। प्रीडेटर का लर्न करना जरूरी है, यस। रिसोर्स ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यस। चलो तो बी हमारा कंडीशन सही हो जाता है। यहाँ पे बराबर कर दिया है, गलत मॉडल पर ज्यादा कर दिया, ठीक है। लेकिन प्रीडेटर का लर्निंग बोला नहीं रहना चाहिए, नहीं रहोगे तो भाई सत्या नहीं हो जाएगा। फिर रिसोर्स का ओवरलैप तो चलो ठीक है, तो इसलिए डी भी गलत हो गया, तो वी कैन गो विद बी ऑप्शन। बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। ओके, अगला सवाल था, अच्छा ये एलिएफेट से क्वेश्चन था, मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाना भूल गई थी तो इसे मैंने डाल दिया था। बोला है पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द एब्सोल्यूट एवरेज इंडिविजुअल फिटनेस एंड द पॉपुलेशन साइज ओवर सम फाइनाइट इंटरवल इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एलिएफेट, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ फॉर द पर कैपिटा ग्रोथ रेट एज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द एलिएफेट इन द पॉपुलेशन, इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ एलिएफेट को पॉपुलेशन में बता रहा है? तो भाई पर कैपिटा ग्रोथ रेट यहाँ है, पॉपुलेशन साइज यहाँ है, तो ये रहा, ये लो, ये तो ना हमने ये ग्राफ देखा है, ना ये देखा है, ना ये देखा है, हमने देखा है सेकंड वाला, ठीक है। ये वन वाला क्यों चूज कर रहे हो आप? एलिएफेट में हमने ऐसा वाला ग्राफ कब देखा, मुझे बताओ जरा। ये थे वो तीन ग्राफ जो हमने देखे, राइट, ये थे वो तीन ग्राफ, एक नेगेटिव में जाके ऊपर आ रहा था, एक पॉजिटिव में आ रहा था, और एक ऐसे कुछ आ रहा था जिसमें कि नो इफेक्ट था। ऐसे ऐसे अजीब अजीब आंसर आप लोग क्यों दे रहे हो? आपको बोला है कौन सा करेक्टली बता रहा है स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट को, याद कीजिए स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट कैसा था, ये देखिए जो रेड वाला है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे गिवन ग्राफ में सबसे सूटेबल यही है जो स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट को दिखा सकता है, तो इसलिए हम थर्ड के साथ जाएंगे। तो क्वेश्चन पहला ये था, आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है अपने एक जो हमने थ्योरी सेशन लिया था उसमें हमने ये ऐसे वाले क्वेश्चन जो ऐसे वाले प्रैक्टिस पोर्शन हमने ऑलरेडी किया था। यहाँ पे देखे रखा है लार्ज बॉक्स जो कि है पी क्यू आर एस, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पी क्यू आर एस देखे रखा है और इसमें छोटे छोटे से जो एस वन एस टू है वो बता रहे हैं स्पीसीज को, यानी कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है। हमने सेम इसी चीज को ए बी सी डी फॉर्म में किया था, आपको याद होगा। आपको बताना है यहाँ पर कि किसमें मैक्सिमम अल्फा और मैक्सिमम बीटा डाइवर्सिटी है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो पी की अगर मैं बात करूं तो पी का अल्फा कितना निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2 निकलेगा, ठीक है। गामा इसमें कितना निकलेगा, गामा निकलेगा 2, तो बीटा कितना निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा, ठीक है। क्यू में देखते हैं, क्यू में है 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12 हो जाएगा, गामा हो जाएगा अगेन 3 है ना, सो 1 2 1 2 3 हाँ, एंड बीटा हो जाएगा 1, ठीक है। आर को देख लेते हैं, आर में है, आर में अल्फा निकलेगा 1, गामा निकलेगा 2 एंड बीटा निकलेगा 2, और एस में जो है इसमें 5 डिवाइडेड बाई 4, 1.25, इसका अल्फा निकलेगा 1.25, गामा निकलेगा 5, बीटा निकलेगा 5 डिवाइडेड बाई 1.25, बीटा इसका कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ ना, 5 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू गामा होता है, तो बीटा इक्वल्स टू गामा अपॉन अल्फा होगा, तो गामा 5 है, 1.25 है, तो इधर से इंटू 100 होगा, इसका बीटा निकल जाएगा हमारे पास अप्रॉक्स 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर देखा जाए तो बीटा सबसे हाईएस्ट हमको एस का मिला है, एस का बीटा हमको सबसे हाईएस्ट मिला है, और अल्फा हमको क्यू का मिला है पी, ठीक है, इसका हमें अल्फा मिला है। तो अगर हम इस बेसिस पे देखें तो क्यू का अल्फा हाई है और एस का बीटा हाई है, तो वी कैन गो विद फर्स्ट ऑप्शन। सभी का फर्स्ट ऑप्शन निकला होगा आंसर, देखिए यहाँ भी करके दिखा के रखा है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल और भी ज्यादा ईजी था। बोला गया है दो कम्युनिटी है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई है, फाइन। बेस्ड ऑन द अबाउट डेटा एंड द सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अब बच्चों को लगेगा कि यहाँ पे न्यूमेरिकल करना है, बट लेट मी टेल यू, ये बिना न्यूमेरिकल के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। लुक एट द वैल्यू, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को आप सॉल्व करने जाएंगे ना, आपका थाउजेंड्स में कुछ वैल्यू निकलेगा, ठीक है। इनफैक्ट ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये तो लगभग लैक्स में चली जाएगी, 4490 × 489। तो ऐसी वैल्यू को देखिए समझ में आता है ये कैलकुलेशन बेसिस पे सॉल्व होने वाली नहीं है। आप चाहे तो कैलकुलेशन बेसिस पे भी सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर वही निकलेगा जो हम बिना कैलकुलेशन बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना था, वैल्यू देखते ही समझ में आ रही है कि ये न्यूमेरिकली सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर आप देखोगे तो मुझे खुद बताइए कौन सी कम्युनिटी आपको डाइवर्स ज्यादा लग रही है। देखिए एक और चीज यहाँ पे है कि मैं अगर रिचनेस के बारे में बात करूँ तो रिचनेस के बेसिस पे मैं इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि रिचनेस कितनी है, रिचनेस दोनों में 7 है, ठीक है। तो मैं रिचनेस के बेसिस पे यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी कि यहाँ पे डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा है, तो मुझे ईवन के साथ जाना पड़ेगा। अब अगर जनरली देखा जाए तो ईवन तो दोनों में से कोई भी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना
दो गलत लोगों में से कोई ज्यादा गलत होता है और कोई कम गलत होता है, राइट? आपको वैसे ही पिक करना है। वैसे कहने को तो दोनों में ही इवननेस की कमी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई एक ज्यादा इवन है कंपेयर टू अदर, आपको वही ज्यादा इवन ढूंढना है। अब देखिए एक्स को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो एक्स में एक बार 250 है, 200 है, 180 है, ओके 100 है, 65 है, 30 है, उसके बाद ये 5 है, ठीक है। वाई को देखिए जरा सा, ये 490 है, 150 है, 80 है, 65 है, 50 है, 110 है, सॉरी 10 है, 10 है, कौन सा लग रहा है? एक्जैक्टली एक्स में जो है, एक्स हमको ज्यादा डाइवर्स लग रहा है, एक्स हैज अ ग्रेटर अल्फा डाइवर्सिटी। देखिए यहाँ पे आंसर अल्फा डाइवर्सिटी के फॉर्म में लिखा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ अल्फा डाइवर्सिटी के फॉर्म में जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या बोला है, क्वेश्चन में भी आपको सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स बताने के लिए बोला है। तो बोला है एक्स हैज अ ग्रेटर अल्फा डाइवर्सिटी, क्यों? क्योंकि हम एक कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के अंदर में देख रहे हैं, मतलब कि एक जो कम्युनिटी है एक्स कम्युनिटी, इसके अंदर में देख रहे हैं और वाई कम्युनिटी के अंदर में देख रहे हैं, यानी हम इंट्रा डाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं, और इंट्रा डाइवर्सिटी जब हम स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी को देखते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी का डेफिनेशन है इंट्रा डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी, तो यहाँ पे विद इन अ कम्युनिटी देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स वी कैन से दैट द एक्स हैज अ ग्रेटर अल्फा डाइवर्सिटी देन वाई, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 490 है और उसके बाद डायरेक्टली 125 हो गया, ये जो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आया है ना, ये डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आने से ये ज्यादा डाइवर्स होता अगर यहाँ पे थोड़ी ठीक ठाक वैल्यू होती तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंजेस बहुत बड़े बड़े नहीं है, तो वी कैन से कि एक्स ज्यादा डाइवर्स है, यानी एक्स का अल्फा डाइवर्सिटी ज्यादा है कंपेयर टू वाई, तो वी कैन गो विद फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला सवाल भी काफी ज्यादा मजेदार था, देखिए यहाँ पर जो है ऑफकोर्स चार प्लांट की कम्युनिटी रखी गई है, C1, C2, C3, C4, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए गए हैं आपको, करेक्ट, हाँ आपको करेक्ट कंक्लूजन को पहचानना है। अब देखते हैं प्लांट कम्युनिटी C1 एंड C4 शो स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी विद ईच अदर, मैच कर लेते हैं, C1 और C4 में बोल रहा है स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी है, चलो दोनों में स्पीसीज 1 है, ठीक है, स्पीसीज 2 भी है, स्पीसीज 3 भी है, दोनों में स्पीसीज 4 नहीं है, स्पीसीज 5 है, स्पीसीज 6 है, तो अगर देखा जाए तो लग रहा है क्या C1 C4 में काफी सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों में सेम नंबर, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है और सेम टाइप ऑफ स्पीसीज एब्सेंट है, तो फिलहाल के लिए हमको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, प्लांट कम्युनिटी C1 C4 एज वेल एज कम्युनिटी C2 C3 शो स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी, C1 C4 तो शो कर रहा है, C2 C3 को देख लेते हैं, दोनों में 1 नहीं है, दोनों में 2 नहीं है, दोनों में 3 है, ओके देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा गड़बड़ हो गया, ये देखिए यहाँ पे C2 में 4 स्पीसीज है, C3 में नहीं है, C2 में 5th नंबर स्पीसीज है, C3 में 5th नंबर स्पीसीज नहीं है, C3 में है, C6 भी C2 में नहीं है और C6 C3 में है, तो ये सिमिलैरिटी तो बिल्कुल नहीं शो कर रहा है, तो बी हर हाल में गलत हो जाता है, बी गलत हो जाता है तो ये हट जाता है, ठीक है, और ये और साथ ही साथ और कंफ्यूजन है, करेक्ट, ये भी हट जाता है, बी गलत हो गया है। अब ये दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही होगा, दोनों में कॉमन ए है, यानी हर हाल में हमारा पहला कंक्लूजन सही है कि ए वाला स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं, प्लांट कम्युनिटी C1 इज मोस्ट डाइवर्स, C1 को बोला है ज्यादा डाइवर्स है, ओके जरा मैच कीजिए, 90, 60, 55, 0, 25, 65, 40, 65, 40, 0, 45, 55, ओके C1 ज्यादा डाइवर्स नहीं लग रही है, C4 ज्यादा डाइवर्स लग रही है, राइट, C4 ज्यादा डाइवर्स है, देखिए इनके बीच के फ्लक्चुएशंस बहुत बड़े बड़े नहीं है कंपेयर टू C1, C1 में 90 के बाद 60 है, 60 के बाद 15 है, ठीक है, इतना बड़ा फ्लक्चुएशन, फिर 25, 65, मतलब इनके बीच के फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा ज्यादा है देखा जाए तो, लेकिन C4 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस छोटे छोटे हैं, यानी थोड़ी इवन ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू अस C4 को ज्यादा डाइवर्स रहना चाहिए कंपेयर टू C3, तो अगर ऐसा जाते हैं हम तो हमारा सेकंड ऑप्शन हमको सही लगेगा, सेकंड ऑप्शन, ओके। अगला क्वेश्चन था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, पहला है अल्फा डाइवर्सिटी इज अ डाइवर्सिटी विद इन अ सिंगल कम्युनिटी, यस, बीटा डाइवर्सिटी मेजर ऑफ अ चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन फ्रॉम वन कम्युनिटी और हैबिटेट टू द अनदर, बिल्कुल सही, अल्फा डाइवर्सिटी इज अ रीजनल डाइवर्सिटी, भाई गामा रीजनल डाइवर्सिटी होता है, गलत हो गया ये, नेक्स्ट, गामा डाइवर्सिटी इज अ रीजनल डाइवर्सिटी एंड फाउंड अमंग द रेंज ऑफ कम्युनिटी और हैबिटेट इन अ ज्योग्राफिकल रीजन, बिल्कुल सही, तो वी कैन से कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत देख रखा है। अगला सवाल वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन, द टेबल बिलो शोज द बर्ड स्पीसीज एंड देयर अबंडेंस इन द थ्री हैबिटेट PQR, यहाँ पे PR ये तीन हैबिटेट देके रखा है और इसमें आपको बताना है विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द हैबिटेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है, ओके तो अच्छा तो यहाँ तो पहचानना बहुत आसान है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाइवर्सिटी किसकी होगी, देखिए सबसे ज्यादा, देखिए सिंपल भाषा में कहें तो पी का रिचनेस जो है यहाँ पे 5 है, ठीक है, और क्यू का रिचनेस 8 है, आर का रिचनेस 8 है, यानी स्पीसीज रिचनेस के बेसिस पे क्यू और आर तो वैसे ही जीत गए, यानी सबसे कम डाइवर्सिटी जो है पी की मानी जाएगी, सबसे कम डाइवर्सिटी पी की होगी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी बढ़ते घटते हुए क्रम में अरेंज करना है, यानी सबसे लास्ट में सबसे छोटा वाला आएगा, तो पी देखिए पी सिर्फ दो ही ऑप्शन है लास्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन हटा, थर्ड ऑप्शन भी हटा, ठीक है, पी लास्ट में है। अब आपको क्यू और आर में डिसाइड करना है किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जिसकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वो पहले आ जाएगा, उससे कम वाली बीच में आ जाएगा, लास्ट में तो पी है ही, देखिए अब अगर मैं क्यू और आर हैबिटेट को मैच करती हूँ तो मुझे ज्यादा कौन सा लग रहा है, क्यों ज्यादा इवन है, 20, 20, 15, 15, यहाँ पे देखिए 80 है, 80 के बाद डायरेक्ट फ्लक्चुएशन 25 का हुआ है, तो ये उतना इवन नहीं है जितना हमको क्यू हैबिटेट दिख रहा है, तो क्यू में डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद आर में है और सबसे कम पी में है, ठीक है, ये है रिलेशन जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, तो क्यू आर पी दैट इज फोर्थ ऑप्शन, क्या बात है, सभी ने सही किया है, बहुत ही मजेदार चीज हो गई है, तो देखिए अगला सवाल है स्पीसीज रिचनेस कैन बी मेजर विद, स्पीसीज रिचनेस कैसे मेजर की जा सकती है, अबंडेंस ऑफ स्पीसीज इन एरिया नहीं है, तो इवननेस है,
नंबर एंड द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज इन द एरिया नो, नंबर ऑफ स्पीशीज इन द एरिया एक्जैक्टली, डेंसिटी ऑफ स्पीशीज इन द एरिया नो, हमारा आंसर हो गया थर्ड। अगला सवाल, ओके द ग्राफ बिलो शोज द एक्युमुलेशन ऑफ स्पीशीज इन टू साइट ए एंड बी एज मोर प्लॉट आर सैंपल्ड, ठीक है यहाँ पे दो ग्राफ दिए गए हैं। On the basis of this graph, following statement were made. कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिए गए। पहला, In both sites, sampling more plot will not add any more species. तो बोला है कि दोनों ही साइट पे, साइट ए जो है ये सॉलिड वाला है और साइट बी जो है ये डैश वाला है। बोला इन बोथ साइट सैम्पलिंग मोर प्लॉट विल नॉट एड एनी मोर स्पीसीज। तो देखिए ए में तो लग रहा है यहाँ पर कि ए का तो ठीक है, ए में अगर हम ज्यादा प्लॉट करते हैं और स्पीसीज को सैंपल करते हैं तो ए का देखिए इस पॉइंट से सैचुरेशन आ गया, तो और स्पीसीज को प्लॉट और स्पीसीज को प्लॉट करने के बाद भी हमको कुछ खास रिजल्ट मिलेगा नहीं, लेकिन बी बढ़ता हुआ लग रहा है, बट यहाँ पे बढ़ते हुए में सैचुरेशन आएगा यानी चलिए इसको हम होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट, सैम्पलिंग मोर प्लॉट विल एड मोर स्पीसीज इन साइट बी बट नॉट इन साइट ए। यस, ये स्टेटमेंट थोड़ा ठीक लग रहा है हमको कि अगर हम, क्योंकि बी देखिए बी का ग्राफ अभी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है जबकि ए का सैचुरेट हो चुका है, राइट तो अगर देखा जाए तो बोला सैम्पलिंग मोर प्लॉट विल एड स्पीसीज इन साइट बी, ओके साइट बी बट नॉट इन साइट ए, ओके स्पीसीज ए एंड बी आर लाइकली टू हैव अ सिमिलर स्पीसीज रिचनेस। नंबर ऑफ प्लॉट देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज देखा जाए तो बराबर आ रहा है, एंड साइट बी इज लाइकली टू हैव द हायर स्पीसीज रिचनेस देन साइट ए, साइट बी में स्पीसीज रिचनेस हाई है, नंबर ऑफ स्पीसीज दोनों को देखा जाए तो दोनों तो सेम जगह पे ही जा रही है। हाँ जी, तो कौन सा लग रहा है ऑप्शन सही होगा, व्हाट यू थिंक? तो देखिए दोनों ही साइट पे अगर देखा जाए, अब हमने सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए राइट, अब अपना कंक्लूजन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। इन बोथ साइट, दोनों ही साइट पे अगर हम सैंपल करते हैं तो विल नॉट एड एनी नॉट एड एनी मोर स्पीसीज। ओके फाइन, इनकरेक्ट पूछा है ना, ओके 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 फाइन, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है मैं करेक्ट को देख रही थी। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे देखा गया है कि दोनों अगर साइड पे हम सैम्पलिंग करें तो और कोई स्पीसीज ऐड नहीं होगी, बट हमको लग रहा है कि बी में ऐड होगी, ए में ऐड नहीं होगी, राइट तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ये गलत हो गया। नेक्स्ट, सैम्पलिंग मोर प्लॉट, अच्छा अगर ज्यादा हम सैम्पलिंग करते हैं तो हमें बी में तो मिल सकता है, ए में नहीं मिल सकता क्योंकि ए जो है अपने सैचुरेशन पॉइंट पे चल रहा है और बी शायद ऊपर जाके अभी इस तरीके से सैचुरेट होगा, तो हम बी के साथ, सॉरी ये हो गया गलत, बी के साथ हम एग्री कर सकते हैं कि ये सही है। नेक्स्ट, ए और बी के पास जो है सेम टाइप के, सॉरी सिमिलर टाइप के स्पीसीज रिचनेस है। अब इसको अगर हम देखते हैं कि ए और बी नंबर ऑफ प्लॉट सैंपल यहाँ पे है, क्योंकि बी अभी इंक्रीजिंग पे है तो हो सकता है बी के पास नंबर ऑफ स्पीसीज और ज्यादा हो राइट, और ए का लगभग यहाँ तक आया है, तो वी कैन से कि दोनों के पास सिमिलर स्पीसीज रिचनेस शायद हमको नहीं मिलेगी, एंड बी वी लाइकली टू हैव अ हायर स्पीसीज रिचनेस देन ए। यस, हम इसके साथ एग्री कर सकते हैं क्योंकि बी का अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो चांसेस है कि वहां पे और नंबर ऑफ स्पीसीज ऐड होंगे तो ये और ऊपर जाएगा, तो यानी नंबर ऑफ एनी रिचनेस के मामले में बी ज्यादा रिच हो जाएगा। तो इस बेसिस पे चले तो हमको ए और सी गलत लग रहा है, बी और सी सही लग रहा है, ठीक है तो हम चले तो पहला वाला ऑप्शन हमको जो है गलत लग रहा है। मैंने एक्चुअली करेक्ट पूछ लिया, मैंने करेक्ट पढ़ लिया था इसलिए मैं बी और सी लेके चलता, सॉरी बी को कंसिडरेशन में ले रही थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट अगर इनकरेक्ट पूछा गया है तो। चलो अगला सवाल, the number of individual of a different species into community P and Q is given, यहाँ पे P और Q दिया गया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फिर से अगेन यहाँ पे वही पूछा है कौन ज्यादा डाइवर्स है, तो रिचनेस के मामले में दोनों में रिचनेस बराबर है, अब इवननेस को देखना होगा, इवननेस के मामले में देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे ड्रास्टिक सा चेंज आया है और यहाँ पे उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है, देखिए ये ज्यादा इवन मिलेगा हमको, तो हमको क्यू ज्यादा इवन लग रहा है कंपेयर टू पी, तो क्यू का डायवर्सिटी ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू पी, पी हैज अ हायर डायवर्सिटी देन क्यू, नो क्यू हैज अ हायर स्पीसीज डायवर्सिटी देन पी, यस हमको भी यही लग रहा है राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइन। अच्छा ये क्वेश्चन था जो कि मैं देना भूल गई थी, आप लोग प्लीज इसको ट्राई कीजिए फटाफट से। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। फोर डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी दैट कंसीडर्ड कंसिस्टेड ऑफ अ सेम नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है नंबर ऑफ स्पीसीज बोल दिया है तो भाई यहाँ पे रिचनेस तो बराबर हो गई। वे टेकन अप फॉर द स्पीसीज डायवर्सिटी स्टडी, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट सम आउटकम, कुछ यहाँ टेबल देकर रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इवननेस ऑफ अबव कम्युनिटी। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, ध्यान दीजिए सिम्पसन्स रेसिप्रोकल इंडेक्स बोल दिया, यानी सिम्पसन्स इंडेक्स क्या था, डी था, रेसिप्रोकल यानी वन बाई डी हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा सिम्पसन्स इंडेक्स में हमने ये देखा था कि डी का वैल्यू जितना ज्यादा कम कम्युनिटी उतनी ज्यादा डाइवर्स राइट, और जितना ज्यादा बड़ा डी का वैल्यू उसकी डाइवर्सिटी जो है वो उतने ही ज्यादा लो, ये पढ़ा था तो हमने, उल्टा रिलेशन था। अब आप सोचिए कि अगर आप कोई बिगर वैल्यू को डिनोमिनेटर में डालोगे तो पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये बात पता है ना सबको, और अगर आप किसी स्मॉलर वैल्यू को नीचे डालोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बिग हो जाएगी, ठीक है तो इसी बेसिस पे चलते हैं हम। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये आई है, ठीक है तो बिगर वैल्यू कब आएगी, जब डिनोमिनेटर यानी डी छोटा होगा, डी जिसका सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा वैल्यू देगा किसका, रेसिप्रोकल का, सबसे बड़ा वैल्यू दे रहा है मतलब कि सबसे ज्यादा डाइवर्स वो है राइट, तो इस मामले में कहें तो हम बोलेंगे कि डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इसकी है, फिर इससे छोटा ये है तो यानी बी की सबसे ज्यादा हो गई, बी की सबसे ज्यादा हो गई, उसके बाद देखिए उसके बाद सबसे उससे 8 से कम ये है तो फिर ए की हो गई, उससे कम ये है तो फिर डी की हो गई, और उससे कम किसकी है, सी की है तो सी की हो गई,
ठीक है, ये हुई डाइवर्सिटी। तो बोला इवननेस ऑफ ऑल द फोर कम्युनिटी इज सेम, नो, बी इज ग्रेटर देन ए, देन इट इज ग्रेटर देन डी, एंड देन डी इज ग्रेटर देन सी, रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द इवननेस ऑफ कम्युनिटी। एग्जैक्टली, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी। चलो एक और सवाल देखिए प्लीज, इसको भी फटाफट से देखिए और बताइए आंसर। चलो देखते हैं क्या होगा आंसर। Which of the following is or are not valid explanation for the observed pattern of species richness? ठीक है, कौन सा valid explanation नहीं है? पहला है, older community are more species rich. Yes, chances होते हैं कि older community ज़्यादा established होती है, इसलिए उसमें richness ज़्यादा पाई जा सकती है. We agree. Large area support more species. बिल्कुल, ये तो हम island wide geography से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. Natural enemy protect, natural enemy promote reduce species richness at local level. No, natural enemy जो है ये species richness को reduce नहीं करते. Natural enemy मतलब क्या हो गया, अपने इलाके के रखवाले, तो वो वहाँ का जो रिचनेस होता है उसे मेंटेन करने में काम करते हैं, बाहर से आने वाली स्पीसीज को भगाने का काम करते हैं नेचुरल एनिमी। तो अगर नेचुरल एनिमी ना रहे तो वहाँ की रिचनेस घट सकती है, क्योंकि जो बाहर की इन्वेडर हो गए, एग्जांपल हो गया इनवेसिव स्पीसीज, वो आके अटैक करेंगे। नेक्स्ट, कम्युनिटी इन क्लाइमेटिकली सिमिलर हैबिटेट में देमसेल्फ भी सिमिलर इन द स्पीसीज रिचनेस। बिल्कुल सही, दो अलग अलग कम्युनिटी में अगर सेम एनवायरमेंटल कंडीशन यानी क्लाइमेटिक कंडीशन पाए जाते हैं तो चांसेस होते हैं कि वहाँ की डाइवर्सिटी या रिचनेस भी सेम पाई जाएगी। तो बिल्कुल सही है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी परमिट द एक्जिस्टेंस ऑफ मोर स्पीसीज। बिल्कुल, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी वहाँ पे स्पीसीज हमको ज्यादा मिलेगा, राइट, जहाँ क्वालिटी ज्यादा होगी वहाँ स्पीसीज रिचनेस ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम इस बेसिस पे चले तो हमको सिर्फ सी स्टेटमेंट गलत लग रहा है, बाकी तो हमको सही लग रहा है। तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। चलो पहला क्वेश्चन, हाँ जी, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इन अर्ली कम्युनिटी, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक अर्ली कम्युनिटी का है? नैरो नीच स्पेशलाइजेशन लेटर का है, हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी लेटर है, कम्युनिटी प्रोडक्शन लेटर है, ओपी मिनरल साइकिल हमको अर्ली स्टेज में दिखाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिए नेक्स्ट। अरे क्वेश्चन मेरे पीछे छुप गया। अब ये क्वेश्चन काफी इजी था, इतने अच्छे अच्छे से वर्ड्स यूज किए गए हैं कि हम इजीली बता सकते हैं, राइट। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है जिसमें की बिहेवियर बताया गया है दो स्पीसीज का ओवर द कोर्स ऑफ सक्सेशन, ठीक है, और यहाँ पे पॉसिबल इफेक्ट बोला गया है, आपको सही मैच करना है। बोला है टोटल सप्रेशन कहाँ मिल रहा है, कन्वर्जेंस है, उसके बाद सीक्वेंशियल सक्सेशन है। तो टोटल सप्रेशन हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सी में। भाई एक उठ रहा है तो दूसरे को पूरा ही सप्रेस कर दिया है, यानी एक स्पीसीज अगर खुद को स्टेब्लिश कर रहा है तो दूसरे को पूरा ही सप्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर जो है सी का हो गया वन। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जेंस मतलब कि दो स्पीसीज का आपस में आके एक जगह मिल जाना, कन्वर्ज हो जाना, जो कि हमको बी में देखने को मिल रहा है कि दोनों स्पीसीज आके इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई हैं। तो बी का हो गया क्या, दैट इज टू। और नेक्स्ट हो गया सीक्वेंशियल सक्सेशन, सीक्वेंशियल मतलब कि भाई तू खत्म हो जा फिर मैं शुरू हो सकता हूं। तो देखिए एक जो है अपने खत्म होने पे गया है तब तक दूसरा जो है शुरू हो रहा है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सीक्वेंस। तो ये क्या हो गया, ए का हो गया थ्री। तो हम देख सकते हैं ए का थ्री, बी का टू, सी का वन, यानी वी कैन गो विथ थर्ड ऑप्शन, राइट। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है इफ अ मिल्क इज लेफ्ट ओपन, लैक्टोज इज फर्मेंटेड फर्स्ट टू प्रोड्यूस एसिड। अगर मिल्क को आप खुला छोड़ दो तो लैक्टोज फर्मेंट हो जाता है सबसे पहले ताकि वो एसिड प्रोड्यूस कर सके। इसके बाद जो है यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया काम करते हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पे उस मिल्क का पीएच बढ़ जाता है, अल्टीमेटली मिल्क के फैट को डिग्रेड कर दिया जाता है और डेंसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये किसका एग्जांपल है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक लेवल पे शिफ्टिंग हो रही है, राइट। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। एंटागोनिज्म नहीं होगा, इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन नहीं है, माइक्रो इवोल्यूशन भी नहीं। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लेट सक्सेशनल फॉरेस्ट प्लांट स्पीसीज। ठीक है, यानी लेट सक्सेशनल फॉरेस्ट का कौन सा यहाँ पे फीचर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। पहला, लार्ज सीड साइड होता है, जो एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी होती है उसमें जो ट्रीज पाई जाती है उनके सीड्स लार्ज होते हैं। ठीक है, हाई रूट टू शूट रेशियो, बिल्कुल कॉमन सेंस भी अप्लाई करके देखिए, उनका रूट टू शूट रेशियो हमको हाई मिलेगा। ठीक है, ये सही है। लॉन्ग सीड डिस्पर्सल डिस्टेंस, भाई अभी हमने कहा लार्ज सीड, कभी बड़ी सीड को बहुत बड़े डिस्टेंस में उड़ के जाते हुए कहीं देखा है, डिस्पर्स होते हुए देखा है, कैसे डिस्पर्स होगा खुद सोचिए जरा सा। छोटी छोटी सी सीड जो है वो लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, तो ये हो गया गलत। स्लो ग्रोथ रेट यस होता है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन ये भी देखने को मिलेगा, एक बड़ी ट्री के साथ इसको कंसीडर करने की कोशिश कीजिए, अपने आप आइडिया मिल जाएगा। लो लाइट सैचुरेशन इंटेंसिटी यस, हाई एफिशिएंसी एट लो लाइट यस, क्योंकि लो लाइट भी रहेगा फिर भी एफिशिएंसी अपना हाई शो करेंगे, इजीली जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया सेकंड, जो कि एकदम कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते थे, भाई बड़ी सीट जो है ऑब्वियसली बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते हैं डिस्पर्स होकर, छोटी सीट के टाइम पे। नेक्स्ट, ओके बताइए आंसर क्या होगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ दो इमेज बनाए हैं, आप बता बोला है कि इमेज का नाम क्या होगा। ठीक है, तो साफ साफ देखें तो ये सीधा सीधा हमको समझ में आ रहा है, दिस इज अ फैसिलिटेशन मॉडल, राइट, और ये देखा जाए तो ये क्या है, ये है इनहिबिशन मॉडल, सिंपल। तो फिगर वन रिप्रेजेंट फैसिलिटेशन यस, फिगर टू रिप्रेजेंट टॉलरेंस नो, ये टॉलरेंस नहीं है, फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन यस, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।
नेक्स्ट चलो देखते हैं क्या बोला गया है. इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. ओके इनकरेक्ट बोला है ना. ओके मॉडल एक्स रिप्रेजेंट टॉलरेंस मॉडल. टॉलरेंस मॉडल नहीं तो गलत. ये सेकंड वाला ही गलत हो गया. राइट एज पर द मॉडल वाई वाई ठीक है. सी कैन आउट कम्पीट बी यस बट कैन ऑल्सो इन्वेड अ हैबिटेट इन देयर एब्सेंस. बिल्कुल सही. एज पर द मॉडल एक्स ओके ए मेक द एनवायरमेंट मोर सुटेबल फॉर द बी टू इन्वेड. बिल्कुल सही. तो यहाँ बी जो है गलत देख रखा है. इनकरेक्ट पूछा था. नेक्स्ट ओके क्या बोला है. अ लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्टेड एरिया वॉज डिवास्टेटेड बाई द रेजिंग फायर आफ्टर सम ईयर. द एरिया वॉज फाउंड टू रिकवर स्पीसीज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रीएस्टैब्लिशमेंट इन द एरिया. ठीक है सीधी सी बात है. फायर के थ्रू वो एरिया जो है डिस्ट्रॉय हुआ था. पहला हिंट ये मिला, दूसरा हिंट मिला रीएस्टैब्लिशमेंट. ठीक है यानी यहाँ पे कौन सा सक्सेशन होगा. सेकेंडरी सक्सेशन होगा. सिंपल. अब सेकेंडरी सक्सेशन होगा तो कौन सा इवेंट होगा. मॉसेस लाइकन से तो शुरू नहीं होगा. ग्रास से भी शुरू नहीं. ओके ग्रास वुडी ट्री फिर उसके बाद मॉसेस एंड लाइकन. गलत. वुडी प्लांट के बाद लाइकन एंड मॉसेस आएंगे. गलत. ग्रास हर्ब्स शॉप्स एंड वुडी ट्रीज. यस फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया. और अगर प्राइमरी पूछा होता तो प्राइमरी पूछा होता तो कौन सा होता. फर्स्ट ऑप्शन राइट. चलो नेक्स्ट. ओके चलो देखते हैं. फॉलोइंग आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द वेरियस मॉडल ऑफ सक्सेशन. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट. इनहिबिशन इन इनहिबिशन मॉडल स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव इंट्रैक्शन इज प्रेजेंट एज नो स्पीसीज इज कम्प्लीटली सुपीरियर. ठीक है. इन टॉलरेंस मॉडल लेटर सक्सेशनल स्पीसीज आर नीदर इनहिबिटेड नॉर एडेड बाय द स्पीसीज ऑफ प्रीवियस स्पीसीज. ठीक है. इन इनहिबिशन मॉडल कॉम्पिटेटिव इंट्रैक्शन इज वीक. नहीं भाई अभी तो हमने बोला कि कॉम्पिटेटिव इंट्रैक्शन जो है यहाँ पे स्ट्रॉ होगा. गलत हो गया ये. इन फैसिलिटेशन मॉडल लेटर सक्सेशनल स्पीसीज नीदर इनहिबिटेड नॉर एडेड. गलत. बिल्कुल वो क्या करती हैं फैसिलिटेट करती हैं. तो ये हो गया गलत. तो इस हिसाब से चले तो ए और बी सही हो जाता है. थर्ड वाला सही हो जाता है. बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है. जून 2023 में आया था. बोलते ना आसान क्वेश्चन नहीं आते ना. अब नहीं आते. देखिए जून 2023 का क्वेश्चन दिया. 7 महीने पहले का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट मैकेनिज्म दैट डिराइव द इकोलॉजिकल सक्सेशन. ओनली फैसिलिटेशन एंड टॉलरेंस. नो डिस्टर्बेंस एंड टॉलरेंस. नो ओनली टॉलरेंस एंड इनहिबिशन. नो फैसिलिटेशन टॉलरेंस एंड इनहिबिशन. एक्जेक्टली यही तीनों जो है मोड हमको देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट ओके वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर बता सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज. प्राइमरी सक्सेशन स्पीसीज के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा. दीज स्पीसीज डू नॉट फॉलो स्पेसिफिक सर्वरशिप कर्व. नो. अच्छा आप खुद सोचिए जरा सा. कोई भी सक्सेशन हो ठीक है. स्पेशली अगर हम प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पे अर्ली फेज हमको अच्छा खासा देखने को मिलता है. राइट. और हमने देखा था अर्ली फेज में आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती है. फिर हम जोड़ते जाइए ठीक है. अर्ली स्टेजेस में आर सेलेक्टेड होती है. आर सेलेक्टेड में सर्वरशिप कर्व कौन सा फॉलो होता है. टाइप 3 फॉलो होता है. तो मैंने सक्सेशन में कोई सर्वरशिप कर्व नहीं पढ़ाया. लेकिन देखिए ये कैसे तीन टॉपिक को इंटरकनेक्ट करके आपसे सवाल पूछा है. तो अब ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं. बच्चे बोलते हैं मैम पढ़ाया नहीं गया है ऐसे क्वेश्चन. तो आपको हर चीज ऐसे वाले क्वेश्चन ऐसी वाली चीजें पढ़ाई नहीं जा सकती. तो कॉमन सेंस है ना. आपको सक्सेशन पढ़ा दिया, आपको आर सेलेक्टेड पढ़ा दिया, आपको सर्वाइवरशिप पढ़ा दिया. अब इन तीनों को जोड़ के अगर सवाल बन रहा है तो ऐसा तो सवाल नहीं बन रहा है कि सॉल्व नहीं हो सकता है. राइट. स्पून फीडिंग तो इतनी हाई लेवल पे तो नहीं करवाई जा सकती है. ये तो इंसान अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करे तो सोच समझ से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है. दिस पीसेस शो टाइप 2. बिल्कुल नहीं. टाइप 3 कर सकते हैं क्योंकि आर सेलेक्टेड टाइप 3 शो करता है. तो वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन. राइट. आर सेलेक्टेड हमने देखा था कि आर सेलेक्टेड में टाइप 3 होता है. और हमने देखा था कि अर्ली स्टेजेस में आर सेलेक्टेड होते हैं. तो गो विद टाइप 3 ठीक है. ये हो गया आपका आंसर. ओके चलो. हाँ जी इसमें क्वेश्चन है. पीडीएफ में क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोला है इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड एडेप्टेड टू इट फिनोटिपिकली बट नॉट जीनोटिपिकली. यानी जेनेटिकली फिक्स नहीं हुए. इन्हें हम क्या कहेंगे. ऑफकोर्स दे आर इको फीन्स क्योंकि टेम्पररी यहाँ पे जो है चेंजेस हुए हैं. इको टाइप होंगे नहीं. कोनियो स्पीसीज भी नहीं होंगे. इको स्पीसीज भी नहीं होंगे. ओके ये क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था करने के लिए. चलिए इसको देख लेते हैं क्या बोला गया है. फॉलोइंग आर सम ऑफ द जनरलाइजेशन रिगार्डिंग द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम. आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन. आप अपना आंसर भी बता सकते हैं. इन ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. पहला है एसिमिलेशन एफिशिएंसी ऑफ कार्निवोर इज हायर देन द हर्बीवोर. कार्निवोर का एसिमिलेशन एफिशिएंसी हायर होता है हर्बीवोर से बिकॉज कार्निवोर सॉफ्ट टिश्यू पे फीड करते हैं और हर्बीवोर प्लांट्स पे जब फीड करेंगे तो उसमें इनडाइजेस्टिबल सेलवोर होता है. राइट. तो इस हिसाब से चले तो ये पहला स्टेटमेंट तो ट्रू दिया हुआ है. सही है. नेक्स्ट कंजम्पशन एफिशिएंसी ऑफ एक्वेटिक हर्बीवोर इज हायर देन द टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर. बिल्कुल सही है. ट्रू. नेक्स्ट वर्टिब्रेट हैव द हायर प्रोडक्शन एफिशिएंसी दैन इनवर्टिब्रेट. नहीं भाई इनवर्टिब्रेट का ज्यादा होता है कंपेयर टू वर्टिब्रेट. ट्रॉपिक लेवल ट्रांसफर एफिशिएंसी इज हायर इन द टेरेस्ट्रियल फूड चेन देन द मैरीन फूड चेन. नहीं मैरीन में ज्यादा होता है. कुछ परसेंट से सिर्फ ज्यादा होता है. गलत. तो हम देखें तो हमारा ए एंड बी जो है सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है. राइट. चलो अगला लेते हैं. ओके अगला केन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके सामने. फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म्स. ठीक है आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है. ठीक है. एक्टोथर्म हैव द हाई एसिमिलेशन एफिशिएंसी. एक्टोथर्म की एसिमिलेशन एफिशिएंसी हाई होती है बट प्रोडक्शन एफिशिएंसी लो होती है. गलत. एक्टोथर्म की लो
एसिमिलेशन एफिशिएंसी होती है, यस, बट इनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी हाई होती है, बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट, एंडोथर्म का हाई एसिमिलेट करते हैं बट प्रोड्यूस लो करते हैं, यस ऑफ कोर्स, ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, तो बी और सी हमारा सही हो जाता है, दैट इज अगेन सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ स्टेटमेंट जो है फूड चेन के हैं, कुछ स्टेटमेंट एफिशिएंसी के हैं। एनीवेज, चलिए देखते हैं क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। हर्बीवोर इनहैंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्टिव इकोसिस्टम वेयरएज रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ अनप्रोडक्टिव इकोसिस्टम। ये कॉमन, ये बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है कि हर्बीवोर जो है, वैसे आप ये प्रोडक्टिविटी में पढ़ोगे, हर्बीवोर जो है एक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लांट्स होते हैं, राइट। लेकिन ऐसा एरिया जहाँ पे ऑलरेडी प्लांट की कमी है, तो जब वहाँ पे प्लांट पे ग्रेज करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी और डिक्रीज करेंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट, डिटेटस बेस्ड फूड चेन आर लॉन्गर इन मोर प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। जो डिटेटस बेस्ड फूड चेन होता है, यानी ऐसा फूड चेन जो कि डेड मैटर से शुरू होता है, उसको अक्सर लॉन्गर देखा गया है इन अ प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, दैट इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में जो है प्लांट वेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो अगर उसमें क्वालिटी ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि देर मे बी अ फ्यू चांसेस कि यस वहाँ पे जो हमको फूड चेन मिलेगा वो थोड़ा लॉन्गर होगा, ठीक है। तो ये भी संभव सही है, ऑल्दो ये दोनों ही पोर्शन फूड चेन का पार्ट है जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे। नेक्स्ट, कंजम्पशन एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवोर इज हायर इन द ग्रासलैंड, नो। हर्बीवोर का कंजम्पशन एफिशिएंसी कहाँ पे हायर होता है, दैट इज इन एक्वेटिक सिस्टम, राइट। तो ये तो गलत देख रखा है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी कार्निवोर की हाई होती है हर्बीवोर से, बिल्कुल सही, तो वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर एक तरीके से क्या देख रखा है, गलत देख रखा है। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन और कंजम्पशन एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवोर इज हायर इन, अभी तो हमने बात किया, इट इज हायर इन प्लांकटन कम्युनिटी ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। ओशन वाटर होगा, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं होगा, ग्रासलैंड नहीं होगा, रेंजलैंड नहीं होगा, वी कैन गो विद फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डाइजेशन एफिशिएंसी, जो की होती है एस्टिमुलेशन बाय कंजम्पशन, एंड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, दैट इज होती है प्रोडक्शन बाय कंजम्पशन ऑफ एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। तो क्या निकला, किसी ने निकाल के देखा इसको? ओके, तो अगर मैं डाइजेशन एफिशिएंसी की बात करती हूँ, दैट इज फॉर एक्टो एंड एंडो, राइट। तो अगर डाइजेशन एफिशिएंसी क्या बोला गया है, डाइजेशन एफिशिएंसी इज एसिमिलेशन डिवाइडेड बाय कंजम्पशन, इस बेसिस पे चलें अगर हम, तो एक्टो का एसिमिलेशन लो रहेगा एंड कंजम्पशन हाई रहेगा, राइट, जिसकी वजह से जो आपको पूरी वैल्यू मिलेगी वो लो मिलेगी, जबकि डाइजेशन एफिशिएंसी एंडो का क्या हो जाएगा, पूरा उल्टा, इनका एसिमिलेशन हाई है एंड कंजम्पशन लो रहेगा, जिसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी दैट इज हाई, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बोला जाए तो इस केस में डाइजेशन एफिशिएंसी किसकी ज्यादा हो गई, यहाँ डाइजेशन एफिशिएंसी एंडो की ज्यादा हो गई कंपेयर टू एक्टो। और अब बात करते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की, एक्टो, तो अगर हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की बात करें, दैट इज इन केस ऑफ द एक्टो, तो इसका फॉर्मूला है प्रोडक्शन बाय कंजम्पशन, तो एक्टोथर्म्स की प्रोडक्शन एफिशिएंसी हाई होती है, राइट। कंजम्पशन की हमने बात की कि ये भी क्या होती है, हाई होती है, हेंस पूरा क्या हो जाएगा, हाई वैल्यू हो जाएगा। एंडो की प्रोडक्शन लो होती है एंड कंजम्पशन भी लो होती है, राइट, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यानी हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो इस केस में एक्टो की हाई है कंपेयर टू एंडो। अब देख लो ऑप्शन, एंडोथर्म हैव हाई डीई, एंडोथर्म एंड हाई डी, हाँ यस, एंड एक्टोथर्म हैव आईई, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, यस, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बताओ सभी का यही आंसर निकला था। अगला सवाल बोल के रखा है, लिंसमैन एफिशिएंसी बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल इज डिपिक्टेड बाय द फॉर्मूला efficiency is equals to a by b where a and b respectively are assimilation at tropic level n and assimilation at tropic level n minus 1। देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, राइट। चलिए अगला सवाल हमने दिया था, ओके, इकोसिस्टम का है ये, इकोसिस्टम का है, लेकिन ये कहां से आया है, ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन से आया है, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। तो क्या बोला है, एंड हर्बीवोर ईट फूड दैट प्रोवाइड 1000 किलो जूल ऑफ एनर्जी ऑफ विच 15 किलो जूल इज लॉस्ट इन द फीसिस, 350 किलो जूल इज यूज्ड एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड 150 किलो जूल इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ, द परसेंट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ओके, प्रोडक्शन एफिशिएंसी आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ हर्बीवोर इज। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी बताओ, कल पढ़ाया था प्रोडक्शन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद नहीं है, किस लेवल पे प्रोड्यूस किया और उसी लेवल पे एसिमिलेट किया, राइट, इनटू 100, ये था। अब एसिमिलेशन कैसे पता चलेगा, एसिमिलेशन पता चलेगा कि कितना खाया, कितना कंज्यूम किया
और कितना वेस्ट निकाल दिया 500। तो ये हमको मिल जाएगा अगेन 500, राइट। तो एसिमिलेशन हमारे पास आ गया 500। प्रोडक्शन कितना बोला है 150 इस्तेमाल किया ग्रोथ में, राइट, यानी प्रोडक्शन इतना है लेकिन एफिशिएंसी फॉर्म में नहीं है। तो 150 हो गया डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100 53। ये कितना हो गया, ये हो गया 30। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 3। बताओ सभी का आया था ये आंसर? अरे जरूरी थोड़ी है जितना वैल्यू दिया है सब वैल्यू यूज करोगे। ट्रैप, ट्रैप सुना है तो ट्रैप, रेस्पिरेशन में लॉस्ट हुआ है तो लॉस्ट हुआ है। इन्होंने प्रोडक्शन की वैल्यू दी है, राइट, तो हमको रेस्पिरेशन का तो यहाँ पे कंसिडर में नहीं लेना होगा ना, आपके पास फॉर्मूला तो ये है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे भी आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगला वाला जो क्वेश्चन करेंगे उससे आपको और बेटर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन का इस्तेमाल किया गया है। चलो ये वाला क्वेश्चन, कितने बच्चों से ये क्वेश्चन हुआ बताओ पहले मुझे। चलो देखते हैं क्या बोला गया है, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसमें मैथ्स बढ़िए, बट ध्यान से अगर आप करोगे तो सब कुछ आपको यहीं पे समझने को मिल जाएगा। बोला है द डायग्राम बिलो डिपिक्ट एनर्जी फ्लो विद इन द सिंगल ट्रॉपिक लेवल वेयर आई इज द अमाउंट इंजेस्टेड, एन ए अमाउंट नॉट एसिमिलेटेड, आर इज द रेस्पिरेशन एंड पी एन इज द बायोमास प्रोडक्शन एट ट्रॉपिक लेवल। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये है पी एन माइनस वन लेवल, ठीक है, ये है पी एन माइनस वन लेवल। इस लेवल से जब गया है तो ऑब्वियसली कुछ अमाउंट इंजेस्ट किया गया है और कुछ नॉट कंज्यूम जो है वो हटा दिया गया है। अब जो इंजेस्ट किया है उसमें से एसिमिलेट हुआ है कुछ अमाउंट और कुछ नॉट मतलब कि एसिमिलेटेड अमाउंट हटा दिया गया है। नेक्स्ट, अब देखिए एसिमिलेशन से ही जो एसिमिलेट किया गया है उसी से प्रोडक्शन होता है, तो जो एसिमिलेट किया गया है उसी से प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो एसिमिलेट किया गया है उसी से रेस्पिरेशन भी होता है, यानी जो मैंने खाया है, जो मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, उसी से तो मैं अपना काम भी करूंगी और प्रोड्यूस भी करूंगी, राइट। तो रेस्पिरेशन भी उसी एसिमिलेटेड अमाउंट में से होता है एंड प्रोडक्शन भी उसी एसिमिलेटेड अमाउंट में से होता है, ठीक है। तो बोला है कि एसिमिलेशन जो है यहां पर, अगर एसिमिलेशन में से आप आर माइनस कर दोगे तो आपके पास प्रोडक्शन यहां पे चला आएगा, नंबर में चला आएगा एक तरीके से, ठीक है। लेकिन यहां पे इन्होंने और क्या देके रखा है, यहां पे एक वैल्यू देके रखी है। चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं, पी एन माइनस वन इज इक्वल टू 1000 किलो कैलोरी देके रखा है। इसके बाद इन्होंने देखे रखा है आई डिवाइडेड बाई पी एन माइनस वन इज 20%, ए बाई आई इज इक्वल टू 35% एंड पी एन बाई ए इक्वल टू 20%, ठीक है। सबने निकाला है ये क्वेश्चन, मुझे फटाफट से जरा बताइए क्या सभी ने ये क्वेश्चन निकाला है। तो मुझे बताइए कैसे इस क्वेश्चन को निकालना शुरू करेंगे, आप लोग बताएंगे मुझे किसके थ्रू हम निकालना शुरू करें, बताओ। How we can proceed for this question? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, शुरुआत कहां से करें, कौन से वैल्यू को हम लेके चलें कि हमारे पास ये जो आंसर है वो कंप्लीट तरीके से निकल जाए, स्टेप बाय स्टेप बिना किसी दिक्कत के। इंजेक्शन से पी एन बाई ए, वन बाई पी एन कंजम्पशन, सबसे पहले आई निकालेंगे, अच्छा सबसे पहले आई निकालेंगे बोल रहे हैं, ठीक है। आई निकालने के लिए, आई के लिए यहां पर ओके दो फॉर्मूला है, ए बाई आई है एंड आई बाई पी एन माइनस वन है, किसको लेंगे, 1000 का 20% निकाल लेंगे, क्या बात है क्या बात है। चलो देखो बोला है यहाँ पे पहला वैल्यू है पी एन माइनस वन इज इक्वल टू 1000 के सी एल मतलब कि किलो कैलोरीज। अब देखिए यहाँ पे आई बाई पी एन माइनस वन 20% है, ठीक है, तो 20% ऑफ वॉट, 20% ऑफ दिस, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आई बाई पी एन माइनस वन इज इक्वल टू 20%। अब यहां से हमको i निकालना है और हमको हमारे पास पी एन माइनस वन ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 1000, क्योंकि हम पी एन माइनस वन को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, तो ये कट गया इससे, ये क्या हो गया, i आ गया हमारे पास 200, राइट। ये हमारी हो गई पहली वैल्यू, आई लास्ट में पूछा, यानी लास्ट वाली वैल्यू 200 मिलेगी। तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है एक्चुअल में, एक पहला वाला ऑप्शन और एक दूसरा वाला ऑप्शन है जिसमें कि 200 है, हमारे पास भी आई 200 आया है। अब आई निकल गया है, बाकी सब निकालना आसान होगा। देखिए यहाँ पे
ओके ए बाई आई निकाल सकते हैं, ए बाई आई निकाल सकते हैं जो कि है कितना 35%, क्योंकि हमारे पास आई है राइट तो ए को ऐसे ही रहने दीजिए, 35% हटाने के लिए हमें नीचे 100 लाना पड़ेगा और इनटू आई हो जाएगा यानी इनटू हो जाएगा 200, तो ये कट गया यहाँ से, ये क्या हो जाएगा ए इक्वल्स टू 70 हो जाएगा राइट तो हमारा ए निकल गया 70। ए हमसे पूछा है कहाँ पे, ओके ए पूछा ही नहीं आर पूछा है तो ए बाई आई तो हो गया 70 निकल गया, चलो ठीक है इसका हम इस्तेमाल किसी और चीज को निकालने में करेंगे। उसके बाद आपसे आर पूछा है, आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आर को हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए मुझे, आज आप ही लोग बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मिस हो गया तो फिर दोबारा कहां से प्रैक्टिस करोगे, आर कैसे निकालेंगे बताओ जरा, आर को निकालने के लिए क्या करेंगे जरा ये देखिए सिनेरियो देखिए क्या है, आर को निकालने के लिए क्या चाहिए हमको रेस्पिरेशन कैसे निकालोगे, रेस्पिरेशन को कैसे निकालोगे बताओ पिक्चर देखिए, पिक्चर से क्लियर होगा कि रेस्पिरेशन कैसे निकलेगा, पिक्चर को देखिए पिक्चर बहुत कुछ बता रहा है राइट आर कैसे निकलेगा देखिए, आर ए जो है वो आर को भी कंट्रीब्यूट करता है पीएन को भी कंट्रीब्यूट करता है, तो अगर हमें आर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ए में से पीएन हटा दूं तो मेरे पास आर चला आएगा, मेरे पास ए आ चुका है लेकिन मेरे पास पीएन नहीं आया है, तो एक काम करते हैं पहले हम पीएन निकालते हैं ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं, तो यहाँ पे हम पीएन निकालने के लिए पीएन बाई ए इक्वल्स टू 20% है ये तो पीएन को ऐसे ही रहने देते हैं 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ए कितना आया हमारे पास 70 आया है, तो ये गया ये गया तो पीएन आ गया हमारे पास कितना 14 आ गया, क्वेश्चन में क्या पीएन भी पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पीएन भी पूछा है ठीक है, तो पीएन यानी पहला ऑप्शन 14 देखिए यहाँ पे अभी तक हमारे पास दो वैल्यू निकल चुकी है राइट। अब मुझे आर निकालना है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है एसिमिलेशन माइनस प्रोडक्शन दैट इज रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एफिशिएंसी बेसिस पे कुछ मेंशन नहीं किया है, डायरेक्टली रेस्पिरेशन एसिमिलेशन पूछा है, तो आर क्या हो गया यहाँ पे, आर हो गया यहाँ पे एसिमिलेशन कितना है 70 माइनस 14 कितना आ जाएगा, आर कितना आएगा जी 70 माइनस 14 लगभग 56 आ जाएगा राइट, एनए का कुछ दिया है इन लोगों ने, तो एनए निकालने के लिए क्या करेंगे, एनए यहाँ पर है राइट, तो एनए निकालने के लिए आई माइनस ए कर दीजिए एनए निकल जाएगा, बीच में से यही तो रिलीज हो रहा है ना, आई में से जितना इन्वेस्ट किया उतना एसिमिलेट किया है लेकिन वेस्ट है क्या, नॉट एसिमिलेटेड को हटा दिया गया है, तो नॉट एसिमिलेटेड हटा दिया गया है तो आप क्या कर देंगे, आई माइनस ए जो है आपको दे देगा एनए, तो आई कितना निकला आपके पास, आई निकला है 200, ए कितना निकला है 70 निकला है, तो ये हो जाएगा कितना 130, एनए आपका निकल गया कितना 130, तो ये लीजिए 130, देखिए सारा वैल्यू निकल गया, आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला, बताइए इज दिस क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था, सबका निकला तो आंसर, होमवर्क में दिया था तो सबने आंसर निकाला था, तो चलो ओके अगला क्वेश्चन ये था, चलो देखते हैं क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, बोला है इन्वायरमेंटल कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस एक्यूमुलेशन ऑफ स्पीसीज इन द सक्सेशनल कम्युनिटी, कर्व रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन द फॉरेस्ट स्पीसीज ओवर टाइम आर गिवन इन द फिगर बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज करेक्ट फॉर द कर्व, कर्व के लिए आपको यहाँ पे वर्ड पिक करना है जेरिक मेसिक इंटरमीडिएट ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्पीसीज है एंड ये है टाइम, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो मिडिल वाला जो है जो कि सबसे मिडिल इफेक्ट शो कर रहा है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है मेसिक ठीक है, उसके बाद बी जो है सबके बीच का इंटरमीडिएट की तरह शो हो रहा है तो बी को हम इंटरमीडिएट मान सकते हैं, अब बच गया हमारे पास एक ही ऑप्शन दैट इज जेरिक, जेरिक यानी ऐसा कंडीशन जो कि बहुत ज्यादा हार्श होता है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसमें इस तरीके से इंक्रीज होती रहेंगी, तो ये हो गया इसका जेरिक कंडीशन, तो इस बेसिस पे अगर हम चलते हैं तो वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन दैट इज मेसिक इंटरमीडिएट एंड जेरिक, तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को जो है प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन द जेरिक इंटरमीडिएट एंड मेसिक, चलो अगला सवाल ओके ये क्वेश्चन भी सबसे हुआ देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे, स्पीसीज एक्सपीरियंसिंग थ्री फैक्टर ए बी सी इन ऑर्डर टू इन्फर अ डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन बाय द फैक्टर, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट दिखा के रखा है और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी दिखा के रखा है,
तो एडवर्स इफेक्ट पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे फ्लक्चुएट हो रही है वो बता के रखा है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, कौन सा ग्राफ किसके लिए है। और यहाँ पे तीन ऑप्शन है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट, इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर हम इसमें चलते हैं तो हमको मिल जाएगा, ओके अच्छा देखिए हम सबसे पहले बी को लेके चल सकते हैं। कैसे, देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी जो जैसे जैसे एडवर्स इफेक्ट बढ़ रहा है, वैसे जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, जैसे जैसे एडवर्स इफेक्ट बढ़ रहा है, इसके साथ इसका रिलेशन कैसा हो रहा है, इसका रिलेशन हो रहा है कि हाँ जब दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम है तो इफेक्ट भी कम होगा, और जब एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी जब ज्यादा है तो एडवर्स इफेक्ट भी ज्यादा है, ये हमको देखने मिल रहा है। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो मतलब डेंसिटी इंडिपेंडेंट जो रेगुलेशन होता है उसमें आपका एडवर्स इफेक्ट कैसा भी हो वो पॉपुलेशन की डेंसिटी पे वैरी नहीं करता है। अब ऐसा अगर मैं ए बी सी तीनों ग्राफ देखूं तो इन तीनों ग्राफ में से जो मुझे सूटेबल कैंडिडेट लग रहा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट के लिए वो सिर्फ बी लग रहा है, क्योंकि जैसे कि याद होगा आपको हमने डेथ रेट बर्थ रेट को ऐसे प्लॉट किया था जो कि कांस्टेंट एक तरीके से चलते जा रहे थे, राइट, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उनका किसी भी फैक्टर से रिलेटेड। ऐसे ही बी भी है कि वो भी लगातार यहाँ पे चलता जा रहा है बिना किसी इफेक्ट के, क्योंकि ए तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, सी भी डेंसिटी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, बी है जो कि कांस्टेंट रेंज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम बी को जो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट का केस मान के चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट एंड डेंसिटी डिपेंडेंट। अब सीधी सी बात है ये दोनों अपोजिट होंगे क्योंकि एक डिपेंडेंट है और एक उसका इनवर्स है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट देखने में भी होंगे। तो देखिए ए और सी ही एक दूसरे के अपोजिट देखने में, अब यहाँ पे आपको पता करना है कि डिपेंडेंट कौन सा होगा और इनवर्स कौन सा होगा। इनवर्स में क्या है, इनवर्स में अगर एडवर्स कंडीशन बढ़ता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, एडवर्स कंडीशन बढ़ता है, तो जो इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट होता है उस पर वो इफेक्ट सेम नहीं पड़ता है जैसे डेंसिटी डिपेंडेंट पे पड़ता है। अब अगर हम एक ऐसा ग्राफ खोजे तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो उस केस में शुरुआत से ही इसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता कि एडवर्स इफेक्ट के प्रेजेंस में पॉपुलेशन इतनी शार्प तरीके से नहीं बढ़नी चाहिए, और ये बढ़ रही है तो मतलब कि ये डिपेंडेंसी शो नहीं कर रही है पॉपुलेशन से रिलेटेड, यानी ये डिपेंडेंट केस का नहीं है, ये इनवर्स केस हो सकता है, राइट, दैट इज इनवर्सली डेंसिटी डिपेंडेंट केस हो सकता है। और अगर ये इनवर्स केस है तो सीधी सी बात है फिर ए वाला क्या हो सकता है, डेंसिटी डिपेंडेंट केस हो सकता है, कि जब एडवर्स कंडीशन प्रेजेंट है तो शुरुआत से ही पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर उसके बाद जाकर जो है वो थोड़ा सा स्पीड पकड़ा है, इसमें शुरुआत से बहुत शार्प भी नहीं बढ़ रही है। तो अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो आई थिंक वी कैन गो विद ए का इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट, बी हमारा भी डेंसिटी इंडिपेंडेंट आया है, एंड सी डेंसिटी डिपेंडेंट, यस, तो वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन, राइट। ये सब थोड़े हॉट क्वेश्चन थे, थोड़े हाई ऑर्डर वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेट इज मोस्ट लाइकली इन अ स्पीसीज विथ मैटरनल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। ठीक है, इकोलॉजी का क्वेश्चन तो नहीं है, इकोलॉजी कहीं लग रहा है, चलो देखते हैं। बट ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेट इज मोस्ट लाइकली इन द स्पीसीज विथ मैटरनल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। ओके, मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट एंड हाई मैटरनल मोर्टिलिटी, नो, स्लो डेवलपमेंटल रेट and low maternal fecundity, slow development rate is low maternal fecundity, okay, low maternal fecundity to hui, slow development rate nahi hua, next, few reproductive event and low maternal fecundity, yes, we can go with the third one, jinme maternal investment zyada hota hai unki reproductive event thode kam hote hain aur maternal fecundity bhi low hoti hai, right, few reproductive event to hoga, high maternal mortality nahi, so we can go with the third option, okay, agla sawal, acha, fine, is question ke liye kafi zyada bachchon ne bawal macha ke rakha tha, question dekhiye kya hai, इन अ लेक इकोसिस्टम बॉटम अप इफेक्ट बी रेफर्स टू द कंट्रोल ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल बाय द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड द टॉप डाउन इफेक्ट टी रेफर्स टू द अपोजिट। ये उल्टा बोला गया, बी रेफर्स टू द कंट्रोल ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल, मैटरनल इन्वेस्टमेंट हाई का मतलब होता है मदर जो है अपने ऑफस्प्रिंग पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, उसको देखभाल देना, दैट इज व्हाट द मैटरनल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। तो बॉटम अप में बोला है कि ये कंट्रोल जो है कंट्रोल ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल बाय द हायर ट्रॉपिक लेवल, हम टॉप डाउन को उल्टा बोला है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे बॉटम अप एंड टॉप डाउन का इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दिया है। ओके, देखते हैं, इन अ लेक विद द थ्री ट्रॉपिक लेवल फाइटोप्लांकटन जू प्लांकटन एंड कार्निवोर्स, आगे क्या करना है, पिक करना है। ओके, ये तीन ट्रॉपिक लेवल है, in a lake with the three tropical level, okay, P and C controlled by B, P and C controlled by B and Z is controlled by D,
ये तो सही नहीं है, पहला वाला तो फॉर श्योर गलत है. नेक्स्ट देखते हैं, टी जेड, टी जेड एंड सी आर ऑल कंट्रोल्ड बाई टी. क्वेश्चन उल्टा है तो मैंने इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग उल्टी होकर रखी है. ठीक है, टी इज कंट्रोल्ड बाई, टी इज कंट्रोल्ड बाई, कंट्रोल्ड बाई बी. ओके, जेड इज कंट्रोल्ड बाई टी, हाँ टी इज कंट्रोल्ड बाई बी. अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में बी इज इक्विवेलेंट टू टॉप डाउन कंट्रोल बोल दिया है एंड टी इज इक्विवेलेंट टू बॉटम अप कंट्रोल बोल दिया है. Guys, excuse me. आई थिंक यहाँ पे सूटेबल. चलो पहले मैच करते हैं. ठीक है, थर्ड को मैच अगर करते हैं तो बोला है कि पी इज कंट्रोल बाई पी बी, और बी जो है टॉप डाउन कंट्रोल है, तो मतलब कि पी इज कंट्रोल बाई बी लग तो रहा है, हो सकता है. जेड इज कंट्रोल बाई टी, जेड इज कंट्रोल बाई टी, और यहाँ पे टी का मतलब हो गया बॉटम अप, यानी बॉटम से जेड को कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल अबंडेंस के बेसिस पे कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है, ये भी ठीक है. सी इज कंट्रोल बाई बी, सी इज कंट्रोल बाई बी, बी यानी टॉप डाउन कंट्रोल. इसका मुझे डाउट लग रहा है, ये खुद टॉप प्रेडेटर है तो बी जो कंट्रोल करेगा. चलो इसको होल्ड पे रखते हैं, फोर्थ वाले को सॉल्व करके देखते हैं. नहीं, अब ऐसे सवाल अब नहीं आते. ये देखिए ना, 2011 के क्वेश्चन, 2011 12 के क्वेश्चन आप देखोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक है. ठीक है, पहले का डिजाइनिंग वैसा आप कह सकते हो इशू था. ओके, यहां पी इज कंट्रोल बाय टी, टी का मतलब हो गया बॉटम अप कंट्रोल. सेट इज कंट्रोल बाय बी, ऊपर से कंट्रोल हो सकता है. ठीक है, टी इज कंट्रोल बाय टी, ऊपर से कंट्रोल हो सकता है. क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? 1 and 3 सेम है. टी इज कंट्रोल्ड बाई बी, जेड इज कंट्रोल्ड बाई टी एंड सी इज कंट्रोल्ड बाई बी. सही बोला आपने, तो सेम ही है, थर्ड फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सेम है. क्वेश्चन की फ्रेमिंग वैसे नहीं होकर रखी है. ठीक है, तो देखिए मैं एक्चुअल में इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे सही, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन भी गड़बड़ है और देखा जाए तो आंसर एक से ज्यादा सेटिस्फाई भी हो रहे हैं. ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ क्या बोला है. कि एक लेक है इकोसिस्टम में, बॉटम अप इफेक्ट बी, ठीक है, रेफर्स टू द कंट्रोल ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल बाय द हायर ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, तो बॉटम अप कंट्रोल को बोल दिया गया है कि यहाँ पे लोअर ट्रॉपिक लेवल को हायर ट्रॉपिक लेवल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. बट ये तो उल्टा हो गया ना, बॉटम अप में नीचे वाला ऊपर वाले को कंट्रोल करता है. यानी यहाँ पे बॉटम अप यानी बी इज इक्वल्स टू टॉप डाउन कंट्रोल, आपको ये कंसिडर करके चलना पड़ रहा है. ठीक है, एंड टी को बोल दिया है अपोजिट, यानी टी इज इक्वल्स टू बॉटम अप कंट्रोल. उल्टा पुल्टा सब कुछ कर दिया है. अब क्वेश्चन में क्या पिक करना है ये भी पता नहीं है, बस बोल दिया है कि लेक में तीन ट्रॉपिक लेवल है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, कार्निवोरस. आगे कुछ नहीं बोला कि अब आगे क्या करना है, क्या पिक करना है. ठीक है, बस यहाँ पे कंट्रोल बोल दिया, मतलब अपने मन से कहानी तुम बना लो जो बना सकते हो. ठीक है, उसके लिए अलग से मार्क्स मिलेंगे. अब देखिए, अब देखा जाए यहाँ पे राइट, तो हम कह सकते हैं कि यस पी एंड सी इज कंट्रोल बाई बी. ठीक है, ये भी एग्री कर सकते हैं. और जेड को हम टी से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बॉटम अप कंट्रोल से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. फिर बोला पी जेड सी को सबको हम टी से कंट्रोल कर सकते हैं, बॉटम अप से कंट्रोल कर सकते हैं. तो जब इसको ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है तो इसको भी किया जा सकता है राइट. इसके साथ भी एग्री कर सकते हैं. P इज कंट्रोल बाई बी, पी जो है उसे हम बी के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं. बी यानी टॉप डाउन, ऊपर से कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है. अच्छा देखिए, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन का मीनिंग तो सेम टू सेम ही है, तो एक ही जैसा हो गया. फोर्थ में बोला है पी इज कंट्रोल बाई टी, टी पी को जो है बॉटम अप से कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल डिपेंडिंग कि न्यूट्रंट उसको मिल रहा है या नहीं. जेड को जो है जेड इज कंट्रोल बाई बी, जेड को हम बी से कंट्रोल कर सकते हैं, टॉप डाउन से कर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर से कर ही सकते हैं. और सी इज कंट्रोल बाई टी, और सी को हम टॉप डाउन सॉरी बॉटम अप से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं राइट. तो इसमें ऑप्शन कौन सा चूज किया जाए पता नहीं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट में भी देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट में भी देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन एक जैसे हो गए राइट. फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन एक जैसे हो गए, और अब बच गया सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन. तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन है, तो जितना अगर आप इसके साथ एग्री करते हो तो आप ऑटोमेटिकली इसके साथ भी एग्री करोगे, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों के लेवल से कंट्रोल किया जा सकता है. बट यस, ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा है वो मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा. तो मेरे लिए थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इक्विवेलेंट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 and 3 तो ऐसे ही इक्वल दे दिया है. अब बच गया है सेकंड, जो कि सेकंड थोड़ा सा यूनिक है, तो हम इस बेसिस पे चले कि यूनिक को अगर पिक करना है, क्योंकि बाकी सब सेम ही साउंड कर रहे हैं, तो वी कैन गो विद सेकंड. ठीक है, बट ऑल दिस क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गड़बड़ है, हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते हैं, शुरुआत से ही फ्रेमिंग इसकी गड़बड़ कर दी गई.
अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन था, पूछा गया था, और मुझे पता है कि मैं नहीं करवाने से आप लोग बवाल मचाते रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको करने को दे दिया था ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग गड़बड़ है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये मुझे पता नहीं है सीएसआर ने इसका आंसर उस टाइम पे क्या दिया था, आई हैव नो आइडिया, बट जो हमने एलिमिनेशन मेथड किया उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सेकंड पिक किया। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ होमवर्क में, ये आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। चलो देखते हैं क्या बोला है, इजी सा क्वेश्चन है। आपको मैथ का फॉलोइंग करना है, यहाँ पे एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक है और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है। तो आपको जो पता है उसके अकॉर्डिंग पहले चलो, कोरल स्नेक हमको पता है, मोनार्क बटरफ्लाई पता है, ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाई की बात करें तो ये एपोसिमेटिज्म शो करता है, तो हो गया डी का 3। नेक्स्ट कोरल स्नेक की बात करें तो इसमें मिमिक्री देखने को मिलती है, तो ए का 2 एंड डी का, ए का 2 एंड डी का 3, ये देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्रिस्टल जेली की बात करें तो ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है, और अफ्रीकन लंगफिश जो है वो एपोसिमेटिज्म शो, सॉरी एस्टिविशन शो करता है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो दो चीजें होती हैं, एक होता है हाइबरनेशन, हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, जबकि एस्टिविशन का मतलब होता है समर स्लीप, ठीक है। ये स्लीप नॉर्मल स्लीप से डिफरेंट होती है। ड्यूरिंग बोथ द पीरियड ऑफ स्लीप द एनिमल चूज टू हैव अ लो मेटाबॉलिक रेट, दोनों ही स्लीप में चाहे विंटर स्लीप हो चाहे समर स्लीप हो, दोनों ही स्लीप के टाइम में ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो लो रहता है, और इस तरीके से अपने बॉडी टेम्परेचर और एनर्जी को एक तरीके से रिस्टोर कर पाते हैं। तो इसे हम एस्टिवेशन को हम प्रोलॉन्ग तौर पर या फिर डॉर्मेंसी भी कहते हैं, और ये हमको इंसेक्ट, फिश या एम्फीबियन में देखने को मिलता है, स्पेशली तब जब बहुत ज्यादा हॉट एंड ड्राई पीरियड चल रहा होता है, तो उससे बचने के लिए ये समर स्लीप में चले जाते हैं। ओके चलो अगला सवाल। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इकोटोन, कौन सा यहाँ करेक्ट नहीं है। पहला इंटर टाइडल जोन, जरूरी नहीं है, पाए जा सकते हैं, तो ये हो गया गलत, फोर्थ ऑप्शन हमने हटा दिया। ओके अगला सवाल। चलो देखते हैं क्या बोला गया। An ecologist studied the mollusk concluded that there is a correlation between, अच्छा, correlation between the thickness of shell and the weight of mollusk. तो बोला है कि एक ecologist ने mollusk को study किया जिसमें कहा कि उनकी जो shell की thickness है और उनका जो weight है इनके बीच में कुछ correlation है, ठीक है, यानी एक का effect दूसरे पे पड़ता है। Based on the information, one can conclude that, इस information के basis पे आप क्या conclude कर सकते हैं। पहला option जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं mention है that heavier mollusk are better defended from the attack of predator. ये चांस हो सकता है, लेकिन इस चीज से हम यही कंक्लूजन निकाले ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है। अगला देखते हैं, हैवियर मोलस्क आर पुअरली डिफेंडेड फ्रॉम अटैक ऑफ प्रीडेटर, ये तो फॉर श्योर गलत होगा। नेक्स्ट, मोस्ट लाइकली देर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू ट्रेट, यस दिस इज ट्रू, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक चीज का कॉज दूसरे पे इफेक्ट डालता है। तो अब ये शेल की थिकनेस वेट पे इफेक्ट डाल रही है, उससे अब और भी चीजों के साथ उसे रिलेट करके उसके इफेक्ट को स्टडी किया जा सकता है। तो हम हमेशा जो इन्होंने स्टेटमेंट्स बोले उसी स्टेटमेंट पे एग्री करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट पिक कर सकते हैं कि इनके बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, यानी एक का कॉज दूसरे पे इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे शेल की थिकनेस वेट पे इफेक्ट कर रही है, वैसे ही एक कैरेक्टर दूसरे पे इफेक्ट कर सकता है, राइट। तो ये हम लोग जो है थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, वेट एंड थिकनेस आर वेरिएबल ट्रेट इन द मोलस्क पॉपुलेशन। हमें क्वेश्चन में इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है जिससे कि हम ये कंक्लूड कर पाए, सो वी कैन एलिमिनेट। ओके ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये आप पहले याद करोगे, ये देखिए इससे आया था, रॉन्गियर क्लासिफिकेशन से आया था, ठीक है। तो पहले आप याद करोगे उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसको मैं इसी में छोड़ दे रही हूँ, इसी पीडीएफ में छोड़ दे रही हूँ आंसर्स के साथ, क्योंकि अभी करवाने का कोई लॉजिक नहीं बनता बिकॉज अभी आपने इसको रीड से लर्न नहीं किया है, समझ लिया, लेकिन लर्न अभी करना बाकी है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द इकोटोन। पहला है इकोटोन आर रिच इन एंडेमिक स्पीसीज एंड ओनली कंटेन स्पीसीज नॉट फाउंड इन द सराउंडिंग इकोसिस्टम, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। इकोटोन रेफर्स टू द एरिया दैट इज अंडर द हैबिटेट डिग्रेडेशन, नो, इकोटोन आर अ स्पीसीज पुअर हैबिटेट, भाई अभी हमने देखा था रिच होता है। इकोटोन आर ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन द टू इकोसिस्टम हैव द ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज दैन ईदर ऑफ द नेबरिंग कम्युनिटी, एक्जैक्टली बहुत ही बेटर ढंग से यहाँ डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्या बोला है देखिए, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ नेचुरल डिस्टरबेंस, आपको बताना है कौन सा नेचुरल डिस्टरबेंस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, कौन सा डिस्टरबेंस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। पहला है कोरल ब्लीचिंग, बिल्कुल करता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट राइजिंग ऑफ सी लेवल, बिल्कुल ये भी ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। शिफ्टिंग इन स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्टिंग जो है ये भी कर रहा है।
सी लेवल का लोअर होना, राइज होना जो है कंट्रीब्यूट करता है, लो में तो नहीं होगा. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द ग्लेशियल शीट. शीट का इंक्रीज होना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, शीट जब कम होने लगती है तो भी कंट्रीब्यूट करता है. तो इस बेसिस पे अगर हम चलते हैं तो वी कैन गो विथ ए बी सी. ये तीनों जो है, ये तीनों डिस्टर्बेंस एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेंगी. सेकेंड ऑप्शन. चलो अगला सवाल क्या बोला गया है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में. ठीक है, जो कॉमन है उसको पकड़ लीजिए. बी का एग्जांपल मैंने आपको टेस्ट में दिया है, जो बी का यहां पे 3 हो जाता है. ओके, येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप इन इन अ वास्प, ये एक एम्फोसिमेटिज्म का एग्जांपल है. डी का हो गया 2. ठीक है, तो यहाँ पे बी का हो गया 3, बी का 3 एक ही में है, डी का 2 भी उसी में है. ऑटोमेटिकली आप सेकंड ऑप्शन पे पहुंच जाते हो. उसके बाद अगर आप बैस को इंट्रोड्यूस करते हो एक्वेटिक सिस्टम में तो उससे क्या होगा, ट्रॉपिक कैस्केड होने का चांसेस रहेगा. और सी बर्ड जो है ये बायो एक्यूमुलेशन के केस में इंट्रैक्शन शो करते हैं. हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज सेकंड. ओके, ये वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन इसे डायरेक्टली मैं करवा दे रही हूँ. बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली रिपोर्टेड टू बी द फर्स्ट मैमल टू बिकम एक्सटिंक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. यानी कुछ रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा फर्स्ट मैमल है जो कि एक्सटिंक्ट हो गया क्लाइमेट चेंज होने के कारण. ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है, अब इन ऑप्शंस में देखा जाए तो मैं आपको बता देती हूँ. जो ब्रैम्बल के मेलोमिस है, जिसे हम ब्रैम्बल के मोज़ेक टेल रैट भी कहते हैं, इसको देखा गया कि रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो गया. ये एक रोडेंट वैरायटी था. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर फैमिली मोरैडी. इट वॉज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ एन आइसोलेटेड ब्रैम्बल के, अ वेजिटेटेड कोरल के लोकेटेड इन द नॉर्दर्न टिप ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. इसको फिलहाल में रिसेंटली जो है एक्सटिंक्ट देखा गया है. तो ये एक डेटाबेस क्वेश्चन था रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग. ओके, अगला सवाल. अच्छा, ये सवाल तो आप लोगों ने किया हुआ राइट, ये सवाल आप लोगों का डाउट था. उम्मीद करती हूँ सब लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ. बात थी इसका एक्सप्लेनेशन देने की. क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला गया है रोड इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ वेट ट्रॉपिक फॉरेस्ट फॉलोइंग विच द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ फॉरेस्ट बटरफ्लाई डिक्लाइन. यानी क्या किया गया है, मान लीजिए ये एक बड़ा सा जंगल है. ठीक है, और इसमें एक रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया है. ये देखिए, अब इस रोड के कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो बटरफ्लाई की स्पीसीज है वो क्या हो गई, वो डिक्लाइन होने लगी. Which of the following is not a possible explanation for the road causing a decline in the forest butterfly population? आपको बताना है कि कौन सा possible explanation सही नहीं है butterfly की population के कम होने के पीछे. पहला option बोला है the road facilitated immigration of gap loving species which compete with the forest species. ये जो बीच में gap आया है ना, बोला है कि इस road क्योंकि एक road है और यहाँ से कुछ गैप लविंग स्पीसीज को यहाँ पे माइग्रेट करके लेकर चला आया है, जिसकी वजह से वो स्पीसीज यहाँ की जो बटरफ्लाई थी उसके साथ कम्पीट करने लगी हैं, एंड दैट इज वाई बटरफ्लाई का नंबर कम हो गया. तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या ये केस देखा जा सकता है, क्या ये एक्सप्लेनेशन के साथ हम एग्री हो सकते हैं? बिल्कुल एग्री हो सकते हैं, ये वन ऑफ द केस हो सकता है, क्योंकि ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसमें यहाँ के स्पेसिफिसिटी में रहने वाली स्पीसीज माइग्रेट होकर बिल्कुल आ सकती है. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. ठीक है, अगला देखिए. रोड फैसिलिटेट इंक्रीज मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट बटरफ्लाई विद इन द फॉरेस्ट विच रिड्यूसेस द जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब देखिए, रोड की वजह से जो है फॉरेस्ट बटरफ्लाई का मूवमेंट अगर बढ़ गया होता तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम नहीं होती या स्पीसीज डिक्लाइन नहीं होती. तो ये किसी भी तरीके से रीजन नहीं हो सकता है कि उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हो रहा है. तो इसके साथ हम एग्री नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. रोड इंटरनली फ्रेगमेंट द हैबिटेट एंड नेगेटिवली अफेक्ट द इंपॉर्टेंट माइक्रो हैबिटेट कंडीशन फॉर द फॉरेस्ट बटरफ्लाई. बिल्कुल ये चांसेस है, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन हो गया रोड बनाने की वजह से. तो बोला है उस फ्रेगमेंटेशन ने नेगेटिवली अफेक्ट कर दिया वहां के माइक्रो हैबिटेट को, तो इस वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी. तो ये भी केस हो सकता है. नेक्स्ट, रोड फैसिलिटेट इनवेशन बाय नॉन नेटिव प्लांट दैट डिस्प्लेस द नेटिव होस्ट एंड नेक्टर प्लांट ऑफ द फॉरेस्ट बटरफ्लाई. बोला है कि रोड की वजह से कुछ इनवेसिव प्लांट वहां पे चले आए, और जिस वजह से क्या हुआ कि वो बटरफ्लाई जिस प्लांट पे डिपेंडेंट थी वो प्लांट की जगह पे अब इनवेसिव प्लांट आ गया, एंड दैट इज वाई बटरफ्लाई का जो नंबर है वो कम होने लगा. तो ये भी एक पॉसिबल सिनारियो है. तो इनमें से कौन कौन सा पॉसिबिलिटी में चला आ सकता था, सेकंड पे छोड़ के बाकी सब पॉसिबल थे, इसलिए वी कैन से कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बेटा बहुत दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो, हमको भी बताओ ऐसा क्या चल रहा है, हम भी थोड़ा हंस लेंगे. ओके, एक और ये क्वेश्चन आया है रॉन्कियर क्लासिफिकेशन पे, इसको भी ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ने के बाद, लर्न करने के बाद. दो क्वेश्चन आए हैं अभी तक. ओके, नेक्स्ट. तो ये देखिए क्या बोला है, अ प्लांट इज विजिटेड बाय अ बैट ड्यूरिंग द नाइट एंड सनबर्ड ड्यूरिंग द डे. गिवन दिस इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर बेस्ट मैच दिस प्लांट. पॉलिनेशन जो सिंड्रोम था उससे कुछ मिलता जुलता, उसी टॉपिक से मिलता जुलता वही सवाल है. बोला है अ प्लांट इज अ हर्ब. नहीं, हर्ब विद सॉसर शेप तो नहीं हो सकता. बर्ड यहाँ पे सनबर्ड है तो उसको कलर चाहिए राइट. द प्लांट इज अ शर्ब, पॉसिबल है, विद ट्यूबुलर ओके रेड एंड ड्यूरनल फ्लावर, यानी दिन के टाइम में खिलने वाला फ्लावर. बिल्कुल ये वाला केस हो सकता है. लियाना नहीं होगा, विद क्रीम कलर फ्लावर. प्लांट इज अ ग्रास, नो. वी कैन गो विद सेकंड ऑप्शन. चलो
तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि लेफ्ट आउट रह गए थे, ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन होंगे। बोला गया है ये क्वेश्चन जून 2020 में पूछा गया था। गिवन बिलो आर द स्पेक्ट्रा ऑफ प्लांट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द प्लांट बियर देयर बर्ड्स, दैट इज इन अ डिफरेंट बायोम्स, राइट। तो आपको याद होगा हमने रॉन्कियर क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि प्लांट्स में बर्ड्स कहां कहां आ सकते हैं, मेनली विंटर सीजन में या फिर कोई और टाइप का अगर कंडीशन हो। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या किया गया है, एक तरीके से लोकेशन वाइज पूछा गया है, मतलब कि किस लोकेलिटी में या किस जगह पे जो है इस टाइप के वैरायटी आपको देखने को मिलती है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको लोकेशन याद है ना तभी आप आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आंसर नहीं दे पाएंगे। समझ लेते हैं क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है। जो शेडेड एरिया है इसमें बोला है परसेंटेज ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म इन द वर्ल्ड फॉर कंपैरिजन। तो पूरी दुनिया में जितने वेरियस टाइप के लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं उनको यहाँ पे शेडेड फॉर्म में कंपैरिजन पे रखा है। एंड जो एकदम ब्लैंक है व्हाइट बॉक्स है वो है परसेंटेज ऑफ टोटल फ्लोरा फॉर ईच प्लांट फॉर्म, और कितना परसेंटेज ऑफ टोटल फ्लोरा जो है एक पर्टिकुलर प्लांट फॉर्म जिसको कि हम यहाँ कंसीडर करेंगे उसके लिए देखा जाएगा। तो अगर हम पहला ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ए देखते हैं अगर, तो इसमें फेनेरोफाइट्स के लिए है, ये हेमिक्रिप्टोफाइट्स के लिए है और ये थीरोफाइट्स के लिए है। तो अगर हम देखते हैं तो ए जोन में हमको सबसे हाईएस्ट जो मिल रहा है वो है दैट इज दी फेनेरोफाइट्स। और अगर आपको याद हो तो लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो फेनेरोफाइट्स जो है आपको हाईएस्ट देखने को मिलता है दैट इज ट्रॉपिकल एरिया, राइट। दूसरा अगर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमको मिल रहा है थीरोफाइट्स, और इसके अलावा जो है यहाँ पे फेनेरोफाइट्स एंड हेमिक्रिप्टोफाइट्स का मिल रहा है सबसे हाईएस्ट जो नंबर है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में हमको थीरोफाइट्स मिल रहा है। तो अगर उस बेसिस पे देखा जाए तो हमको पता है कि थीरोफाइट्स का जो लोकेशन होता है वो मेनली होता है दैट इज डेजर्ट। और जो सी ग्राफ है इसमें सबसे हाईएस्ट हमको मिल रहा है यहाँ पे दैट इज हेमिक्रिप्टोफाइट्स, और हेमिक्रिप्टोफाइट्स का जो लोकेशन होता है दैट इज टेम्परेट एरिया। इस हिसाब से चलते हैं तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। अब आप सोचोगे कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाले में हमको फेनेरोफाइट्स का हमको हाईएस्ट ग्राफ मिला था। देखिए फेनेरोफाइट्स का एरिया कौन सा होता है, मेनली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, इसलिए हमने ट्रॉपिकल चूज किया। यहाँ देखिए थीरोफाइट्स का, थीरोफाइट्स का देखिए यहाँ पे ये हमको देखने को मिलता है मेनली प्लांट कम्युनिटी डेजर्ट एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे पिक कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हेमिक्रिप्टोफाइट्स का देख लेते हैं, हेमिक्रिप्टोफाइट देख सकते हैं आप जो कि आपको ड्राई ग्रासलैंड एंड टेम्परेट एरिया में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे टेम्परेट पिक कर लिया, मतलब जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग हमने पिक कर लिया। एंड दैट इज वाई वी कैन गो विद द सेकंड ऑप्शन। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपने ऑलरेडी अच्छे से लोकेशन वगैरह याद कर रखे होंगे। तो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये भी है जून 2020 से। बोला है द बबल प्लॉट शो एन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ऑन द एनुअल ग्रोथ ऑफ ट्री ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज, द एरिया ऑफ बबल इज प्रोपोर्शनल टू द ट्री ग्रोथ बेस्ड ऑन द प्लॉट द ग्रोथ ऑफ ट्री इज, ठीक है। तो ये जो एरिया है बबल का, एरिया जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द ट्री ग्रोथ, यानी कि साइज अगर लार्ज है समझ लीजिए जो ग्रोथ है वो क्या होगा, वो हानि होगा, राइट। और अगर साइज जो है कम है मतलब कि ग्रोथ भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे मैच करते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे हमको बबल ज्यादा बड़े साइज के मिल रहा है, मतलब कि बबल बड़े साइज के मिल रहे हैं तो यहाँ पे हमको ग्रोथ हाई मिलेगा। और ग्रोथ हाई कब मिल रहा है, देखिए ग्रोथ हाई अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो ये हमको मिल रहा है जब टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर यहाँ पे हाईएस्ट होगा, तो जब टेम्परेचर हाई है एंड प्रेसिपिटेशन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश कम है यानी कि प्रेसिपिटेशन होगा, तब हमको ग्रोथ हाईएस्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा बबल है, राइट। तो इसको मैं जरा मैच करती हूँ इस तरीके से, यहाँ देखिए प्रेसिपिटेशन सबसे हाई है तो छोटा छोटा यहाँ पे बबल है यानी कि ग्रोथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे छोटी हो जाएगी, तो ग्रोथ यहाँ पे कम हो गई। उस टाइम पे टेम्परेचर कितना है, देखिए टेम्परेचर लो है, इट इज टेम्परेचर लो है एंड प्रेसिपिटेशन देखिए उस टाइम पे हाई है, प्रेसिपिटेशन हाई है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओके द ग्रोथ ऑफ द ट्री इज, ट्री के ग्रोथ को पूछा गया है कि ये प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर से क्या रिलेशन रखता है। तो जो ग्रोथ ज्यादा है कब ज्यादा है, जब टेम्परेचर ज्यादा है, ग्रोथ कम हो गया जब टेम्परेचर कम हो गया। ग्रोथ का ज्यादा होना कब देखा जाए, जब प्रेसिपिटेशन कम है, ग्रोथ कम है तब प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, यानी कि ग्रोथ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और ग्रोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेसिपिटेशन के, राइट। ज्यादा कम का कॉम्बिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सेम सेम यानी ज्यादा ज्यादा का कॉम्बिनेशन या कम कम का एक साथ कॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेसिपिटेशन नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेसिपिटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यस, वी कैन गो विद थर्ड ऑप्शन। ओके अगेन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे ग्राफिकली था, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया है। द टेबल गिवन बिलो लिस्ट टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटीज एंड द टाइप ऑफ ग्रोथ फॉर्म, आपको मोस्ट डोमिनेंट ग्रोथ कौन सा फॉर्म कहां किस कम्युनिटी में मिलता है वो आपको मैच करना है। तो ड्राई ग्रास की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ फॉर्म प्लांट कम्युनिटी ड्राई ग्रास, उनका ग्रोथ फॉर्म हो सकता है दैट इज योर वन का हम मैच कर सकते हैं हेमिक्रिप्टोफाइट से, वन का हो जाएगा सी। नेक्स्ट सेमी डेजर्ट में जो है, सेमी डेजर्ट अगर हम देखना चाहें तो इसको यस इसको हम मैच कर सकते हैं दैट इज कैमियोफाइट से, तो ये हो जाएगा सेकेंड का ए, ठीक है, वन का सी सेकेंड का ए। और अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से हम किसको मैच कर सकते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से हम मैच कर सकते हैं फेनेरोफाइट्स को, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का डी, बच गया ए थ्री, फोर्थ फोर्थ का हो गया टुंड्रा जिसको कि हम क्रिप्टोफाइट से मैच कर सकते हैं, सॉरी हेमी क्रिप्टोफाइट से मैच कर सकते हैं, नॉट हेमी, फोर्थ है तो ये
फोर्थ का हो जाएगा हेमिंग परफेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम लेके चल सकते हैं जी। इस बेसिस पे चले अगर हम तो वी कैन गो विथ ऑप्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सभी को मैच किया गया उसी के अकॉर्डिंग। ओके अगला सवाल अगेन ये एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू शो द बायोलॉजिकल साइकिल इंटरैक्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग वाइंस वेयर ग्रोन इन अ प्लॉट अंडर अ नॉर्मल लेवल ऑफ CO2 एंड अंडर द आर्टिफिशियल एलिवेटेड एटमोस्फेरिक CO2 दैट इज इन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म। इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड CO2 लेवल ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन वाज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years दैट इज इन प्लॉट ए। यानी कि बढ़े हुए CO2 का जो इफेक्ट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन पे कैसा होगा ये 7 साल के लिए एक तरीके से स्टडी किया गया और उसको प्लॉट किया गया प्लॉट ए में। एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम इन द लीव्स एंड दीज प्लांट्स वर क्वांटिफाइड एट द एंड ऑफ द स्टडी दैट इज प्लॉट बी। और इस टाइप के प्लांट में जो है मॉलिब्डेनम एंड आयरन का कंसेंट्रेशन कितना था वो भी मेजर किया गया जो कि प्लॉट बी में रखा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द अबव। कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सही नहीं दिया गया। पहला है अच्छा अब क्या है ना आप अगर खाली ग्राफ को समझते हो तो एक्चुअल में आप बहुत सारी आप कह सकते हो कंक्लूजन निकाल सकते हैं लेकिन हमको बहुत सारे कंक्लूजन पे नहीं जाना है क्योंकि हमें 4 कंडीशन दिए गए हैं 4 में से 3 सही है 1 गलत है हमें उस 1 गलत को बाहर निकालना है। इसलिए हम अपने मन से ग्राफ को सॉल्व नहीं करेंगे हम पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर ग्राफ को मैच करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिक्रीज होने को हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि लीफ में आयरन एंड मॉलिब्डेनम का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया है। देखिए विद ईयर अगर हम देखें तो जैसे जैसे CO2 बढ़ रहा है एलिवेटेड CO2 इफेक्ट ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि CO2 तो बढ़ रहा है लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन कम हो रहा है और उसी बेसिस पे एक्सपेरिमेंटल प्लांट में आप देख सकते हैं विद टाइम मॉलिब्डेनम एंड आयरन भी एक तरीके से रिड्यूस हो रहा है। तो यस दोनों में रिलेशन देखा जा रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन भी मतलब डिक्रीज हो रहा है और ये जो प्लांट है इनमें आयरन एंड मॉलिब्डेनम का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है तो यस इसको कोरिलेट किया जा सकता है। अगला है एंड इनिशियल एक्सपोजर टू एलिवेटेड CO2 इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय दीज प्लांट। यानी कि इनिशियल टाइम में जब CO2 बहुत ज्यादा अमाउंट में दिया गया उस टाइम पे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इन प्लांट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिला। देखिए अगर देखने को मिलता तो ये ग्राफ शायद थोड़ा सा ऊपर जाता राइट बट यहाँ पे तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन से ही डिक्रीज होना शुरू हो गया है तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन गलत बोला है। नेक्स्ट है देयर इज अ कंटीन्यूअस डिक्रीज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू द एलिवेटेड CO2 ट्रीटमेंट। ये सीओ2 ग्राफ में साफ-साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे CO2 बढ़ रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो क्या हो रहा है धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कंसंट्रेशन जो है आयरन एंड मॉलिब्डेनम का वो भी विद टाइम कम होता जा रहा है। ये तो ट्रू है। अगला है प्लांट एक्सपोज टू कंटिन्यूस एलिवेटेड लेवल ऑफ CO2 हैड अ लोअर लेवल ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम इन द लीव्स। बिल्कुल ये ग्राफ से पता चला कि एक्सपेरिमेंटल प्लांट में जो है मॉलिब्डेनम एंड आयरन की कमी हो गई है। बिल्कुल मतलब जैसे जैसे CO2 बढ़ रहा है वैसे वैसे मॉलिब्डेनम एंड आयरन की कमी होती है ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है ग्रासलैंड प्लॉट विद वैरिंग नंबर ऑफ ग्रास स्पीशीज वर कल्टीवेटेड फॉर 10 इयर्स एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट टोटल प्लांट कवर्स वाज मेजर्ड सॉइल नाइट्रोजन वाज आल्सो मेजर्ड टू असेस इट्स यूटिलाइजेशन बाय द प्लांट एंड रिलेशनशिप आर शोन इन द फॉलोइंग प्लॉट। तो यहाँ पे क्या किया गया है ग्रासलैंड में कुछ ग्रासेस को 10 साल के लिए ग्रो किया गया उसके बाद देखा गया कि जो टोटल प्लांट कवर्स हैं वो कितने हैं और एक्चुअल में सॉइल के नाइट्रोजन को भी मेजर किया गया ताकि ये समझ में आ सके कि प्लांट ने कितना सॉइल यूटिलाइज किया है और उसके बाद कुछ रिलेशन में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिए गए हैं। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन यानी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है इस ग्राफ में। अगेन इसके लिए ऐसा ही करेंगे अपने मन से मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करने के बजाय बेटर है कि हम इन 4 ऑप्शन पे रिलाई करके तब सॉल्व करें। पहला है ग्रास इन प्लॉट विथ लोअर स्पीसीज रिचनेस इन रिच सॉइल नाइट्रोजन देयर बाय इंक्रीजिंग द प्लांट पावर्स। अब क्या करना पड़ेगा आपको स्पीसीज रिचनेस देखना है तो टोटल प्लांट पावर्स यहाँ पे वाई एक्सेस पे दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दिए गए हैं तो यहाँ पे 5 है यानी स्पीसीज रिचनेस कम है यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है क्योंकि 25 हो गए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रास स्पीसीज मेंशन है और यहाँ नाइट्रोजन रिमेनिंग इन द सॉइल मेंशन है। तो क्या बोला है ग्रास इन द प्लॉट विद लोअर स्पीसीज रिचनेस यानी ये राइट इन रिच सॉइल नाइट्रोजन देयर बाय इंक्रीजिंग द प्लांट पावर्स। तो अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या बोला गया है गलत बोला गया है राइट क्योंकि टोटल प्लांट पावर जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मतलब की स्पीसीज रिचनेस कम है ठीक है तो उस टाइम पे जो है हमको प्लांट पावर्स भी कम देखने को मिल रही है तो ये हो गया क्या गलत। अगला देखिए प्लॉट विद ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस शो ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड मोर एफिशिएंट सॉइल नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। तो देखिए प्लांट मतलब ऐसा प्लॉट जिसमें ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस है यानी 25 वाला ले सकते हैं ये हाईएस्ट स्पीसीज रिचनेस है यानी नंबर ऑफ ग्रासेस यहाँ ज्यादा है ठीक है ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिकॉज यहाँ पे टोटल प्लांट पावर्स है वो यहाँ पे हाईएस्ट दिख रहे हैं और दूसरा क्या है मोर सफिशियंट सॉइल नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन और इन प्लांट्स ने क्या किया सॉइल नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन भी अच्छा किया है इसीलिए जो नाइट्रोजन रिमेनिंग है सॉइल में वो हमको यहाँ पे सबसे कम मिल रहा है क्योंकि सीधी सी बात है अगर आपके प्लेट में कुछ खाना रखा जाए और उस प्लेट में खाना सबसे कम बचा है आपके खाने के बाद दैट मीन्स आपने सबसे ज्यादा खाया
राइट right? और जिस प्लेट में सबसे ज्यादा खाना बचा हुआ है खाने के बाद, मतलब कि उस इंसान ने खाना कम खाया है, तो जिसका सबसे लो रिमेनिंग मिलेगा, मतलब नाइट्रोजन जिसका सबसे ज्यादा कम मिलेगा सॉइल में, यानी कि उसने सबसे अच्छा नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन किया, तो वही बोला गया है, तो ये दोनों ही ग्राफ से हमको सेटिस्फाई मिल रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन यहां लग रहा है सही दिया गया। प्लॉट विद ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस यूटिलाइजेस नाइट्रोजन मोर एफिशिएंटली, इट विल नॉट शो इंक्रीज्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सीधी सी बात है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की तो बढ़ेगी अगर प्लांट अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो। अगला है फोर ड्रग ए बी सी डी वी यूज टू डिस्टर्ब द बायोलॉजिकल रिदम इन अ एक्सपेरिमेंटल एनिमल। तो यहाँ पे चार ड्रग लिए गए हैं जो कि बायोलॉजिकल रिदम को डिस्टर्ब करते हैं एनिमल में। द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ बायोलॉजिकल रिदम एज कम्पेयर टू द अनट्रीटेड आर शोन बिलो। तो यहाँ पे एक अनट्रीटेड है और दूसरा ट्रीटेड है। द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द बायोलॉजिकल रिदम, जो कि सॉलिड लाइन है ये वाली लाइन जो है बायोलॉजिकल रिदम को बता रही है, ऑफ अनट्रीटेड जो कि ट्रीट नहीं किया गया है, और ब्रोकन लाइन जो है वो है जो कि जिस एनिमल को हमने ड्रग से ट्रीट किया है। यहाँ पे ड्रग ए बी सी डी है, आपको बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला जो पीरियड का लेंथ था वो इतना था, राइट? अब इसकी वजह से क्या हो गया, इतना हो गया, यस सही बोला गया है। अगला देखिए, ड्रग बी कैन बी यूज टू यूज फॉर सस्टेन्ड लोअरिंग ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिदम विदाउट चेंजिंग इट्स पीरियड। तो ड्रग बी के कारण एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा है बिना पीरियड को चेंज किए हुए। तो पीरियड देखिए, पीरियड सब में बराबर ही है ये देखिए, राइट? लेकिन जो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी यहां से यहां का डिस्टेंस, राइट? तो एम्पलीट्यूड देखिए पहला वाला ज्यादा है, लेकिन जब ड्रग ट्रीटमेंट हो गया है तो वो छोटा हो गया है, राइट? तो बोला है कि यहाँ पे सस्टेन लोअरिंग हो रही है, बिल्कुल लगातार सस्टेन यानी कि बने रहता है, यस लगातार लोअरिंग हो रही है बिना पीरियड में चेंज हो, तो ये भी सही देख रखा है। तीसरा है, ड्रग सी कैन बी यूज फॉर द सस्टेन लोअरिंग ऑफ एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ रिदम। ड्रग सी को हम यूज कर सकते हैं एम्पलीट्यूड एंड पीरियड के रिदम को कम करने के लिए। तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, हो रहा है, रिदम कम हो रहा है, हो रहा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर रहा है। सस्टेन मतलब कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो यहाँ एंड में भी दिखना चाहिए था हमको, तब हम कहते हैं कि ये सस्टेन कर रहा है, लेकिन ये तो सस्टेन नहीं कर रहा, ये इनिशियल टाइम में देखा जा रहा है, लेकिन बाद में देखिए ये तो नॉर्मल वाले पे ही चला आया है, तो दिस इज नॉट सस्टेनिंग, गलत हो गया। ऑलमोस्ट ओवर खत्म ही कर दिया है, तो ये भी क्या हो गया, सही है। तो बोला गया कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो थर्ड वाला जो है इनकरेक्ट होगा। इस केस में आपको पीरियड, इसके अलावा वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड इसके बारे में पता होता है, तो ये भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो ये जनरल केसेस में सब रह चुके हैं। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्राइमरी सक्सेशनल स्पीशीज। These species do not follow any specific growth curve. नहीं भाई, initial जो species होती है वो मिली न्यूट्रल होती है, राइट? और न्यूट्रल यानी कि R selected में चली जाती है, और R selected यानी कि type 3 survival से पाओ। These species show type 2 curve, नहीं, these species show type 3 curve exactly. तो ये related question था, directly succession से ना पूछ के इसमें survivorship और RNA selection दोनों को आपस में जोड़ दिया, including the न्यूट्रल, तो तीन चार concept जोड़ के ये question बन गया। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ इफ एन नॉट एन टी एन एन डिफाइन द इनिशियल पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन नंबर एट टाइम टी एंड द नंबर ऑफ जनरेशन इन टाइम टी रेस्पेक्टिवली, देन फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इन टू टू रेस टू द पावर एन होता है। तो देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओके ये हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर लीजिए, ऐसा बन जाएगा, ये जो एन नॉट है ये यहाँ चला जाएगा, इनटू में इनटू टू रेस टू द पावर एन होता है, ये हो गया हमारा सही स्टेप। अगला है, फील्ड बायोलॉजिस्ट इज सैम्पलिंग द ट्री स्पीसीज इन अ फॉरेस्ट एरिया टू एस्टिमेट द ट्री डायवर्सिटी। ट्री की डायवर्सिटी को एस्टिमेट किया जा रहा है, व्हाट मेथड कैन बी एम्प्लॉयड टू डिसाइड इफ इट इज सैम्पलिंग एफर्ट इज एडिक्वेट टू एस्टिमेट द ट्री डायवर्सिटी इन एरिया। ट्री डायवर्सिटी को पता लगाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्वार्टाइल मेथड ऑफ सैम्पलिंग नहीं, ये यूज नहीं करेंगे, हम स्पीसीज एक्युमुलेशन कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? वी विल गो विद द सेकंड वन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, जैकार्ड्स डिसिमिलैरिटी कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल है, एरिया ऑफ पैच 1 इज, एरिया जो है पैच वन का है, दैट इज 2000 मीटर स्क्वायर विद रिसोर्स अवेल, रिसोर्स डेंसिटी ऑफ 5 यूनिट पर मीटर स्क्वायर। तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है 5 यूनिट पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 5 यूनिट है, तो फिर 2000 में कितना होगा, 2000 इंटू 5 कर देते हैं, तो यानी टोटल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी 2000 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी हो जाएगी, दैट इज 10,000 इन पैच वन, राइट? कितनी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, दैट इज इन पूरा पैच वन। अगला है, एरिया टू की बात कर लेते हैं, एरिया इन पैच टू इज 3000 मीटर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट, अच्छा यहाँ पे है 3000 मीटर स्क्वायर, रिसोर्स की डेंसिटी है 10 यूनिट्स पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 यूनिट है, तो 3000 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो इसको मैं अगेन नॉर्मली ही कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 30,000। एज पर द थ्योरी ऑफ आइडियल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ सच दैट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द टू पैचेस। अब हमको पता है, देखिए
कि जहां पे रिसोर्स होता है वहीं पे ऑर्गेनिज्म रहता है, बिकॉज जहां पे रिसोर्स होगा वहीं पे हमको एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म की एक्यूमुलेशन मिलेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो सबसे ज्यादा कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है क्लम्प्ड। क्लम्प्ड क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज भी हमारे नेचर में उसी तरीके से प्रेजेंट है, राइट। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो जिस तरीके का रिसोर्स, जैसे कि एक में पड़ा है 10,000, दूसरे में पड़ा 30,000, राइट, तो सीधी सी बात है अगर हम पैच वन पैच टू का रेशियो ले, रिसोर्स का अगर हम रेशियो लेते हैं, राइट, तो इस बेसिस पे चले तो ये हो जाएगा, यानी पैच वन में जितना होगा उसका लगभग 3 गुना ज्यादा जो है हमको पैच टू में मिलेगा। तो यानी इसका रेशियो लगभग 1:3 हो जाएगा, पैच वन रेशियो पैच थ्री के बेसिस पे चलते हैं। ओके, अगला सवाल है, द ग्राफ बिलो शोज द रिलेशनशिप ऑफ पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर, ओके, फेकंडिटी बी, एंड द एज एट विच द रिप्रोडक्शन दैट इज अल्फा इन एनिमल स्पीसीज। तो अल्फा यहाँ एक्स एक्सिस पे देके रखा है, आर यहाँ पे वाई एक्सिस पे देके रखा है। आपको बताना कौन सा कंक्लूजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी हमको सारा करके देखना पड़ेगा। पहला है, द लेटर द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन द लोअर इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अचीव। जितना ज्यादा लेटर होगा फर्स्ट रिप्रोडक्शन, जैसे कि ये हो गया लेट एज, उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमको, उतना ही कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अचीव होगा, हाँ देखने को तो मिल रहा है। अगला देखिए, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीजेस एज फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज पोस्टपोन टू द लेटर स्टेज रिगार्डलेस ऑफ फिकंडिटी। ओके, यहाँ फिकंडिटी देखिए, जैसे पहले केस में है 20, दूसरे केस में है 10, तीसरे केस में है 5, तो फिकंडिटी सबकी वैरी कर रही है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फिकंडिटी डिफरेंस हमको ये देखने को मिल रहा है कि लेटर एज में जाते जाते जो आर है वो कम हो जाता है, क्योंकि देखिए लेटर एज में जाते जाते जो है सबका ही आर लगभग, जैसे पहले वाले का जो आर था वो इतना हाई था, लेकिन जैसे लेटर एज में गया ये इतना हो गया, दूसरे वाले का भी इतना हो गया भले चला यहां से था, तीसरे वाले का भी लो हो गया भले वो चला यहां से था, राइट। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीजेस एज फर्स्ट रिप्रोडक्शन पोस्टपोन टू द लेटर स्टेज रिगार्डलेस ऑफ द फिकंडिटी, क्योंकि इसमें फिकंडिटी का फैक्टर भी इंक्लूड कर दिया गया, तो ये हमको सही लग रहा है। नेक्स्ट, एट एनी अल्फा द हायर द फिकंडिटी द हायर इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अचीव। नहीं, अगर ऐसा होता तो हमको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता, गलत। एज द एज एट द फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज पोस्टपोन फर्दर द बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग फिकंडिटी ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिकम प्रोग्रेसिवली नेग्लिजिबल। अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते, तो अगर देखा जाए तो हमको सेकंड ऑप्शन मतलब की पॉसिबिलिटी के अंडर में लग रहा है, तो वी कैन गो विद सेकंड। ओके, सो विद दिस जितने भी क्वेश्चन हमारे रह गए थे ओवरलुक की वजह से, बाकी